हो गया स्क्रीन पे नहीं आ रहा yeah. नहीं आ रहा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू क्या आपको मेरी आवाज आ रही है से यस और नो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है यस और नो यस और नो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है यस और नो ओके 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 तो बच्चों आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मैंने इस दुनिया को दो लोगों की तरफ हाथ जोड़ते हुए देखा है एक ऊपर वाला जिसे हम भगवान कहते हैं और दूसरा वो जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं जब भगवान की मन्नत करके लोग थक जाते हैं तो डॉक्टर से लोगों को मैंने प्रार्थना करते हुए देखा है कि आप हमारे रिलेटिव को बचा लीजिए आप इन्हें ठीक कर दीजिए आप इन्हें अच्छा कर दीजिए और आप आने वाले समय में ऐसे प्रोफेशन से जुड़ने जा रहे हैं जहां पे लोग आपको भगवान के बराबर दर्जा देंगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप आने वाले समय पर ऐसे प्रोफेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में आप डॉक्टर बनेंगे और ऐसे लोग जो आगे जाके देश की सेवा करेंगे और अच्छा काम करेंगे डॉक्टर बनेंगे अपनी पूरी मेहनत करेंगे ऐसे लोगों को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं मेरा नाम रुपेश चौधरी है मैं आपका बॉटनी का आपका चैप्टर लूंगा जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं मैं यहाँ कोटा में पढ़ाता हूं और यकीन 3.0 में अपनी सेवाएं देता हूं तो यह मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया और अब कुछ काम की बात कर लेते हैं बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वचन देता हूं कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से आपके क्लियर करूंगा आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सारे के सारे पी क्यों हम लोग क्लास में ही सॉल्व करेंगे और नीट तक आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मेरा वचन है और यह मेरा आपको चैलेंज है क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं से यस और नो यस और नो क्या आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं यस और नो यस और नो यस और नो यस और नो क्या आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट किए चीजों को स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल पूरा का पूरा फोकस करिएगा बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी एकदम मस्त होके बैठना बिंदास हो बैठना चौड़े होकर बैठना स्ट्रेस फ्री बैठना तो सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले जिनके बारे में बताया गया है उनका नाम है एरिस्टोटल तो बच्चों सबसे पहले एरिस्टोटल ने एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया एक को इन्होंने बोला प्लांट दूसरे को इन्होंने बोला एनिमल तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया दो पार्ट में डिवाइड किया एक को इन्होंने बोला प्लांट और दूसरे को इन्होंने बोला एनिमल तो यहां पर हमने लिख लिया प्लांट और यहां पर हमने लिख लिया आपका एनिमल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया प्लांट और दूसरा है आपका एनिमल बोला किस बेसिस पर आपने इनका क्लासिफिकेशन किया तो जो क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया था वो था इनका जो क्राइटेरिया इन्होंने यूज़ किया था वो था इनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर जो आंखों से दिख जाते हैं इन कैरेक्टर को मैं बोलता हूं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास तीन तरह के प्लांट हैं जिसमें एक प्लांट की हाइट बहुत छोटी है दूसरे प्लांट की हाइट थोड़ी बड़ी है और तीसरे प्लांट की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है तो आप तीन प्लांट की हाइट को देखकर बता सकते हैं कि ये प्लांट छोटा है ये प्लांट थोड़ा बड़ा है और ये प्लांट थोड़ा और बड़ा है तो ऐसे कैरेक्टर जिनको आप एक्सटर्नल अपियरेंस से उनको देखकर आप बता सकते हैं ऐसे कैरेक्टर को आप बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया प्लांट और एनिमल में किसके द्वारा एरिस्टोटल के द्वारा फिर ये जो प्लांट था इस प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया एक को बोला हर्ब्स दूसरे को बोला श्रब्स और तीसरे को बोला ट्री तो बच्चों आप देखिए प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया हर्ब्स श्रब्स एंड ट्री हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज तो जो हर्ब्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो थोड़ी छोटी होती है जो आपके श्रब्स होते हैं उनकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है और जो ट्री होते हैं उनकी हाइट और ज्यादा होती है तो हर्ब्स छोटे होते हैं श्रब्स हर्ब्स से बड़े होते हैं और जो ट्री होता है ये और बड़ा होता है तो आपके जो हर्ब्स होते हैं इनके अंदर जो स्टेम होती है बच्चों वो आपकी वीक स्टेम होती है इसके अंदर आपकी जो स्टेम होती है वो वीक स्टेम होती है और वो स्टेम आपकी होती है ग्रीन जैसे आपका टोमेटो हो गया जैसे आपका टमाटर हो गया तो जो टमाटर है जो टोमेटो है वो आपका जिसमें जाएगा वो मैंने आपका बोल दिया हब्स वो मैंने आपका बोल दिया हब्स श्रब्स जो होते हैं वो हब से थोड़े से बड़े होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है इनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी वुड़ी होती है जिसमें मैंने आपका एग्जाम्पल बोल दिया लेमन या मैंने आपका बोल दिया तुलसी या मैंने आपका बोल दिया लेमन या मैंने आपका बोल दिया तुलसी तो ये आपके किसके अंदर जाएंगे ये आपके श्रब्स के अंदर जाएंगे तीसरा होता है ट्री जो आप सभी को मालूम है कि ट्री बहुत बड़ा होता है बहुत वुडी होता है मेन ट्रंक होता है तो सबसे छोटा है हर्ब्स उससे बड़ा है श्रब्स और सबसे बड़ा है तो बच्चों इन तीनों की हाइट देखकर आप बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है और कौन छोटे और बड़े के बीच का है इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नेक्स्ट है आपका एनिमल एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक को हमने बोला अनेमा और दूसरे को हमने बोला इनेमा ऐसे एनिमल जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट थे जिनके अंदर आपका आरबीसी प्रेजेंट था ऐसे के लिए आपने वर्ड यूज किया इनेमा और जिसके अंदर आपका आरबीसी एबसेंट था उसके लिए आपने वर्ड यूज किया अनेमा तो उसके लिए आपने वर्ड यूज किया अनेमा तो बच्चों आपका क्राइटेरिया क्या हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया दो एक को बोला प्लांट दूसरे को बोला एनिमल प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया तीन पहला है हर्ब्स दूसरा है श्रब्स और तीसरा है ट्रीज ऐसे जिनकी स्टेम वीक होती है ग्रीन होती है उसको आप हर्ब बोलते हैं ऐसे जिनकी स्टेम थोड़ी सी वुड़ी होती है थोड़ी सी डार्क होती है उसको आप श्रप बोलते हैं इनकी हाइट हब से ज्यादा होती है और ट्री ये सबसे मेन ट्रंक होता है वुड़ी होता है ये काफी बड़े होते हैं जैसे आपका आम का पेड़ हो गया और एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी अगर आरबीसी है तो आप बोलेंगे इनेमा अगर आरबीसी नहीं है तो आप बोलेंगे आप यहां पे बोलेंगे अनेमा अगर आरबीसी है तो आप इसको बोलेंगे इनेमा तो ये पहला साइंटिफिक अप्रोच से अगर मैं आपसे बोलू कि सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच से जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो किन्होंने दिया वो आपका दिया था एरिस्टोटल ने किसने दिया था स्टेरिस्टोटल ने तो ये आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद सेकंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था उनका नाम था लीनियस उनका नाम था लीनियस तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया उनका नाम था लीनियस और लीनियस ने जो क्राइटेरिया यूज किया था वो था आपका सेल वॉल सेल वॉल का प्रेजेंस या मैं कहूं वॉल का एब्सेंस तो गौर फरमाइएगा वॉल का कॉम्पोजिशन नहीं सेल वॉल का प्रेजेंस या फिर वॉल का एब्सेंस जिनके अंदर वॉल प्रेजेंट थी उन सबको जिस किंगडम में डाला उस किंगडम का नाम था प्लांटे जिनके अंदर सेल वॉल थी उनको जिस किंगडम में डाला उसका नाम था एनिमेलिया तो इन्होंने यहां पर दो तरह के किंगडम दिए पहले का नाम था प्लांटे दूसरे का नाम था एनिमेलिया किस बेसिस पे दिया सेल वॉल के बेसिस पे क्या वॉल का कॉम्पोजिशन लिया था नहीं वॉल का कॉम्पोजिशन नहीं लिया था इन्होंने वॉल है या नहीं है सेल वॉल का प्रेजेंस या फिर एबसेंस अगर सेल वॉल है तो उन सबको जिस किंगडम में रखा उस किंगडम का नाम था प्लांटे अगर सेल वॉल नहीं है तो उनको जिस किंगडम में रखा उसका नाम था एनिमेलिया प्लांटे के अंदर कौन कौन आए? एलगी आया और कौन आया ब्रायोफाइट आया और कौन आया टेरिडो आया और कौन आया जिम्नो आया और कौन आया एनजीओ आया और कौन आया बैक्टीरिया आया और कौन आया फंगस आया इन सभी के अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है इसलिए इनको उठा के कहां पे रखा गया इसलिए इनको उठा के प्लांटे के अंदर रखा गया एनिमेलिया के अंदर आपके कौन आए एनिमेलिया में आपके आए वर्टिब्रेट्स आपके आए इनवर्टिब्रेट्स और आपके आए प्रोटोजोवा प्रोटोजोवा तो वीब्रेट इन प्रोटोजोआ प्रोटोजोवा इनको उठा के रखा गया एनिमेलिया के अंदर क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल आपकी एबसेंट है और प्रोटोजोआ के अंदर हम यहां पर बोल सकते हैं मैंने आपको बोल दिया अमीबा मैंने आपको बोल दिया पैरामीशियम तो बच्चों टू किंगडम के अकॉर्डिंग आपका ये सब प्लांटे के अंदर थे और किंगडम के अकॉर्डिंग आपके वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स और प्रोटोसा ये सब आपके एनिमेलिया के अंदर थे क्योंकि यहां पर आपकी cell wall absent थी और पर पर आपकी cell wall present थी। तो बच्चों मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा आगे चलते हैं Why cell wall? ने वॉल क्यों लिया लीनियस ने वॉल इसने लिया क्योंकि वॉल की वजह से उसका जो क्लासिफिकेशन था वो इजी पड़ रहा था उसे कुछ नहीं करना था उसे तो बस ये देखना था कि यार ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनके अंदर सेल वॉल मिलती है तो इनको उठा के प्लांट्स में रख दो इनके अंदर सेल वॉल नहीं मिलती इनको उठा के एनिमेलिया के अंदर रख दो तो वाय वॉल, वाय सेल वॉल वाय वॉल इन्होंने वॉल क्यों लिया इन्होंने वॉल क्यों लिया इजी टू Understood. Easy to understood. समझना आसान था पढ़ना आसान था इसलिए इन्होंने वॉल को लिया जिनके अंदर वॉल होगी उनको प्लांटे में रख दो जिनके अंदर वॉल नहीं होगी उनको एनिमेलिया में रख दो मैनी ऑर्गेनिज्म इन एनी कैटेगरी मैनी ऑर्गेनिज्म नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी बोला इसका मतलब क्या हुआ जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहां पर बोला जिसको मैंने बोला युगलिना जिसको मैंने बोला आपका युगलीना बोला जो युगलिना है ये युगलीना तो इसके अंदर आपकी सेल वॉल एब्सेंट है और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो ये कैसा कैरेक्टर हुआ ये आपका एनिमल का कैरेक्टर हुआ ये आपका कैसा कैरेक्टर हुआ ये आपका एनिमल का कैरेक्टर हुआ अगर युगलीना के अंदर हमें मालूम है कि जो युगलीना होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये आपका कैसा कैरेक्टर हुआ ये आपका हुआ

ऑर्गेनिज्म थे ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो था इस क्लासिफिकेशन के बहुत सारे आपके डिसएडवांटेज थे इस क्लासिफिकेशन के आपके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे सो इट वाज सो इट वाज इन मतलब ये क्लासिफिकेशन आपका सफिशियंट नहीं था ये क्लासिफिकेशन आपका सफिशियंट नहीं था तो अभी तक आपने क्या देखा आपने देखा टू किंगडम क्लासिफिकेशनों ने दिया लीनियस किस बेसिस पे दिया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है एलगी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजियो बैक्टीरिया फंगस इन सब को उठा के रख दिया प्लांटे के अंदर वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स और प्रोटोजोवा इनमें सेल वॉल नहीं है इनको उठा के रख दिया एनिमेलिया के अंदर इसके बाद आपने देखा वाय वॉल क्योंकि सेलवॉल की वजह से पढ़ना आसान था इजी टू अंडरस्टैंड मैनी ऑर्गेनिज्म नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी काफी सारे ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांटे में भी फिट नहीं हो रहे थे एनिमेलिया में भी फिट नहीं हो रहे थे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया युगलिना क्योंकि युगलिना के अंदर सेलवॉल नहीं मिलती ये एक एनिमल का कैरेक्टर है बट यूगिना फोटो करता है ये एक प्लांट का कैरेक्टर है तो इन्होंने बोला ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें ये कंफर्म नहीं हो पाता कि हम इनको प्लांटे में रखें या फिर हम इनको एनिमेलिया के अंदर रखें तो इसका मतलब सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज इन इसमें जो नॉलेज थी वो नॉलेज सफिशियंट नहीं थी ड्रॉबैक इसका ड्रॉबैक क्या था तो ड्रॉबैक को जानने के लिए आप समझिएगा पहले आप मुझे बताइएगा कि आपका जो एलगी है आपका जो एलगी है एलगी मोस्टली कैसे होते हैं एलगी मोस्टली कैसे होते हैं एलगी मोस्टली होते हैं सेलुलर एलगी मोस्टली होते हैं मल्टी सेलुलर ब्रायोफाइट कैसा है मल्टी सेलुलर टाइडोफाइट कैसा है मल्टी सेलुलर जिम्नोस्पर्म कैसा है मल्टी सेलुलर एंजियोस्पर्म कैसा है मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया कैसा है बैक्टीरिया है आपका यूनिसेलर बैक्टीरिया है आपका यूनिसेलर फंगस कैसा है फंगस मोस्टली मल्टी है फंगस मोस्टली मल्टी है फंगस मोस्टली आपका मल्टी है तो आप देखिए प्लांटे के अंदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को भी रखा हुआ है और मल्टी ऑर्गेनिज्म को भी रखा हुआ है एक ही किंगडम के अंदर इन्होंने यूनिसेलर और मल्टी दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म को रख दिया तो इसका मतलब इसका मतलब डिडेंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिडेंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिडेंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म पूरा फोकस रखिएगा अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा तो पूरा अच्छी तरीके से समझिएगा पूरी एनर्जी से बैठिएगा यू कैरी ऑट है, है? एलगी जो है आपका वो यू कैरीऑट है ब्रायफाइट यू कैरी ऑट है टेरिडोफाइट यू कैरी ऑट है जिमनोस्पम यू कैरी ऑट है एनजियोस्प यू कैरी ऑट है बैक्टेरिया आपका प्रो कैरीऑट है फंगस आपका यूकैरियोट है आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक ही जगह में रख दिया प्लांटे में रख दिया आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को एक जगह में रख दिया इसका मतलब आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया तो मैं कह सकता हूं डिडन डिफरेंशिएट बिटवीन डिडन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट प्रोकैरियोट एंड यू कैर तीसरी चीज समझिएगा एलगी ब्रायडो जिम्नो एनजियो जिम्नो एनजियो ये कैसे हैं हैं ये ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स ब्रायोफाइट हैं टेडोफाइट ऑटोट्रॉप्स हैं जिम्नोस्पर्म ऑटोट्रॉप्स हैं एंजियोस्पर्म ऑटोट्रॉप्स हैं बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेटरोट्रॉप्स भी हैं बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉप्स भी हैं और बैक्टीरिया आपके हेटरोट्रॉप्स भी हैं लेकिन जो फंगस है फंगस आपका हेट्रोट्रॉप्स है तो आप देख लीजिए ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म को एक ही किंगडम में रख दिया प्लांटे के अंदर रख दिया ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को इन्होंने एक साथ रख दिया ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों को एक साथ इन्होंने यहां पर रख दिया तो यह भी इनका क्या था ड्रॉबैक था इन्होंने यूनिसेलर और मल्टीसेलर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया इन्होंने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में डिफ्रेंशिएट नहीं किया सारे के सारे ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप मल्टी सेलर सारे के सारे, सेल्लर, सेल्लर, सारे, के सारे और को एक ही जगह पर रख दिया तो ये इनके ड्रॉबैक बताना चाहूंगा अगर मैं आपको बोलता हूं नोट डाल के मैंने यहां पर लिखा हुआ है एलगी बच्चों एलगी आपके मोस्टली कैसे होते हैं मल्टीसेलर होते हैं बट यहां पर कुछ यूनिसेलर एलगी भी रखे गए थे यहां पर कुछ यूनिसेलर एल्गी भी रखे गए थे जिसमें आपका एग्जाम्पल है क्लोरेला और दूसरा आपका एग्जाम्पल है क्लाइमाइडोमोनास तो पहला एग्जाम्पल हुआ क्लोरेला दूसरा एग्जाम्पल आपका हुआ क्लाइमोडोमोनास तो पहला हुआ क्लोरेला दूसरा हुआ क्लाइमोडोमोनास क्लोरेला क्लाइमोडोमोनास यूनिसेलर एल्गी हैं बाकी एल्गी मल्टी सेलर है बाकी एल्गी मल्टी सेलर है क्लोरेला और क्लाइमोडोमिनास यूनिसेलर एल्गी है आपने यूनिसेलर एल्गी और मल्टीसेलर एल्गी को एक साथ रख दिया आपने यूनिसेलर एल्गी और मल्टीसेलर एल्गी को एक साथ रख दिया यूनिसेलर एल्गी का एग्जाम्पल हो गया क्लोरेला एंड क्लाइमोडोमिनास तो एल्गी में इन्होंने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पाइरोगायरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पाइरोगायरा स्पायरो मतलब कैसा एलगी स्पाइरो मतलब कैसा एलगी मल्टी सेलर एंड क्लोरेला क्लाइमोडोम कैसा एलगी कैसा एलगी कैसा एलगी यूनिसेलर एलगी आपने मल्टी और यूनिसेलर एलगी को एक साथ एलगी के अंदर प्लांट किंगडम में रख दिया आपने स्पाइरो जो मल्टी सेलर है क्लोरेला स जो यूनिसेलर है इन दोनों को आपने एलगी में रख दिया और एलगी को आपने प्लांटे में रख दिया मतलब आपने यूनिसेलर और मल्टी एलगी को एक साथ प्लांटे के अंदर रख दिया ये ड्रॉबैक था ये ड्रॉबैक था इसको हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे ये आपका ड्रॉबैक था फंगस एंड ग्रीन प्लांट बताइए मुझे फंगस बताइए मुझे फंगस ऑटोट्रॉप या हेट्रोट्रॉप फंगस ऑटोट्रॉप या फंगस ऑटोट्रॉप आपका हेट्रोट्रॉप फंगस है आपका हेटरोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट बताइए कैसे हैं ग्रीन प्लांट है आपके ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट है आपके ऑटोट्रॉप्स ये भी एनसीईआरटी में लिखा है पूरा लेक्चर ध्यान से समझना पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे कहीं से कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे फंगस कैसा है हेट्रोट्रॉप ग्रीन प्लांट कैसे हैं ऑटोट्रॉप एलगी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ ये सारे कैसे प्लांट हैं ये ग्रीन प्लांट है फंगस कैसा है heterotrop. ये सब कैसे हैं ऑटोट्रॉप तो ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप आपने एक जगह पर रख दिया ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप आपने एक जगह पर रख दिया ये देखिए प्लांटे में फंगस रखा हुआ है ये देखिए प्लांटे के अंदर आपके ग्रीन प्लांट रखे हुए हैं मतलब ग्रीन प्लांट जो आपके ऑटोट्रॉप्स हैं फंगस जो आपके हेट्रोट्रॉप है उनको आपने एक साथ प्लांटे के अंदर रख दिया जो कि इनका ड्रॉबैक था जो कि इनका ड्रॉबैक था बट बट जो जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल थी वो सेलुलोस से बनी थी और जो फंगस था फंगस की काइटिन से बनी थी फंगस की वॉल काइटिन से बनी थी आपने ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स को एक जगह पे रख दिया आपने फंगस और ग्रीन प्लांट को एक जगह पे रख दिया इनकी सेल वॉल के कंपोजिशन में वेरिएशन थी इनकी सेल वॉल के कंपोजिशन में वेरिएशन थी एक की सेल वॉल बनी है सेलुलोज से एक की सेल वॉल बनी है सेलुलोज से एक की सेल वॉल बनी है काइटिन से एक की सेल वॉल बनी है काइटिन से एक की सेल वॉल बनी है सेलुलोज से तो आई होप आपको यहां तक ये ड्रॉबैक अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका आएगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जाने से पहले आप मुझे कुछ सवाल का जवाब दीजिए मुझे बताइए क्लोरेला और क्लाइमोडोमास को टू किंगडम के अकॉर्डिंग

आपको यह याद रखना है कि टू किंगडम के अकॉर्डिंग आपका प्रोटोजोआ एनिमेलिया के अंदर था टू किंगडम के अकॉर्डिंग टू किंगडम के अकॉर्डिंग आपका क्लोरेला और प्लांटे के अंदर थे क्लोरेला क्लाइमोडोमास यूनि एल्गी हैं और यह आपके प्लांटे के अंदर थे यह आपके प्लांटे के अंदर थे नेक्स्ट है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आपने टू किंगडम पढ़ा टू किंगडम में कौन कौन से थे प्लांटे और एनिमेलिया अब थ्री किंगडम वाला बोलता है कि दो तो तुम लेके घूम रहे हो बाबा एक आपका प्लांट है दूसरा आपका एनिमेलिया है बोला थर्ड किंगडम कौन आया थर्ड किंगडम कौन आया तो थर्ड किंगडम जो आया उसका नाम है प्रोटेस्टा उसका नाम है प्रोटेस्टा तो जो थर्ड किंगडम आया उसका नाम है आपका प्रोटेस्टा तो जो थर्ड किंगडम आया उसका नाम है आपका प्रोटेस्टा अब ध्यान से समझिएगा बिल्कुल फोकस करिएगा अच्छे से फोकस करिएगा प्रोटिस्टा के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा के अकॉर्डिंग या मैं कहूं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोटोजोवा था जो आपका प्रोटोजोवा था जिसको मैं बोल रहा हूं जिसमें मैं बोल रहा हूं अमीबा और पैरा मीशियम देख लीजिए टू किंगडम के अकॉर्डिंग आपका कहां पे था एनिमेलिया में था थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग को कहा था टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट था एनिमेलिया में थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग ये किस में आ गया प्रोटेस्टा में आ गया पहला किंगडम प्लांटे दूसरा एनिमेलिया और तीसरा आपका हो गया प्रोटेस्टा तो बच्चों यहां पर ध्यान समझिएगा और यहां किस किस को रखा गया यहां पर आपका बैक्टीरिया को रखा गया यहां पर आपका फंगस को रखा गया और यहां पर आपके रखे गए यूनिसेलुलर एलगी जिसको आप बोल रहे हैं क्लोरेला और दूसरे को आप बोल रहे हैं अब आप देखिए देखिए गौर से क्लोरेला और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में है अमीबा पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा में है किसके अकॉर्डिंग थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग लेकिन टू किंगडम के अकॉर्डिंग आप देखिए टू किंगडम के अकॉर्डिंग आप देखिए टू किंगडम के अकॉर्डिंग देखिए क्लोरेला और कहां पे थे प्लांटे में थे और आपका जो प्रोटोजोवा था आपका जो प्रोटोजोवा था वो एनिमेलिया के अंदर था टू किंगडम के अकॉर्डिंग आपका प्रोटोजोवा एनिमेलिया के अंदर था लेकिन थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग लेकिन थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोटोजोवा है वो प्रोटिस्टा के अंदर आ गया आपका जो क्लोरेला और क्लाइमेडोमेनास है वो भी आपका प्रोटिस्टा के अंदर आ गया तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है अच्छे से याद करनी है क्या आपको यहां तक अगर चीज समझ में आई तो आप मुझे बताइएगा आप मुझे बताइएगा क्लोरेला और क्लाइमेट ओमनास को क्लोरेला और क्लाइमेट को थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया बताइए क्लोरेला और क्लाइमेट को थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया प्लांटे में एनिमेलिया में या प्रोटिस्टा में बताइए प्लांटे में एनिमेलिया में या प्रोटिस्टा में लिख के बताइए लिख के बताइए मां बाप का सपना पूरा करना है उनकी स्वाभिमान की लड़ाई है अपने अभिमान की लड़ाई है अपने टीचर का गुरूर हो डॉक्टर बनना है ठंडे नहीं बैठना ठंडे नहीं बैठना छे घंटा इसी एनर्जी से पढ़ाऊंगा ठंडे नहीं बैठना बताइए आंसर दीजिए बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सही। बताइए अमीबा और पैरामिशम को थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया अमीबा और पैरामिशम को थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया बताइए बिल्कुल सही प्रोटिस्टा बिल्कुल सही प्रोटेस्टा बिल्कुल सही और एक चीज और देखिएगा बैक्टीरिया और फंगस बैक्टीरिया और फंगस को प्रोटिस्टा में रखा है अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया और फंगस को प्रोटिस्टा में रखा गया लेकिन टू किंगडम के अकॉर्डिंग इन दोनों को प्लांटे में रखा गया किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया और फंगस कहां थे बताओ जरा. टू किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया और फंगस कहां थे बताओ. टू किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया और फंगस कहां थे बताओ. बिल्कुल बिल्कुल सही, सही. के 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 और 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 थे? 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 ये आपके प्लांटे में थे ये आपके प्लांटे में थे ये आपके प्लांटे में थे बिल्कुल सही Osionfish. बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही ये देखिए बैक्टीरिया बताइए बैक्टीरिया टू किंगडम के अकॉर्डिंग कहां था बैक्टीरिया टू किंगडम के अकॉर्डिंग कहां था बताइए बैक्टीरिया टू किंगडम के अकॉर्डिंग कहा था, था? बताइए बिल्कुल सही बैक्टीरिया आपका था प्लांटे में थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कहां था 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 ये था आपका प्रोटेस्टा बिल्कुल सही बताइए फंगस फंगस आपका टू किंगडम के अकॉर्डिंग कहां पे था फंगस टू किंगडम के अकॉर्डिंग आपका था प्लांटे में और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग आपका था प्रोटेस्टा के अंदर प्रोटेस्टा के अंदर तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद है फोर एंड फाइव किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया पहले से लेके घूम रहे हो थर्ड किंगडम में नया आया प्रोटेस्टा तो अब फोर्थ किंगडम में नया कौन आएगा फोर्थ किंगडम में जो नया आएगा उसका नाम है उसका नाम है मोनेरा उसका नाम है मोनेरा तो फोर किंगडम में जो नया आया उसका नाम है मोनेरा और फाइव किंगडम में जो नया आया अगर मैं फाइव किंगडम के साइंटिस्ट की बात करता हूं तो आप साइंटिस्ट बोलेंगे आर एच विटेकर आर एच विटेकर प्लाट है एनिमल या प्रोटेस्ट मोडेरा बताओ क्या आएगा बताओ फाइव किंगडम में कौन सा किंगडम आएगा बताओ कौन सा किंगडम आएगा फाइव किंगडम में कौन सा किंगडम आएगा फाइव किंगडम में बताएंगे मुझे कौन कौन सा सा मिसिंग है आएगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही यहां पर आपका आएगा फंगस यहां पर आपका आएगा फंगस यहां पर आपका आएगा फंगस तो बच्चों आइएगा फटाफट आइएगा फटाफट आइएगा रिवीजन फटाफट रिवीजन पूरा साथ के साथ बस मेरे साथ बैठे रहना जमे रहना बिल्कुल एरिस्टोटल ने साइंटिफिक अप्रोच से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया प्लांट एंड एनिमल प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज जिनकी हाइट सबसे छोटी थी वो हर्ब्स जो हर्ब्स से बड़े थे वो श्रब्स जो इनसे बड़े थे वो थे आपके ट्री इसके बाद एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया अनेमा एंड इनेमा यहां पर आरबीसी एब्सेंट थी यहां पर आरबीसी प्रेजेंट थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया क्राइटेरिया क्या था सेल वॉल का प्रेजेंस और सेल वॉल का एब्सेंस सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्राइटेरिया नहीं था सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्राइटेरिया नहीं था सेल वॉल का मिलना या फिर सेल वॉल का ना मिलना तो जिनके अंदर सेल वॉल थी उन सबको प्लांटे में रख दिया भाई फंगस और बैक्टीरिया को प्लांटे में क्यों रखा क्योंकि इनमें सेल वॉल थी वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेड प्लोस हुआ इनको एनिमेलिया के अंदर रख दिया गया अमीबा पैरामिशम को के अंदर रख दिया गया क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल एबसेंट थी सेल वॉल इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन युगलिना कहीं पे भी फिट नहीं बैठता था क्योंकि इसके अंदर प्लांट के भी कैरेक्टर थे और एनिमल के भी कैरेक्टर थे ड्रॉबैक आपने मल्टी सेलर और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को एक जगह पर रख दिया आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक जगह प्लांटे के अंदर रख दिया आपने ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप को एक जगह प्लांटे के अंदर रख दिया आपने यहां एल में दोनों तरह के एल रखे यूनिसेलर भी रखे और मल्टी सेलर भी रखे मल्टी सेलर में एग्जांपल मैंने यहां पर एनसीआरटी वाला लिखा स्पाइरो और यूनिसेलर वाला लिखा मैंने क्लोरेला एंड क्लाइमोडोमोनास तो आपने इन दोनों को प्लांटे के अंदर रख दिया आपका फंगस हेट्रोट्रॉप था आपका आपका ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स था आपने हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों को एक साथ एक ही जगह पर सेम किंगडम में रख दिया यह चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी थ्री किंगडम में नया कौन आया थ्री किंगडम में नया आया प्रोटिस्टा तो आपको यहां नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि प्रोटेस्टा के अंदर था किसके अकॉर्डिंग थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टा के अंदर क्लोरेला और क्लाइमेटोमिनास था किसके अकॉर्डिंग थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग और इसके बाद है आपका मैंने आपको क्वेश्चन बताए फिर हमने ये क्वेश्चन किए फिर हमने फोर किंगडम में नया आया आपका कौन मोनेरा तो पहली बार मोनेरा किस किंगडम में आया फोर किंगडम में आया और फाइव किंगडम में नया आया आपका कौन फंगस और ये आपने दिया था विटेकर ने दिया था बच्चों मैंने आपको थ्री किंगडम का साइंटिस्ट नहीं बताया जिसका नाम है हैकल इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम अभी एनसीआरटी पे फोकस करके चल रहे हैं मैं चाहूं तो इसका साइंटिस्ट भी लिख सकता हूं जिसका नाम है कॉपलैंड बट हमें वो पढ़ना है जो जो नीट में आता है हमें वो नहीं पढ़ना जो टीचर को आता है इसलिए मैं बिल्कुल एनसीआरटी फोकस करके चलूंगा तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं तो यस लिख दीजिए थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए गरीब को यस लिख दीजिए अगर आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई हैं तो ठीक है बेटा थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर मैं क्राइटेरिया की बात करता हूं तो आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनी ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के आपके क्राइटेरिया लिए गए थे इसके बेसिस पर आपका क्लासिफिकेशन किया गया था तो सबसे पहले है आपका सेल स्ट्रक्चर तो बच्चों सेल स्ट्रक्चर मोनेरा कैसा है आपका प्रोकैरियोट या यूकैरियोट मोनेरा आपका प्रोकैरियोट है मोनेरा जो है आपका ये आपका प्रोकैरियोट है और बाकी जो है ये आपके यूकैरियोट हैं, है ये जो है आपके यूकैरियोट हैं, है ये आपका यूकैरियोट है और ये आपका यूकैरियोट है तो पहला क्राइटेरिया था फाइव क्लासिफिकेशन का सेल स्ट्रक्चर जिसमें मोनेरा प्रोकैरियोट यूकैरियोट 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 नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इनमें कौन यूनिसेलर है और कौन मल्टी सेलर है तो अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो आपका जो मोनेरा हो गया है वो आपका प्रोटेस्टा है, है बच्चों वो भी आपका सेलर है फंगस जो है आपका फंगस जो है आपका ये आपका मोस्टली मल्टी सेलर है ये आपका मोस्टली मल्टी सेलर है जिसको एनसीआर ने लिखा हुआ है लूज टिश्यू लूज टिश्यू लूज टिश्यू का मतलब हुआ कि यहां पर जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हैं सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं तो इसने यहां पर जो वर्ड यूज किया गया ये वर्ड यूज किया गया लूज टिश्यू तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया लूज टिश्यू और यहां पर यहीं पर आप जो सेलुलर लिख रहे हैं इसी को सेलुलर बोलते हैं आप यूनिसेलर लिखिए या सेलुलर लिखिए आप यूनिसेलर लिखिए या सेलुलर लिखिए एक ही बात है अब यहां से आपका आया मल्टीसेलर और मल्टी से आगे हम प्लांटे में गए तो यहां आपका मिला टिश्यू लेवल या आपका मिला ऑर्गन लेवल और यहां पर आपका टिश्यू है आपका ऑर्गन है और आपका ऑर्गन सिस्टम है तो हमारे केस में सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में काम करते हैं नर्वस सिस्टम हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और ये सिस्टम किसके किसकी वजह से काम करते हैं ये सिस्टम ऑर्गन की वजह से काम करते हैं

ए सेक्शुअल भी मिलेगा और आपका सेक्शुअल भी मिलेगा फंगस के अंदर आपका ए सेक्शुअल भी मिलेगा आपका सेक्शुअल भी मिलेगा प्लांटे के अंदर प्लांटे के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांटे के अंदर कौन सा मिलेगा बच्चों प्लांटे के अंदर आपका ए सेक्शुअल भी मिलेगा और सेक्सुअल भी मिलेगा अगर आपको याद है कि प्लांटे के अंदर वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं प्लांटे के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं आपने सुना होगा राइजोम ट्यूबर बल्ब सकर तो ये सब किसमें आएंगे ये सब आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे और एनिमेलिया में आपका जो मिलेगा वो मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन की मैं अगर बात करता हूं तो बच्चों मोनेरा जो होते हैं मोनेरा में आपके ऑटोट्रॉप्स भी मिलते हैं और मोनेरा में आपके हेटरोट्रॉप्स भी मिलते हैं मोनेरा में ऑटोट्रॉप मिलते हैं और हेट्रोट्रॉप मिलते हैं अगर मैं पूछूं मोस्टली कैसा होगा मोस्टली कैसा होगा तो मोनेरा के अंदर मोस्टली जो आपके होंगे वो हेट्रोट्रॉप्स होंगे मोनेरा में ऑटोट्रॉप्स भी है मोनेरा में हेट्रोट्रॉप्स भी है बट मोनेरा में जो मोस्टली होंगे वो आपके हेट्रोट्रॉप्स होंगे उसके बाद एनसीआरटी में टेबल में ऑटोट्रॉप्स में दो चीजें लिखी गई हैं। एक लिखा हुआ है यहां पर मोनेरा के अंदर एक चीज लिखी हुई है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और दूसरा लिखा हुआ है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप ये दो वर्ड लिखे हुए हैं टेबल के अंदर एक लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और दूसरा लिखा हुआ है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप तो ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बनाएंगे उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो आपके लाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बनाएंगे ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक तो मतलब ऑटोट्रॉप। ऐसे बैक्टीरिया जो कौन सी एनर्जी यूज करेंगे यूज करेंगे अभी मैं इसके एग्जांपल आपको मोनेरा में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको मोनेरा का न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊंगा तब मैं आपको केमिकल एनर्जी का मतलब बताऊंगा तब तक सिर्फ इतना याद रखना, बनाएंगे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी की हेल्प से खाना बनाएंगे उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप तो मोनेरा के अंदर फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी होते हैं मोनेरा के अंदर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी होते हैं तो ऑटोट्रॉप्स में मोनेरा में कितने टाइप हो गए दो एक को बोला फोटोसिंथेटिक दूसरे को बोला कीमोसिंथेटिक मोनेरा में हेट्रोट्रॉप्स भी हैं बल्कि ज्यादातर जो मोनेरा होते हैं मोनेरा में जो ज्यादातर लोग आते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉप्स आते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉप्स आते हैं उसके बाद है आपका प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा बच्चों प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप्स भी होंगे और आपके हेटरोट्रॉप्स भी होंगे ऑटोट्रॉप्स भी होंगे और हेटरोट्रॉप्स भी होंगे बट ऑटोट्रॉप्स में ओनली कौन से होंगे ओनली होंगे फोटो ऑटोट्रॉप ओनली फोटो ऑटोट्रॉप यहां पर सिर्फ फोटोट्रॉप होंगे यहां पर कीमोऑटोट्रॉप नहीं होंगे मोनेरा में दोनों होंगे मोनेरा में फोटो वाले भी होंगे लाइट वाले भी होंगे केमिकल एनर्जी वाले भी होंगे बट यहां पर प्रोटिस्टा के अंदर आपके कीमो ऑटोट्रॉप नहीं होंगे प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ आपके फोटो ऑटोट्रॉप होंगे सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप होंगे बताइए फंगस के अंदर हेट्रोट्रॉप फंगस के अंदर ऑटोट्रॉप या हेट्रोट्रॉप फंगस के अंदर ऑटोट्रॉप या हेट्रोट्रॉप फंगस के अंदर हेट्रोट्रॉप बिल्कुल सही बिल्कुल सही फंगस के अंदर आपके हेट्रोट्रॉप इनके अंदर हम तब पढ़ेंगे बेटा पैरासिटिक ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम मोनेरा पढ़ेंगे प्रोटिस्टा पढ़ेंगे फंगस पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पर अपने आप आ जाएगी ठीक है कि सैप्रोफिटिक क्या है पैरासिटिक क्या है अभी सिर्फ मैं ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहा हूं कि यहां ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप यहां आपके हेट्रोट्रॉप प्लांटे के अंदर आपके आए ऑटोट्रॉप्स और एनिमेलिया के अंदर आपके आए हेट्रोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स तो ये आपका चार्ट बन गया है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये प्रो है बाकी सारे यू हैं है ये यूनिसेलर ये यूनिसेलर ये तीनों मल्टीसेर ए सेक्सुअल यहां दोनों है यहां दोनों है यहां दोनों है यहां सिर्फ सेक्सुअल है यहां ऑटोट्रॉप्स एंड हैट्रोट्रॉप हैं आपके हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में दो टाइप के हैं वो लोग जो लाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बनाएंगे उनको फोटो ऑटोट्रॉप बोलेंगे जो की से बनाएंगे, उनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोलेंगे बट बट, बट प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप में सिर्फ एक टाइप है जिसका नाम है फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप इसके अंदर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप नहीं है फंगस हेट्रोट्रॉप है प्लांटे ऑटोट्रॉप है एनिमेलिया आपके हेट्रोट्रॉप है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट मतलब है कि अगर आप किसी प्लांट के बारे में बच्चे को नॉलेज देते हो कि भैया इस प्लांट का नाम ये है इसकी फैमिली ये है इसकी क्लास ये है इसका ऑर्डर ये है तो आप इसके साथ साथ ये भी बताइए कि इस प्लांट का एंसेस्टर कौन है यह प्लांट कहां से आया इस प्लांट का इवोल्यूशन कहां से हुआ इसका एंसेस्टर कौन है उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो अगर मैं आपको बोला, आप बोला कि अगर मैं आपको बोला फाइलोजेनी फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसका मतलब होता है आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो फाइलोजेनी का जो मतलब हुआ वो आपका हुआ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कहां से हुआ जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से आए जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से आए टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से आए ब्रायोफाइट एलगी से आए तो आप किसी प्लांट का अगर डिस्क्रिप्शन देते हैं अच्छी बात है बट आप इसके साथ ये भी बताइए कि उस प्लांट का इवोल्यूशन कहां से हुआ उस प्लांट का ओरिजिन कहां से हुआ तो बच्चों ये हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया आपको अगर अगर ये चीज समझ में आई तो आप मुझे कुछ सवालों के जवाब देना मेरे कुछ सवालों का जवाब देना क्लोरेला और क्लाइमोडोमास को फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया बताइए फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमेट को कहां रखा गया बताइए 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 फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमेट को कहां रखा गया बताइए फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया बताइए बिल्कुल सही फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग हमने रखा प्रोटेस्टा में एक बच्चा लिख रहा है कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया नहीं था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया नहीं था एनसीआरटी में टेबल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा जरूर है

अमीबा पैरामीशियम अगर कोई आपसे पूछता है फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया तो वहीं रखा गया जहां पर थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग रखा गया जिसको आप बोलते हैं प्रोटिस्टा जिसको आप बोलते हैं प्रोटिस्टा अगला सवाल बताइए बताइए बैक्टीरिया को फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया बताइए बैक्टीरिया को फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया बताइए बताइए बैक्टीरिया को फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया कहां रखा गया बिल्कुल सही फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को रखा गया मोनेरा के अंदर मोनेरा के अंदर बिल्कुल सही फंगस को बताइए फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया फंगस को बताइए फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग फंगस को खुद एक किंगडम बना दिया गया फंगस को खुद एक किंगडम बना दिया गया इसको फंजाई फंजाई अपने आप में एक किंगडम बन गया तो बच्चों यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो बच्चों यहां से कंक्लूजन जो मैं निकालना चाहूंगा जो आपको याद रखना है वो ये पॉइंट याद रखना है कि टू किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमोडोमनास प्लांटे में थे थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमोडोमनास प्रोटेस्टा में थे फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमोडोमनास प्रोटेस्टा में थे पहली चीज ये याद रखनी है दूसरी चीज टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटोजोवा एनिमेलिया में था थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटोजोवा आपका प्रोटोजोवा आपका प्रोटेस्टा में था और फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोटोजोवा है वो आपका प्रोटेस्टा के अंदर था ये इसके अभी तक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है क्लोरेला क्लाइमोडोमिनास टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्लांटे में है थ्री किंगडम और फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में है है प्रोटिस्टा में टू किंगडम के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में है थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में है फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में है ये इसके सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये आपको याद करना पड़ेगा यहां तक समझ में आ गया तो गरीब का सम्मान बढ़ाइए लिख दीजिए यस सर ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू नेक्स्ट देखिए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा पहले से था प्रोटिस्टा पहले से था फंगस पहले से था प्लांटे पहले से था एनिमिल पहले से था तो जिन्होंने यहां पर जिन्होंने यहां पर साइंटिस्ट की अगर मैं बात करता हूं साइंटिस्ट की मैं अगर बात करता हूं तो आप साइंटिस्ट बोलेंगे काल वूज काल वूज तो साइंटिस्ट का नाम है काल वूज फंगस प्लांट एनिमलिया, चार किंगडम ये रहे विटेगर के टाइम आपका मोनेरा आपका मिल चुका था आपके पांच किंगडम हो गए हैं ने मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया मोनेरा को कितने पार्ट में डिवाइड किया दो पार्ट में डिवाइड किया कितने पार्ट में डिवाइड किया दो पार्ट में डिवाइड किया एक को इन्होंने बोला एक को इन्होंने बोला यू बैक्टेरिया और दूसरे को इन्होंने बोला आर्की बैक्टेरिया एक को बोला यू बैक्टेरिया और एक को बोला आर्की बैक्टेरिया जो बैक्टीरिया बहुत प्रीमेटिव होते हैं जो बैक्टीरिया एंशिएंट होते हैं जिन बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल मिथेनोजेंस आता है आपने नाम सुना होगा मिथेनोजेंस के बारे में उन बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया इसी चैप्टर में आर्की बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो जब आरकी बैक्टीरिया इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा उसके टाइप्स पढ़ाए जाएंगे मिथोलोजन क्या होता है हेलोफाइल्स क्या होता है थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होता है आपको सब बताया जाएगा बस तब तक पेशेंट रखना वो बैक्टीरिया जो आपके प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया आपके प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को बोलते हैं आरकी बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया जिसको आप नॉर्मल कहते हो नॉर्मल बैक्टीरिया आपने बोल दिया राइजोबियम आपने बोल दिया इकोलाई e. आपने बोल दिया बैक्टीरिया बोल वो, वो बोलते हैं नॉर्मल वर्ड यूज करते हो कि सर सर बैक्टीरिया के बारे में बता दो तो आप ये जो बोल रहे हो ना बैक्टीरिया के बारे में बता दो आप बोल रहे हैं यू बैक्टीरिया के बारे में बता दो जनरल जब आप बैक्टीरिया बोलते हैं तो आप यू बैक्टीरिया बोलते हैं बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करते थे जो इन बैक्टीरिया में नहीं मिलती वो प्रॉपर्टी बच्चों में आपको बताऊंगा जब मैं आपको आरकी बैक्टेरिया पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा तो आरकी बैक्टीरिया जो था आरकी बैक्टीरिया जो था ये प्रीमेटिव बैक्टीरिया था और यू बैक्टीरिया जो था ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जिसको आप आम भाषा में बोलते हो बैक्टीरिया इसका मतलब आप बोल रहे हैं यू बैक्टीरिया तो इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया और होते हैं जो प्रीमेटिव होते हैं उनको बोलते हैं आर की बैक्टेरिया तो टोटल किंगडम काउंट करिए पहला हो गया यू बैक्टीरिया दूसरा आर की बैक्टेरिया तीसरा प्रोटिस्टा फिर फंगस फिर प्लांटे और फिर हो गया आपका एनिमेलिया फिर आपका हो गया एनिमेलिया तो अभी मैं आपको बताऊंगा आर की बैक्टेरिया डिटेल में बताऊंगा आर की बैक्टेरिया क्या होता है डिटेल में बताऊंगा तब तक पेशेंट रखिएगा तब तक पेशेंट रखिएगा तब तक पेशेंट रखिएगा अब बताइए कितने किंगडम हो गए यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया प्रोटिस्टा फंगस प्लांटे एनिमेलिया टोटल किंगडम कितने हो गए टोटल किंगडम कितने हो गए सिक्स मोनेरा को तोड़ के दो किंगडम बनाए गए मोनेरा को तोड़ के दो किंगडम बनाए गए मोनेरा को तोड़ के दो किंगडम बनाए गए पहली बार किन्होने बनाए काल बूज ने बनाए किन्होने बनाए काल बूज ने बनाए आ गया होगा समझ में अरे आ गया होगा समझ में चार तो पहले लेके घूम रहे ना बाबा मोनेरा को तोड़ा दो बना लिए दो ये हो गए चार ये हो गए दो प्लस चार दो प्लस चार छ दो प्लस चार छ दो प्लस चार छ अब यहां से डोमेन बनाई गई यहां से डोमेन बनाई गई बच्चों यू बैक्टीरिया से जो डोमेन बनाई गई उसको बोला गया बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से जो डोमेन बनाई गई उसको बोला गया आर्किया

जो डोमेन बनाई गई वो डोमेन बनाई गई यू कैरिया तो टोटल कितनी डोमेन हो गई टोटल डोमेन हो गई है आपकी तीन टोटल डोमेन हो गई है आपकी तीन पहले ही हो गई बैक्टीरिया दूसरी हो गई आर्किया तीसरी हो गई यू कैरिया तो मोनेरा से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया दो एक को बोला यू बैक्टीरिया दूसरे को बोला आर्की बैक्टीरिया ये किंगडम है ये किंगडम है यू बैक्टीरिया से जो डोमेन बनाई गई उसको बोला गया बैक्टीरिया बैक्टीरिया से जो डोमेन बनाई गई उसको बोला आर्किया और इन चारों से मिलकर जो डोमेन बनाई गई उसको बोला तो टोटल डोमेन कितनी हो गई बताइए टोटल डोमेन हो गई तीन तो किंगडम किसके अंदर आए किंगडम किसके अंदर आए किंगडम डोमेन के 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 अंदर आए तो टोटल आपकी कितनी डोमेन हो गई तीन डोमेन हो गई तो यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से यहां पर आपको समझ में आ गया होगा एक बच्चा क्लोरेला और क्लाइमेडोमनास के बारे में कुछ पूछ रहा है और लिख भी रहा है कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं यार कमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है मैं तेरे को बता देता हूं क्लोरेला और क्लाइमेडोमनास के बारे में क्या बताया था मैंने क्लोरेला और क्लाइमेडोमनास के बारे में यह बताया कि मैंने क्लोरेला और क्लाइमोडोमनास के बारे में यह बताया कि मैंने क्लोरेला और क्लाइमोडोमास के बारे में यह बताया कि टू किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला और को प्लांटे में रखा गया और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग उनको प्रोटेस्टा में रखा गया और फाइव किंगडम के अकॉर्डिंग भी उनको प्रोटिस्टा में रखा गया क्लोरेला एल्गी में आता है अच्छा कुछ लिख रहा है क्लोरेला एल्गी में आता है भाई सुन इसका भी जवाब दे देता हूँ क्लोरेला एलगी में आता है क्लोरेला एनसीआरटी में आपका ग्रीन एल्गी में दिया हुआ है क्लोरेला ग्रीन एल्गी ही है बट उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया क्लोरेला और क्लाइमोडोमनास को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो एनिमल के कैरेक्टर होते हैं जैसे कि क्लाइमोडोमनास में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है क्लाइमोडोमोनास में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मिलना एनिमल का कैरेक्टर होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मिलना एनिमल का कैरेक्टर होता है तो प्रोटिस्टा में ऐसे लोगों को रखा गया जो शक के घेरे में है जो शक के घेरे में है क्लोरेला क्लाइमोडोमनास फोटोसिंथेसिस कर लेता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं तो लोग कहते हैं तो प्लांट के कैरेक्टर है फिर लोगों ने कहा कि भाई इसके अंदर तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये तो एनिमल के कैरेक्टर है तो प्रोटिस्टा बनाया ही गया था एन में लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम था जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है 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 अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अरे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी एक बच्चा पूछ रहा है कि डोमेन क्या होता है किंगडम किंगडम से बड़ा डोमेन किंगडम से बड़ा डोमेन किंगडम को जिसके अंदर रखा गया उसको बोला डोमेन तो है यू बैक्टीरिया किंगडम है आर्किया डोमेन है आर्की बैक्टीरिया किंगडम है तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा टू किंगडम थ्री किंगडम फोर किंगडम फाइव किंगडम सिक्स किंगडम तो आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल एनसीआर लेके चल रहा हूं बच्चों एक एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं एकदम एनसीआर की लाइन पर हम पूरा का पूरा चल रहे हैं तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहां, -कहां पर रखे गए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कितने किंगडम में ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं कितने किंगडम में अब आप देखिए पहला है मोनेरा मोनेरा में कौन है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ब्लू ग्रीन एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं वो लोग जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो लोग जो फोटोसिंथेसिस कर, कर सकते हैं तो मोनेरा में कौन आ गया मोनेरा में आ गया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरा दूसरा आपका आ गया यहां पर प्रोटेस्टा प्रोटिस्टा में भी फोटोसिंथेसिस है और तीसरा आपका आ गया प्लांटे तीन किंगडम हैं जो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन निकाल सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन निकाल सकते हैं तो आपका यहां आंसर जाएगा थ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूकैरियोट को कितनी जगह रखा गया ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूकैरियोट मोनेरा यूकैरियोट नहीं है मोनेरा प्रोकैरियोट है प्रोटिस्टा यूकैरियोट है प्लांटे जो हैं ये आपके यू हैं तो बताइए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यू ऐसे कितने लोग जो फोटो करते हैं बट वो यू कैरी है बट वो यू हैं ऐसे कितने लोग हैं ऐसे दो लोग हैं एक हो गया आपका प्रोटेस्टा और दूसरा हो गया आपका प्लांटे दूसरा हो गया प्लांटे नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यू बट वो यूनिसेलर होना चाहिए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूकैरियोट बट वो यूनिसेलर होना चाहिए बताइए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूकैरियोट यूनिसेलर होना चाहिए आपका ये यूकैरियोट है ये कैसा है ये आपका यूनिसेलर है लेकिन प्लांटे आपका कैसा है ये आपका मल्टीसेल्यूलर है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूकैरियोट जो आपका यूनिसेलर होना चाहिए ये आपका एक ही है जिसको आप बोलेंगे प्रोटिस्टा बताइए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यू कैरियॉट यू कैरियॉट होना चाहिए फोटोसिंथेसिस भी करना चाहिए बट होना चाहिए ये भी आपका एक ही है जिसको 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 आप 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 बोलेंगे 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 प्लांटे 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 ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्रो कैरियॉट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्रो कैरियॉट यूनिसेलर सिर्फ आपका जाएगा मोनेरा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा मोनेरा भी फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है मोनेरा में कौन ब्लू ग्रीन एलगी यूकैरियोट प्रोटिस्टा यूकैरियोट है यूनिसेलर है प्लांटे यूकैरियोट है मल्टी सेलर है तो ये आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो बच्चों आप मुझे बताइएगा टू किंगडम के अंदर भी प्लांटे एंड एनिमेलिया था टू किंगडम के अकॉर्डिंग आपका प्लांटे और एनिमेलिया था थ्री किंगडम में भी प्लांटे और एनिमेलिया था फोर किंगडम में भी प्लांटे और था फाइव किंगडम के अंदर भी प्लांटे और एनिमेलिया था सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं बताइए टू किंगडम में भी प्लांट एनिमेलिया था थ्री किंगडम में भी प्लांटे और एनिमेलिया था फोर किंगडम में भी प्लांट था फाइव किंगडम में भी प्लांटे एनिमेलिया था सिक्स किंगडम में भी प्लांटे और एनिमेलिया था तो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन बढ़ते गए एनसीआरटी की लाइन जैसे जैसे क्लासिफिकेशन चेंज होते रहे आप टू किंगडम से थ्री किंगडम में गए थ्री किंगडम से फोर किंगडम में गए फोर किंगडम से फाइव किंगडम में गए फाइव किंगडम से सिक्स किंगडम में गए लेकिन प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम चेंज नहीं हुए प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम चेंज नहीं हुए ये टू किंगडम में भी थे ये थ्री किंगडम में भी थे ये फोर किंगडम में भी थे ये फाइव किंगडम में भी थे ये सिक्स किंगडम में भी थे आप देख लीजिए अगर आपको अगर आपको मैं झूठ बोल रहा हूं आप देख लीजिए आप देखते क्यों नहीं है आप देखते क्यों नहीं है क्या हो गया है आपको आप देखते क्यों नहीं है टू किंगडम में प्लांटे और एनिमेलिया है देख लीजिए थ्री किंगडम में भी आप देख लीजिए प्लांटे और एनिमेलिया है फोर किंगडम में भी प्लांटे और एनिमेलिया है फाइव किंगडम में भी प्लांटे और एनिमेलिया है और सिक्स किंगडम में भी आपका प्लांटे और एनिमेलिया है तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके क्लासिफिकेशन चेंज होते गए बट उनके अंदर जो दो किंगडम थे प्लांटे और एनिमेलिया वो शुरू से लेके लास्ट तक थे बट इनके अंदर जो एग्जाम्पल थे वो शिफ्ट होते रहे किंगडम से निकलते रहे इनके अंदर जो एग्जाम्पल थे वो शिफ्ट होते रहे वो शिफ्ट होते रहे इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि टू किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला और क्लाइमोडोमास प्लांटे में था थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टा में था टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ एनिमेलिया में था थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टा में था मतलब किंगडम सभी में सेम है प्लांटे बट इनके अंदर जिन लोगों को स्थान दिया गया उनकी पोजीशन इंटरचेंज होती रही उनकी पोजीशन इंटरचेंज होती रही उनकी पोजीशन इंटरचेंज होती रही इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्लांटे और एनिमल किंगडम था वो कांस्टेंट रहा वो आपका कांस्टेंट रहा थ्रू आउट डी टू किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बट इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो ऑर्गेनिज्म शिफ्ट होते रहे बट इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो ऑर्गेनिज्म आपके शिफ्ट होते रहे। इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो आपके शिफ्ट होते रहे तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप यस लिखिए और गरीब का मान बढ़ाइए यस लिखिए यस लिखिए यस लिखिए मैं पढ़ रहा हूं कमेंट पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं यस 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 बेटा एनसीआरटी एकदम लाइन बाय लाइन ही पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल तू पढ़ना तेरे को एनसीआरटी समझ में आएगी बिल्कुल समझ में आएगी सबसे बड़ा चैप्टर है ये का क्लासिफिकेशन यस 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 जोश ठंडा नहीं होने देना जोश ठंडा नहीं होने देना माताजी पिताजी के सम्मान की बात है जोश ठंडे होने नहीं देना है नीट निकालना है पहले बता रहा हूं नीट निकालना है इसी जोश के साथ लगे रहना है इसी जोश के साथ लगे रहना है बिल्कुल 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 तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई है ये मैं मान सकता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार अब यहां तक एक बार फटाफट फड़ दो मिनट के अंदर रिविजन कर लेते हैं फटाफट फड़ दो मिनट के अंदर रिविजन कर लेते हैं दो मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिविजन कर लेते हैं ठीक है की की पॉइंट पॉइंट बता बता देता हूं? बता देता हूं हूं अभी तक जो भी तुमने पढ़ा उसके की पॉइंट बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुमको बता देता हूं ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा क्या आपको याद रखना है टू किंगडम का क्राइटेरिया था सेल वॉल का मिलना या फिर सेल वॉल का ना मिलना प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ सेल वॉल सेल वॉल का कॉम्पोजिशन नहीं था सेल वॉल का कॉम्पोजिशन नहीं था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लोरेला और को प्लांटे में रखा गया और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टा में रखा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अमीबा पैरामीशियम जिसको मैं प्रोटोजोआ बोल रहा हूं इसको हमने एनिमेलिया में रखा और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रोटेस्टा में रखा थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रोटेस्टा में रखा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा फोर किंगडम में जो नया किंगडम आया उसका नाम मोनेरा था और फाइव किंगडम में जो नया किंगडम आया उसका नाम था आपका उसका नाम था आपका फंगस उसका नाम था आपका फंगस तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा उसके बाद आपने उसके बाद आपने क्या पढ़ा वो भी देख लीजिए ये हमने पढ़ लिया था इसके बाद आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था ये प्रो था बाकी सब यू कैरियउ थेक्सुअल से शुरू किया सेक्सुअल पे खत्म किया ए सेक्सुअल से शुरू किया सेक्सुअल पे खत्म किया और बीच में ए सेक्सुअल सेक्सुअल ए सेक्सुअल सेक्सुअल ए सेक्सुअल सेक्सुअल न्यूट्रीशन ऑटोड्रॉप हेट्रोट्रॉप मोस्टली होते हैं हेट्रोड्रॉप यहां पर ऑटोट्रॉप में दोनों है फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मतलब लाइट एनर्जी भी है और केमिकल एनर्जी भी है यहां पर ऑटोट्रॉप में सिर्फ फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप है फंगस आपका हेट्रोट्रॉप है प्लांटे आपके ऑटोट्रॉप है एनिमेलिया आपके हेट्रोट्रॉप है फाइलोजेनी में मैंने आपको कुछ नहीं बताया सिर्फ फाइलोजेनी की डेफिनेशन बताई क्योंकि एनसीआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है ज्ञान बढ़ाने के लिए जिंदगी बची है कुछ काम तो मेडिकल कॉलेज में भी करोगे दीवानो अभी सिर्फ एग्जाम निकालना है मैंने आपको फाइलोजेनी का मतलब बताया फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर कौन है जैसे एंजियोस्पर्म कहा से आए एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से आए जिम्नोस्पर्म कहां से आए जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से आए टेरिडोफाइट कहां से आए टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से आए तो इसका मतलब किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई एंसेस्टर है इस चीज को बोलते हैं फाइलोजेनी। इस चीज को आप बोलते हैं फाइलोजेनी इस चीज को आप बोलते हैं फाइलोजेनी एक कमेंट में लिख रहा है कि आपने सेलवॉल नहीं बताया अरे सेल वॉल इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं क्राइटेरिया पढ़ा रहा हूं एनसीआरटी में जो टेबल लिखा है उस टेबल में जो सेल वॉल दिया गया है वो सेल वॉल इन पांचों को डिस्टिंग करता है बट वो क्राइटेरिया नहीं था क्राइटेरिया आपके सिर्फ ये पांच ही थे इसलिए मैंने आपको सिर्फ क्राइटेरिया बताया है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और सिक्स किंगडम में मैंने मोनेरा को दो पार्ट में तोड़ दिया यू बैक्टेरिया और यू बैक्टेरिया जब मैं नॉर्मल बैक्टेरिया बोलता हूं नॉर्मल बैक्टेरिया बोलता हूं तो मैं यू बैक्टेरिया की बात करता हूं जब मैं कुछ प्रीमेटिव बैक्टीरिया की बात करूंगा जो मैं भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रीमेटिव बैक्टीरिया जिनके अंदर मिथेनोजन आते हैं जो आपके मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं वो है आपके आर्की बैक्टीरिया तो दो किंगडम ये रहे चार किंगडम ये रहे तो चार और दो टोटल कितने हो गए चार और दो टोटल कितने हो गए चार और दो टोटल हो गए आपके छह तो यहाँ टोटल किंगडम कितने हो गए आपके टोटल किंगडम आपके कितने हो गए छह किंगडम हो गए और डोमेन यू बैक्टीरिया से जो डोमेन बनाई उसको बोला बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से जो डोमेन बनाई उसको बोला आर्किया और इन चारों को जिस डोमेन में रखा उसको बोला यूकैरिया यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स मतलब यू कैरियॉर्ट्स यू कैरिया मतलब यू कैरियो क्योंकि ये चारों के चारों आपके यू कैरियोर्ट्स हैं ये आपको क्वेश्चन कराए गए कहां, कहां पर ये आपको कराए गए क्वेश्चन उसके बाद है आपका नेक्स्ट है मोनेरा बच्चों यहां तक समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए मैं फिर आगे चलूंगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई लगे रहना देखो जोश ठंडे माथे रहने देना मैं सेम एनर्जी रखूंगा पूरे लेक्चर में सेम एनर्जी रखूंगा पूरे लेक्चर में सेम एनर्जी रखूंगा और कोशिश करूंगा कि पांच घंटे के अंदर या साढ़े पांच घंटे के अंदर चैप्टर को क्वालिटी से खत्म करा जाए यही एनर्जी होगी सेम एनर्जी रहेगी मैं बता रहा हूं बस तू मेरे साथ देना ठीक है तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और चैप्टर डाल के जाऊंगा बस मेरे साथ देना ठीक है सेम एनर्जी से बढ़ाऊंगा भाई सेम एनर्जी से बढ़ाऊंगा पूरा का पूरा जान लगा दूंगा यार जान लगा देंगे जान लगा देंगे पूरा बस अच्छे से रहना नेक्स्ट है आपका मोनेरा नेक्स्ट है आपका मोनेरा नेक्स्ट है आपका मोनेरा बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मोनेरा का सोल मेंबर कौन है तो मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है आपका बैक्टीरिया वो है आपका बैक्टीरिया तो पहला पॉइंट आ गया मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है आपका बैक्टीरिया और ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए आप वर्ड यूज करते हैं मोस्ट मोस्ट ऑर्गेनिज्म तो मोनेरा के अंदर सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं उनको आप बोलते हैं बैक्टीरिया इसलिए आपने वर्ड लगाया मोस्ट एबेंडेंट यहां पर आपने वर्ड लगाया मोस्ट एबेंडेंट ये जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया आपके अगर आप अगर मैं आपसे बात करूं कि आप एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओगे तो उसके अंदर भी आपके हंड्रेड बैक्टीरिया मिल जाएंगे और बैक्टीरिया जो होता है ये कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं होता बैक्टीरिया जो होता है स्मॉलेस्ट होता है तो बैक्टीरिया जो है एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया जो है एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है और बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत ज्यादा में पाए जाते हैं तो मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो आपका क्या है वो है आपका बैक्टीरिया मोस्ट एबेंडेंट है सबसे ज्यादा मिलते हैं आपके बैक्टीरिया अगर आप एक मुठी सॉइल लेकर आएंगे तो उसके अंदर आपके हंड्रेड बैक्टीरिया आ जाएंगे बैक्टीरिया देखने में बहुत बड़े नहीं होते बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं फिर उन्हें बोला कि जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर ये आपका हर जगह मिल जाएगा ये आपका हर जगह मिल जाएगा बैक्टीरिया आपका हर जगह मिल जाएगा ये आपका सोइल में भी मिल जाएगा ये आपका वाटर के अंदर भी मिल जाएगा और बैक्टीरिया ऐसी जगह भी मिलेंगे जहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जिली सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एडवर्स कंडीशन ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एडवर्स कंडीशन तो अगर मैं आपको बोलता हूं बैक्टेरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन एडवर्स हैबिटेट एडवर्स हैबिटेट एडवर्स हैबिटेट का जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है एनसीआरटी में वो लिखा हुआ है एडवर्स के जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एनसीआरटी के अंदर वो आपके लिखे हुए हैं वो आपके लिखा हुआ है एडवर्स का एग्जाम्पल लिखा हुआ है हॉट सल्फर स्प्रिंग हॉट सल्फर स्प्रिंग हॉट सल्फर स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि समुद्र में जो पानी होता है वो पानी वॉलो से होता हुआ आता है। तो जब पानी से होता हुआ आता है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऐसी जगह को बोलते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग जहां पर ज्वालामुखी हुआ हो जहां पर वॉलो हुआ हो तो वहां पानी वॉलो से होता हुआ सर्कुलेट होता है पानी वॉलो से होता हुआ सर्कुलेट होता है जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ऐसी जगह को बोलते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग हॉट सल्फर स्प्रिंग मतलब मैं लिख सकता हूं वॉटर सर्कुलेट थ्रू वॉल जिसकी वजह से जो वॉटर होगा वॉटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा हॉट सल्फर स्प्रिंग बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं डेजर्ट हम बोल सकते हैं डेजर्ट हम बोल सकते हैं स्नो हम आपका बोल सकते हैं डीप ओशियन हम बोल सकते हैं डीप ओशियन तो ये जो कंडीशन है ये आपकी एडवर्स हैबिटेट है ये आपकी एडवर्स कंडीशन है यहां पर जो बैक्टीरिया मिलते हैं यहां पर हॉट सल्फर स्प्रिंग पहला हॉट सल्फर स्प्रिंग दूसरा डेजर्ट तीसरा स्नो चौथा डीप ओशियन ये आपके एडवर्स हैबिटेट है जहां पर नॉर्मली दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म ग्रो करना पसंद नहीं करते बट बैक्टीरिया यहां पर भी सरवाइव करते हैं ऐसे एडवर्स हैबिटेट में दूसरे ऑर्गेनिज्म लुग सरवाइव करना पसंद नहीं करते बट लुगा। बैक्टीरिया यहां पर भी सरवाइव करते हैं बैक्टीरिया आपके एडवर्स हैबिटेट के अंदर भी मिलते हैं तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी यहां तक एक बच्चा और लिख रहा है हाइड्रोथर्मल वेंट्स बिल्कुल सही लिख रहा है हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी इसी के लिए यूज करते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी इसी के लिए यूज करते हैं तो कई जगह पर जो डीप ओशियन है जो डीप ओशियन है इसके लिए भी कई जगह पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स यूज किया गया है क्योंकि पानी नीचे से सर्कुलेट करेगा जो पानी है समुद्र का जो पानी है वो नीचे से वॉलकनो से होता हुआ जाएगा तो डीप ओशन जो होगा वहां भी पानी का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा पानी का जो टेम्परेचर होगा डीप ओशन में वहां भी पानी का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा बट हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है हॉट सल्फर स्प्रिंग डेजर्ट स्नो डीप ओशन एडवर्स है जहां पर नॉर्मली दूसरे ऑर्गेनिज्म ग्रो करना पसंद नहीं करते बट आपके बैक्टीरिया यहां पर ग्रो कर जाते हैं तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसके बाद आपके आगे चलते हैं तो आपका आता है शेप ऑफ बैक्टीरिया शेप ऑफ बैक्टीरिया बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपका जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है वहां पर प्रोकैरियोट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है वहां पर पूरा का पूरा प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर बताया है अगर आपने सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को देखा हो तो वहां बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है कैप्सूल क्या होता है मिजोजोम क्या होता है पिलाई क्या होता है फिमरे क्या होता है प्लाजमेड क्या होता है ठीक है बैक्टीरिया का न्यूक्लियस क्या होता है ये सारी की सारी चीजें आपकी सेल यूनिट ऑफ लाइफ में बताई गई है बच्चों वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं बताई गई तो ये मत सोचना सर ने बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं बताया मैं एनसीआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा हूं एनसीआरटी में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं बताया गया वो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में बताया गया है तो उसको आपको वहीं पर पढ़ाया जाएगा ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा हम एनसीआर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एनसीआर में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया नहीं किया तो बच्चों शेप ऑफ बैक्टेरिया शेप ऑफ बैक्टेरिया तो शेप ऑफ बैक्टेरिया में अगर मैं बात करता हूं बैक्टेरिया के ब्रॉडली कितने टाइप के शेप हैं आपके बैक्टीरिया के जो शेप हैं वो फोर टाइप्स के हैं अगर बैक्टीरिया देखने में स्पेरिकल दिख रहा है अगर बैक्टीरिया देखने में ऐसे दिख रहा है बैक्टीरिया देखने में आपका स्फेरिकल दिख रहा है अगर बैक्टीरिया देखने में स्पेरिकल दिख रहा है तो आप इसको बोलेंगे कोकस बैक्टीरिया और जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं इनमें फ्लैजला नहीं मिलता इनमें फ्लैजला नहीं मिलता कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके नॉन मोटाइल होते हैं वो आपके नॉन मोटाइल होते हैं तो कोकस बैक्टीरिया का शेप कैसा हो गया स्फेरिकल हो गया मोटाइल या नॉन मोटाइल ये आपके नॉन मोटाइल है ये आपके नॉन मोटाइल है बैसिलस बैक्टीरिया देखने में कैसा लगेगा बैसिलस बैक्टीरिया देखने में लगेगा रॉड शेप कैसा दिखेगा रॉड शेप और बेसिलेस बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है और बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है नॉन मोटाइल भी हो सकता है मेरे पढ़ाने के बाद एनसीआर रीड करना एक एक पॉइंट क्लियर रहेगा एक एक पॉइंट समझ में आएगा अच्छे से रीड करिएगा बैसिलेस रॉड शेप होते हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं और ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं अगर कोई पूछता है कि इन चारों में सबसे कॉमन शेप कौन सा है इन चारों में सबसे कॉमन शेप कौन सा है तो जो मोस्ट कॉमन शेप होता है जो आपका मोस्ट कॉमन शेप होता है वो होता है आपका बेसिलस वो होता है आपका बेसिलस विब्रियो, विब्रियो होता है विब्रियो का जो शेप होता है वो होता है आपका कॉमा शेप। वो होता है कॉमा शेप। और ये बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं ये बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं ये बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं है। स्प्रिलम जो होता है उसका जो शेप होता है वो आपका स्पाइरल शेप होता है वो आपका स्पाइरल शेप होता है और ये बैक्टीरिया आपके मोटाइल होते हैं तो आपने शेप में क्या जाना बैक्टीरिया का जो शेप है वो चार टाइप से है एक है कोकस दूसरा बैक्टीरिया है बेसिलस तीसरा है विब्रियो चौथा है स्पाइलम अगर बैक्टीरिया याद कर ले मेरे साथ साथ याद कर मेरे साथ साथ याद कर देख भाई अब ज्यादा समय नहीं है ठीक है ज्यादा समय नहीं है बहुत कम टाइम बचा है नीट के लिए यहीं पर याद कर ले यहीं पर याद कर ले ठीक है कोकस बैक्टीरिया का शेप कैसा है स्पेरिकल कैसा मोटाइल या नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल दिमाग में डाल ले मोटाइल या नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल बैसिलस बैक्टीरिया का शेप कैसा है रॉड शेप है कैसा है रॉड शेप है कैसा है मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है इन चारों में सबसे कॉमन शेप कौन सा हुआ इन चारों में सबसे कॉमन शेप हुआ बैसिलस तीसरा विब्रियो विब्रियो कैसा शेप है विब्रियो कॉमा शेप है बैक्टीरिया देखने में कॉमा की तरह दिखेगा बैक्टीरिया देखने में कॉमा की तरह दिखेगा और ये बैक्टीरिया आपका मोटाइल होता है ये बैक्टीरिया आपका मोटाइल होता है स्पाइरलम स्पाइरल शेप स्पाइरल शेप स्पाइरल शेप स्पाइरल शेप, शेप और ये बैक्टीरिया भी आपका कैसा होता है बैक्टीरिया भी आपका मोटाइल होता है तो बच्चों शेप आपको समझ में आ गए होंगे अगर शेप समझ में आ गए हैं तो फटाक से यस लिख दीजिए हमें स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं जाना स्टाइफलो कोकस में नहीं जाना इसके टाइप होते हैं मुझे भी आते हैं मोनोकोकस डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस डिना मुझे मालूम है बट यार ये एनसीआरटी में नहीं लिखे हुए हैं इसके इसके फर्दर टाइप्स भी होते हैं। अपने को टी के बाहर नहीं जाना है अपने को वो पढ़ना है जो नीट में आना है वो नहीं पढ़ना जो मुझे आता है दोनों में फर्क होता है इसलिए मैंने तुम्हें इसके टाइप्स नहीं बताए स्ट्रेप्टोकोकस स्टाइफ्लो हमको अभी नहीं जानना है वो किताब के अंदर इसका क्लासिफिकेशन करके नहीं लिखा हुआ है ठीक है इसलिए इसलिए पूरा जमे रहना अच्छी तरीके से समझाऊंगा बीच में ब्रेक भी दूंगा घबराना मत ठीक है जैसा कहोगे वैसा चलेगा अपने हिसाब से चलेगा एकदम मस्त दूंगा बस पूरा का पूरा फोकस करके करके रखना रखना पूरा 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 का पूरा फोकस अब मैं एक पूरा र, पूरा एक टॉपिक टॉपिक पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा फिर फिर ना रिवाइज रिवाइज कराऊंगा कराऊंगा देखिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर बोला बैक्टीरिया देखने में बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर में जो बैक्टीरिया है वो कैसे है सिंपल है बट बिहेवियर में कैसा है बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है मतलब एक इतना छोटा सा बैक्टीरिया है देखने में तो इतना छोटा सा दिखता है देखने में तो इतना छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है देखने में तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट अगर मैं इस बैक्टीरिया की स्टडी करता हूं तो भाई इस बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की इतनी सारी वेरिएशन है कि भाई इस बैक्टीरिया को जो पढ़ना है ना वो वो सिंपल नहीं है इस बैक्टीरिया की जो स्टडी है ना वो सिंपल नहीं है इस बैक्टीरिया की जो स्टडी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है बोला कैसे यार इसके अंदर ऑटोट्रॉप्स भी भी मिलते हैं भी होते हैं बैक्टीरिया होते और ऑटोट्रॉप्स में बैक्टीरिया के टाइप्स हैं फोटो ऑटोट्रोप्स कीमो ऑटोट्रॉप यार इतना सा बैक्टीरिया है और न्यूट्रिशन में इतनी सारी डाइवर्सिटी शो करता है ऑटोट्रॉप्स है ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप भी है

लेकिन बिहेवियर में ये कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में ये कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टडी करना इजी नहीं है इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इतने तरीके का इसके अंदर न्यूट्रिशन मिलता है तो मतलब बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में सिंपल है तो अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेटरोट्रॉप्स भी हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेटरोट्रॉप्स भी हैं। लेकिन अगर कोई पूछता है कि मोस्टली कैसे होते हैं मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके होते हैं हेटरोट्रॉप्स। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके होते हैं हेट्रोट्रॉप तो मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो है आपके हेट्रोट्रॉप क्या बैक्टेरिया ऑटोट्रॉप है यस दिमाग में डाल ले दिमाग में डाल ले क्या बैक्टेरिया ऑटोट्रॉप मोस्टली कैसे हैं मोस्टली हेट्रोट्रोप्स हैं मोस्टली हेट्रोट्रॉप हैं मोस्टली हेट्रोट्रॉप हैं अब एक एक करके पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑटोट्रॉप के बारे में बच्चों ऑटोट्रॉप में आया फोटोलीटोट्रॉप ध्यान समझिएगा फोटोलीथो ऑटोट्रॉप इनकी जो इक्वेशन है वो है सीओ टू प्लस एच टू एस ग्लूकोस प्लस सल्फर ध्यान से समझिएगा फोटो क्यों बोला मैंने फोटो क्यों बोला फोटो ऑटोट्रॉप एनसीआरटी में लिखा हुआ है फोटो ऑटोट्रॉप ध्यान से समझिएगा फोटो ऑटोट्रॉप ऐसे बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कौन सी एनर्जी को यूज करते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और लाइट एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप फोटो ऑटोट्रॉप इन बैक्टीरिया ने वाटर यूज नहीं किया इन बैक्टीरिया ने वाटर यूज नहीं किया इन बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं किया बैक्टीरिया ने कभी भी वाटर को यूज नहीं किया फोटोसिंथेसिस में तो हम यहां लिख सकते हैं वाटर नॉट यूज इन फोटोसिंथेसिस। पानी को यूज नहीं किया गया वाटर नॉट यूज इन फोटो अगर वाटर को फोटो में यूज नहीं किया इसलिए यहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने अपनी फोटो में कभी भी वाटर को यूज नहीं किया इन्होंने वाटर की जगह यूज किया एच टू एस इन्होंने वाटर की जगह यूज किया एच टू एस जब ये वाटर यूज ही नहीं करते तो क्या ये ऑक्सीजन निकालेंगे नहीं निकाल सकते जब तक पानी यूज नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन बाहर नहीं आएगी इन्होंने पानी की जगह H2S यूज किया इसलिए बाहर सल्फर आई इसलिए बाहर सल्फर आई इसलिए बाहर आपकी सल्फर आई तो इन्होंने पानी को यूज नहीं किया तो मुझे बताइए एच जो है एच जो है वो कैसा कंपाउंड है एच जो है वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फोटोसिंथेसिस में दो चीजें प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा तो फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कौन प्रोवाइड करेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसका एग्जांपल क्या है एच टू एस लीथो का मतलब होता है लिथो का मतलब होता है लिथो का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिथो का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड लीथो का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इन फोटो क्यों बोला क्योंकि लाइट एनर्जी को यूज किया Litho क्यों बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो सोर्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एग्जाम्पल हो गया एच टू एस और ऑटोट्रॉप क्यों बोला क्योंकि ये लाइट एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं इन्होंने कभी पानी यूज किया ही नहीं जब पानी यूज किया ही नहीं तो पानी यूज किया ही नहीं तो मुझे बताइए लिख के बताइए चैट बॉक्स में इनका फोटो सिंथेसिस ऑक्सीजेनिक या फिर नॉन ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक इनका फोटो ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक लिख के बताइए ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक लिख के बताइए लिख के बताइए ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नॉन ऑक्सीजेनिक नॉन ऑक्सीजेनिक नॉन ऑक्सीजेनिक बिल्कुल सही और इसी का एक और नाम होता है एन ऑक्सीजेनिक इसी का एक और नाम होता है एन ऑक्सीजेनिक तो इन्होंने इन्होंने फोटो लीटो ऑटोट्रॉप फोटो मतलब लाइट एनर्जी लिथो मतलब

सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे को आप बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो बताइए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर ब्लैक स्क्रीन कर लो ब्लैक स्क्रीन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने इसमें हेडिंग डाली हुई है वो दूसरे कलर से डाली गई है ब्लैक स्क्रीन करूंगा तो वो जो हेडिंग है वो गायब हो जाएंगी ठीक है, इतना तो यार दिख ही रहा है इतने में तुम ब्लैक स्क्रीन करोगे ब्लैक स्टीन करोगे इतने में तो वन शॉट खत्म हो जाएगा जो समझा रहा हूं उस पर फोकस कर अदरवाइज प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होती तू नीट का एग्जाम देने जाएगा हो सकता है वहां तेरे कमरे का पंखा ना चल रहा हो तो तू वहां पर पंखा एग्जाम तो मेरी, 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 तो मेरी एनर्जी के साथ जुड़ मेरी एनर्जी को फील कर इधर से नहीं पढ़ा रहा यार इधर से नहीं पढ़ा रहा इधर से निकल रही है आवाज इधर से निकल रही है एनर्जी को फील कर मेरे भाई मेरे छोटे भाई बहन एनर्जी को फील कर तुम्हारे भाई की क्लास है मस्त होके बैठना मस्त होके बैठना तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया किसके टाइप है, किसके है? के कितने टाइप हो गए दो टाइप हो गए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया तो फोटोलिथोट्रॉप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं ऑटोट्रॉप में नेक्स्ट टाइप है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप ध्यान से समझिएगा कीमोसिंथेटिक मतलब ये कौन सी एनर्जी यूज करेंगे ये यूज करेंगे केमिकल एनर्जी सर केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी कहां से आएगी केमिकल एनर्जी कहां से आएगी सर नेशन वांट्स टू नो केमिकल एनर्जी कहां से आएगी केमिकल एनर्जी आएगी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एग्जाम्पल देके बताइए सर एग्जाम्पल देके बताइए इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपका बनेगा नाइट्राइट बैलेंस नहीं कर रहा हूं बैलेंस नहीं कर रहा हूं ठीक है अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपका बनेगा नाइट्राइट और आपकी जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को बोलेंगे केमिकल एनर्जी उसको बोलेंगे केमिकल एनर्जी और ये जो अमोनिया है ये अमोनिया आपका कैसा कंपाउंड है अमोनिया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ तो अमोनिया के ऑक्सीडेशन की वजह से आपका आपका अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद जब नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन हुआ तो नाइट्राइड किसमें कन्वर्ट हुआ ये आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ और इस दौरान आपकी क्या निकली इस दौरान आपकी निकली केमिकल एनर्जी तो ये केमिकल एनर्जी कहां से आई ये केमिकल एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आई जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ तो उनके ऑक्सीडेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को आप बोलते हैं उस एनर्जी को आप बोलते हैं केमिकल एनर्जी उस एनर्जी को आप बोलते हैं केमिकल एनर्जी और इस केमिकल एनर्जी को यूज किया जाएगा किसमें यूज किया जाएगा किसमें फूड सिंथेसिस में फूड सिंथेसिस में तो बच्चों ऑटोट्रॉप्स कौन से बैक्टीरिया हुए वो बैक्टीरिया जो आपके कौन सी एनर्जी यूज करते हैं केमिकल एनर्जी यूज करते हैं केमिकल एनर्जी कहां से आएगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आएगी ये रहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में कैसा कंपाउंड है इनऑर्गेनिक क्या निकली एनर्जी उस एनर्जी को क्या बोला केमिकल एनर्जी उस एनर्जी से आप क्या बनाएंगे फूड बनाएंगे ये है आपका नाइट्राइट नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन हुआ किसके अंदर नाइट्रेट के अंदर तो अब यहां से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को यूज करके आप क्या बनाएंगे फूड बनाएंगे और हां इस एनर्जी को आप और क्या बोल सकते हैं इस एनर्जी को आप एटीपी बोल सकते हैं क्योंकि आप इस एनर्जी को स्टोर करेंगे किस फॉर्म में स्टोर करेंगे आप इसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करेंगे अब यहां पर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल आपको याद रखना है नाइट्रोजोमोनास और दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रो कोकस

इसलिए नहीं बताया इसलिए नहीं बताया इसलिए नहीं बताया इसलिए नहीं बताया नाइट्रोकोकस नाइट्रोजोमास नाइट्रोकोकस नाइट्रोजोमोनास सर दिस इज नॉट इन एनसीआरटी अरे दीवाने मिलने न्यूट्रिशन खोल नाइट्रोजन साइकिल खोल वहां पे एग्जाम्पल लिखे हुए देख ले देख के आ जाए तो बता देना लिखे हुए अमोनिया में कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ और एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजोमनास और नाइट्रोकोकस तो बच्चों नाइट्रोजोमनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में किसने कन्वर्ट किया इसको कन्वर्ट किया नाइट्रोबैक्टर ने और दूसरा है आपका नाइट्रोसेस्टिस नाइट्रोसेस्टिस अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ किसने कन्वर्ट किया नाइट्रोकोकस नाइट्रोजोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोजोमोनास मन में बोलिए नाइट्रोकोकस नाइट्रोजोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोजोमोनास नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ मन में बोलिए नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस तो बच्चों नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल हुआ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल हुआ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अब ये जो आयरन बैक्टीरिया है ये एनसीआरटी के अंदर नहीं लिखा है और जो सल्फर बैक्टीरिया है ये एनसीआरटी के अंदर नहीं लिखा है तो मैं आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगा आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल एनसीआरटी में नहीं लिखा है इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा तो बच्चों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया होगा तो अगर मैं आपको बोलता हूं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया होगा तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस टाइप का बैक्टीरिया है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉ बैक्टीरिया है अब आप याद करिए अब आप याद करिए ये सब बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में यूज होते हैं इसका मतलब मैं कह सकता हूं मैं कह सकता हूं कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है वो रीसाइक्लिंग करता है रीसाइक्लिंग करता है किसका न्यूट्रेंट का रीसाइक्लिंग करता है कैसे क्योंकि ये जो नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है ये वापस किस में कन्वर्ट हो सकते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो सकते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट वापस से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकते हैं तो सॉइल के अंदर जो नाइट्राइट है सॉइल के अंदर जो नाइट्रेट है Soil के अंदर जो नाइट्राइट है सॉइल के अंदर जो नाइट्रेट है ये वापस कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में एन टू की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एन टू की फॉर्म में तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट ये बैक्टीरिया रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट में हेल्प कर रहे हैं ये बैक्टीरिया आपका रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रेंट में हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोकोकस नाइट्रोजोमनास नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए यस लिख दीजिए हाइड्रोजन बैक्टीरिया एनसीआर में नहीं है हाइड्रोजन बैक्टीरिया का है हाइड्रोजीनोमोनास मुझे को मालूम है एनसीआरटी नहीं है आयरन बैक्टीरिया का है फेरोबैसिलस एनसीआरटी में नहीं है, है में नहीं, इसने नहीं बताया ठीक है ठीक है शाबाश आगे आइए हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया बिल्कुल एनसीआर की बात करेंगे जो एनसीआरटी में वही बात करेंगे बेटा और कोई बात नहीं करेंगे ठीक है एनसीआर टी सब कुछ है भाई एनसीआर के बाहर कुछ बात नहीं करेंगे एनसीआरटी के बाहर कुछ बात नहीं करेंगे भाई ठीक है इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बैक्टेरिया जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं बैक्टेरिया मोस्टली जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं बैक्टेरिया मोस्टली हेट्रोट्रोप्स होते हैं और उसमें भी मोस्टली कैसे होते हैं उसमें मोस्टली होते हैं डिकम्पोजर मोस्टली होते हैं डिकम्पोजर बताइए जो बैक्टीरिया डेड प्लांट और डेड एनिमल पे फीड करते हैं उनको क्या कहते हैं बताइए जो बैक्टीरिया डेड प्लांट और डेड एनिमल पे फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं बताइए बताइए मुझे बताइए क्या बोलते हैं जो डेड प्लांट और डेड एनिमल पे फीड करते हैं उसका नाम एस ए स्टार्ट है एस ए स्टार्ट है

मोस्टली डीकंपोजर हैट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मोस्टली डीकंपोजर आते हैं और डीकंपोजर को मैंने रिलेट कर दिया किससे सेप्रोफाइट से वो बैक्टीरिया जो आपके फीड करते हैं किस पे फीड करते हैं डेड डिकिंग मैटर पर फीड करते हैं जो बैक्टीरिया डेड डिकिंग मैटर पर फीड करते हैं उन बैक्टीरिया को आप बोलते हैं बैक्टीरिया तो मैंने को किससे रिलेट कर दिया मैंने को से रिलेट कर दिया इसका मतलब है होते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं तो आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो जो होते 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 हैं, हैं, हैं। वो वो आपके आपके ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका मैं example देना चाहूं आपको अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्लोस्टियम सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं आपका

उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस तो लैक्टोबैसिलस कैसा बैक्टीरिया हो गया हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया और कर्ड हम खाते हैं कर्ड हम खाते हैं इसने लिखा हुआ है इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक बच्चों अगर आपको याद है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से निकाली गई उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन मत लिख देना पेनिसिलिन मत लिख देना पेनिसिलिन फंगस से निकाली गई है पेनिसिलिन फंगस से निकाली गई है ये बैक्टीरिया वाली पूछ रहा हूं पेनिसिलिन मत बोलना पेनिसिलिन मत बोलना पहली एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से निकाली गई उसका नाम क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन और जिस बैक्टीरिया से निकाली गई उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस

तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी फिक्सेशन है? है. है? है. है करते, है करते हैं जिसमें आपका पहला सिम्बायोटिक है और दूसरा आपका फ्री लिविंग है तो सिम्बायोटिक के अंदर यहां से नीट में क्वेश्चन आया था इस बार सिम्बायोटिक के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया हैं एक को आप बोलते हैं राइजोबियम और दूसरे को आप बोलते हैं फ्रेंकिया एक को आपने बोला राइजोबियम और दूसरे को आपने बोला फ्रेंकिया एक को आपने बोला राइजोबियम और दूसरे को आपने बोला फ्रेंकिया सिंबायोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम राइजोबियम जो होता है राइजोबियम जो होता है वो आपका मिलता है रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स रूट िया तो तो किसकी रूट में मिलेगा राइजोबियम बैक्टेरिया लेग्यूम्स की रूट के अंदर मिलेगा राइजोबियम बैक्टेरिया जो होता है राइजोबियम बैक्टेरिया रूट नॉड्यूल्स ऑफ लेग्यूम में मिलेगा फ्रेंकिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है यह देखने में फिलामेंट की तरह दिखता है फ्रेंकिया आपका फिलामेंटस बैक्टीरिया है यह एक फिलामेंट की तरह दिखता है एक फिलामेंट की तरह दिखता है कौन एक फिलामेंट की तरह दिखता है आपका कौन फ्रेंकिया एक फिलामेंट की तरह दिखता है आपका कौन फ्रेंकिया और यह मिलता है रूट यहां से क्वेश्चन आया था नीट में इस बार यहां से क्वेश्चन आया था रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूम्स रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूम्स जिसमें एग्जाम्पल है एलनस और दूसरा एग्जाम्पल है कैजूरिना तो पहला एग्जाम्पल हुआ आपका एलनस दूसरा एग्जाम्पल आपका हुआ कैजूरिना पहला एग्जाम्पल कौन सा हुआ एल्स दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ कैजूरिना तो बच्चों सिंबायोटिक में दो एग्जाम्पल आए पहला एग्जाम्पल हुआ राइजोबियम याद करते हुए चलना याद करते हुए चलना दूसरा एग्जाम्पल फ्रेंकिया राइजोबियम से मिलेगा प्रैंकिया नॉन लेग्यूम्स मिलेगा नॉन लेग्यूम्स के एग्जाम्पल एलनस एंड कैजिना एलनस एंड कैजरीना एलनस कैजरीना एलनस कैजरीना राइजोबियम मिलेगा आपका पल्सेस में पल्सेस आएगा लेग्यूम्स के अंदर तो ये आपको सिम्बायटिक समझ में आ गया होगा ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया क्या करते, है? दोनों दोनों करते हैं ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये दोनों दोनों के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे वाले सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में है आपके सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में है आपका सिम्बायोटिक अब फ्री लिविंग समझिए फ्री लिविंग के अंदर दो कंडीशन है एक एरोबिक है और एक एनरोबिक है तो ये है फ्री लिविंग नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो रहा है एक सिंबायोटिकली हो रहा है एक फ्री लिविंग हो रहा है फ्री लिविंग के अंदर ये किसी प्लांट के अंदर नहीं मिलेंगे ये अकेले सॉयल में मिलेंगे ये अकेले सॉयल में मिलेंगे ये किसी प्लांट के अंदर नहीं मिलेंगे ये किसी प्लांट के अंदर नहीं मिलेंगे ये सॉयल में मिलेंगे सिम्बायोटिक का मतलब होता है ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिले जैसे कि प्लांट के अंदर मिले यहाँ लेग्यूम्स के अंदर मिले यहाँ नॉन लेग्यूम्स के अंदर मिले फ्री लिविंग का मतलब होता है ये सॉयल में मिलेंगे ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलेंगे तो एरोबिक में भी दो हैं एरोबिक और एनरोबिक एक है एरोबिक और दूसरा है एनरोबिक एक है आपका एरोबिक दूसरा है एनरोबिक एरोबिक में एग्जाम्पल जाएगा एजेटोबैक्टर और दूसरा एग्जाम्पल जाएगा बेसर निका एजेटोबैक्टर बेसर निका मिनरल न्यूट्रिशन में दिया हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन में दिया हुआ है न्यूट्रिशन में दिया हुआ है न्यूट्रिशन के अंदर लिया हुआ है बोलो एजेटोबैक्टर बेजर निका मन मन में बोलो मन मन में बोलो घर में बोलो घर में बोलो एजेटोबेक्टर बैसरिकाटोबैक्टर बैजर निका एजेटोबैक्टर बेजर निका एजेटोबेक्टर बेसर निका और एनरोबिक के अंदर एग्जाम्पल जाएगा क्लॉस्टिडियम यहां पर एग्जाम्पल जाएगा क्लॉस्टिडियम ए बी सी ए बी सी Bezanica, में 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 दो कैटेगरी आ गई एरोबिक और, और यहां पर एनेरबिक के अंदर आएगा आपका क्लॉस्टिडियम एनरोबिक में आपका जाएगा क्लॉस्टियम ब्रेक बेटा मोनेरा के बाद लेंगे ब्रेक मोनेरा के बाद लेंगे ब्रेक मोनेरा के बाद लेंगे अभी नहीं ब्रेक मोनेरा के बाद लेंगे ब्रेक मोनेरा के बाद लेंगे अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी नहीं यार अभी नहीं तुम एनर्जी तो देखो यार एनर्जी तो देखो तुम्हें शर्म नहीं आ रही ब्रेक मांगते हुए यार क्या बात करते रहे तुम लोग है इधर पे देखने का फ्री लिविंग में दो टाइप के आ गए एक एरोबिक हो गया दूसरा क्या हो गया एनरोबिक हो गया एरोबिक के अंदर एजेटोबैक्टर बेजर निका एनरोबिक के अंदर क्लॉस्ट्रोडियम एनोरोबिक के अंदर क्लॉस्ट्रोडियम यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप यस लिखिए रोम बच्चे लिख रहे हैं ये बैक्टीरिया हम आपको मिनरल न्यूट्रिशन में ऐड करेंगे, करेंगे, करेंगे और भी होते हैं रोडोस के अलावा और भी होता है क्लिपसेला क्लिपसेला भी होता है लेकिन वो मिनरल न्यूट्रिशन में ऐड करूंगा एजोटोबैक्टर बेहसर निका में क्लॉस्ट्रीडियम यस लिखिए यस लिखिए मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं यस लिखिए बिल्कुल बने रहना भाई सबके सब बने रहना पूरे के पूरे ऐसे ही बने रहना अपने को आगे तक जाना है नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक बैक्टीरिया डैमेज इसको देखिएगा इसको देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा डिजीज कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज करते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज करते हैं जैसे मैं डिजीज की बात करता हूं आपका है टाइफॉइड आपका है टिटनेस आपका है कॉलेरा और आपका है सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर ये चारों की चारों आपकी लिखी हुई है एनसीआरटी में लिखी हुई है कि बैक्टीरिया डिजीज करते हैं टाइफाइड हो गया टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया जो हो गया वो आपका हो गया सालमोनेला सालमोनेला टिटनेस करने वाला आपका हो गया क्लोस्टिडियम ये आपका हो गया क्लोस्टिडियम क्लोरेला करने वाला आपका हो गया विब्रियो और सिट्रस कैंकर वाला हो गया आपका जेंथो मोनास सिट्री बच्चों सिट्रस कैंकर बीमारी के बारे में एनसीआरटी में नहीं लिखा सिट्रस कैंकर बीमारी के बारे में एनसीआरटी में नहीं लिखा सिर्फ इसका नाम लिखा है इसलिए हम इस बीमारी के बारे में आपको नहीं बताएंगे इस बीमारी के सिम्टम्स आपको नहीं बताएंगे क्योंकि एनसीआरटी में इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं लिखा है सिर्फ इस बीमारी का नाम लिखा है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिट्रस कैंकर कौन करता है जेंथोमोनास बैक्टीरिया करता है कोलेरा में आपका कौन आ गया विब्रियो आ गया टिटनेस में कौन आ गया क्लोस्टियम आ गया टाइफाइड में कौन आ गया साल में आ गया तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है ये आपको लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको यहां पर इसके एग्जाम्पल की बात नहीं करूंगा लेकिन आप याद रखिएगा कि पैरासिटिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप के अंदर आए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रोप्स के अंदर आए और आपके से बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रॉप्स के अंदर आए आपके हेट्रोट्रॉप्स के अंदर आए तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोला हमने के अंदर क्या पढ़ा हमने के अंदर क्या पढ़ा हमने, के अंदर क्या पड़ा? हमने पड़ा, bacteria, bacteria, पहली एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां से निकाली गई स्ट्रेप्टोमाइसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिंबायोटिक में राइजोबियम एंड फ्रेंकिया

इसके बाद हमने यहां पर डिजीज लिखी और उनको करने वाले कॉजल ऑर्गेनिजम के बारे में हमने यहां पर पढ़ा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में सिर्फ रिप्रोडक्शन में सिर्फ जो मिलेगा वो आपका मिलेगा

स्पोर का फॉर्मेशन एनसीआर में स्पोर का नाम नहीं लिखा एनसीआर में स्पोर का नाम नहीं लिखा स्पोर का नाम होता है एंडोस्पोर एनसीआर में नाम नहीं लिखा इसलिए हमें याद नहीं रखना इसलिए हमें याद नहीं रखना बस आप याद रखना स्पोर फॉर्मेशन क्योंकि किताब में स्पोर वर्ड लिखा है किताब में स्पोर वर्ड लिखा है तो स्पोर फॉर्मेशन अगर स्पोर बनेगी अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनेगी फेवरेबल कंडीशन में बने रिफ्य होगा फेवरेबल कंडीशन में बने रिफ्य होगा और बाइनरी फिजन में आप याद रखिएगा कि बाइनरी फिजन यहां जो होता है एक प्रोसेस से होता है जिसको आप बोलते हैं ए माइटोसिस ए माइटोसिस यहां नहीं पढ़ाया जाता ए माइटोसिस पढ़ाया जाएगा माइटोसिस म्योसिस वाले चैप्टर में जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां आपको पढ़ाया जाएगा ए माइटोसिस क्या होता है तो वहां जब भी आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बताएंगे ए माइटोसिस क्या होता है यहां पर कोई मत पूछना ए माइटोसिस क्या होता है क्योंकि ए माइटोसिस यहां नहीं पढ़ाया जाता तो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होगा और बाइनरी फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या हो गया एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड करेगा तो जब एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड करेगा तो वहां कौन सा प्रोसेस होगा वहां ए माइटोसिस होगा वहां माइटोसिस नहीं होगा वहां मियोसिस नहीं होगा वहां ए माइटोसिस होगा और जो ए माइटोसिस है वो यहां नहीं पढ़ाते अभी आप याद रखिएगा कि फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन है और बाइनरी फ्यूजन में ए माइटोसिस है अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन है बच्चों यहां तक समझ में आया तो एक बार यस लिखिए यहां तक समझ में आया तो एक बार यस लिखिए जल्दी से यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए फटाफट यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए अभी ए माइटोसिस के बारे में नहीं बताया जाएगा ए माइटोसिस यहाँ पढ़ते ए माइटोसिस सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं यहां क्यों बताएंगे यहां इतना रखना। में माइटोसिस नहीं होता मेोसिस नहीं होता ए माइटोसिस होता है ठीक है ठीक है सर अगर बैक्टीरिया में सिर्फ ए माइटोसिस होता है तो फिर एनसीआरटी में ये क्या लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है एनसीआरटी में सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या मतलब है सर इससे तो मेरे दिमाग में ये चीज समझ में आ रही है कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नहीं इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअलोडक्शन नहीं है इसका मतलब समझ क्या है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल इशन यहां पर क्या है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल इोडक्शन का मतलब है यहां पर कि इसमें तीन तरीके से होता है एक को बोलते हैं कॉन्जुगेशन और एक को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और एक को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड होता है देखिएगा आपका एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है B1 ये आपका दूसरा बैक्टीरिया है जिसका नाम है B2 अगर B1 का डीएनए B2 में चला जाए B1 का डीएनए B2 में चला जाए हेल्प ऑफ विद द ट्यूब विद हेल्प ऑफ ट्यूब इस ट्यूब को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब इस ट्यूब को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब तो कॉन्जुगेशन ट्यूब का मतलब क्या है कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चले जाए इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन तो कॉन्जुगेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया में चले जाए इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन जाएगा कैसे इनके बीच में एक ट्यूब बनती है उस ट्यूब को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में चले जाए विद हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन देखिए ट्रांसडक्शन क्या होगा ये एक बैक्टीरिया है B1 ये दूसरा बैक्टीरिया है जिसको आप बोल रहे हैं B2 B1 से डीएनए B2 में चले जाए B1 से डीएनए B2 में चले जाए किसकी हेल्प से जाए किसकी हेल्प से जाए वायरस की हेल्प से जाए इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला गया किसके थ्रू गया अरे किसके थ्रू गया किसके थ्रू गया किसके थ्रू गया वायरस के थ्रू गया वायरस के थ्रू गया तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में अगर वायरस लेकर जाए तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन प्लाजमेट वगैरह की बात नहीं करेंगे यहां प्लाजमेट वगैरह की बात नहीं करेंगे यहां पर ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है देखिए एक टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बी वन और हमने यहां पर सॉल्यूशन में डीएनए डाला हुआ है डीएनए डाला हुआ है किसका बी टू बैक्टेरिया का यहां दो बैक्टीरिया नहीं है यहां एक बैक्टीरिया है और दूसरे का सिर्फ डीएनए है एक बैक्टीरिया है और दूसरे का सिर्फ डीएनए है यहां दो बैक्टीरिया है ट्रांसडक्शन में दो बैक्टीरिया है कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया है ट्रांसडक्शन में दो बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया है और दूसरे का सिर्फ डीएनए है दूसरे का सिर्फ डीएनए है तो अगर यहां पर यहां पर ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम सॉल्यूशन टू बैक्टीरिया, सॉल्यूशन टू बैक्टीरिया। टेस्ट ट्यूब में आपने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है

मतलब टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में डीएनए पड़ा हुआ है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बैक्टीरिया पड़ा हुआ है और ये डीएनए सॉल्यूशन से बैक्टीरिया के अंदर चला गया इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको एनसीआरटी ने लिखा हुआ है शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर आप देख लीजिए डीएनए ट्रांसफर हो रहा है अगर यहां तक चीज समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस अगर यहां तक चीज समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस यहां तक चीज समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट है आपका आरकी बैक्टीरिया नेक्स्ट है आपका आरकी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव आरकी बैक्टीरिया के बारे में चीजें आ गई है आरकी बैक्टीरिया के बारे में चीजें आ गई हैं, ध्यान से देखिएगा आरकी बैक्टीरिया के बारे में चीजें आ गई हैं बच्चों, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनकी वॉल जिससे बनी होती है वो होता है पैप्टाइडोग्लाइकन वो होता है पैप्टाइडोग्लाइकन आरकी बैक्टीरिया की जो सेलवॉल है वो जिससे बनी होती है उसको बोलते हैं सीडोम्यूरिन उसको बोलते हैं सीडोम्यूरिन तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जिसको आप यू बैक्टीरिया बोलते हो इन्हीं बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया बोलते हो इन्हीं बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया बोलते हो तो इनकी जो सेल वॉल है इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है बट इनकी जो सेल वॉल है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है इनकी सेल वॉल बनी है सीडोम्यूरिन से तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इनकी सेल वॉल सेलवॉल्सोमिन से बनी है इनकी सेल सेलवॉल पेप्टन से बनी है दूसरी चीज यू बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बच्चों डीएनए को छोटा करने के लिए डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन बट वो हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं

लिपिड मिलते हैं और यहां आपके जो लिपिड मिलते हैं वो आपके मिलते हैं स्ट्रेट चेन लिपिड तो समझिएगा आप समझिएगा ब्रांचिंग समझिए जैसे, जैसे मैं बोला टू मिथाइल प्रोपेन टू मिथाइल प्रोपेन तो मतलब ये क्या हो गया ये ब्रांचिंग हो गई मैं आपको बोला एन प्रोपेन एन ब्यूटेन एन हेक्सेन इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन में आरकी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिलेंगे वो ब्रांच चेन मिलेंगे इनकी सेल मेम्ब्रेन में यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिलेंगे वो स्ट्रेट चेन लिपिड मिलेंगे वो स्ट्रेट चेन लिपिड मिलेंगे स्ट्रेट चेन मतलब इस तरीके से नहीं होगा टू मिथाइल मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं होगी यहां पर स्ट्रेट चेन लिपिड मिलेंगे यहां पर ब्रांच चेन लिपिड मिलेंगे इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा सेल वॉल में यहां पेप्टाइड नहीं मिलता यहां पर आपका सीडोम मिलता है है यहां पर आपका स्यूडोम्यूरीन मिलता है तो ये कुछ डिफरेंस है एक नॉर्मल बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में तो आप देखिए कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग हैं तो ये बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से थोड़े से अलग हैं ये बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से थोड़े से अलग हैं वेयर दे कैन सर्वाइव दे कैन सर्वाइव इन एडवर्स हैबिटेट या मैं कहूं एडवर्स कंडीशन ये बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं ये बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं वाई क्यों सरवाइव करते हैं उसका रीजन एनसीआरटी में लिखा हुआ है ड्यू टू वॉल स्ट्रक्चर ड्यू टू वॉल स्ट्रक्चर एक रीजन और लिख लेते हैं हम ब्रांच चेन लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन 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 तो बच्चों दो कारण हैं दो कारण हैं कि आपके दो कारण हैं कि आर् बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन में मिल जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में मिल जाते हैं उसका पहला रीजन है इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर इनका सेल वॉल का और दूसरा कारण है इनका सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन इनके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड होती है इनके अंदर सेल में ब्रांच चेन लिपिड होती है इनके अंदर सेल में ब्रांच चेन लिपिड होती है तो ये दो कारण है पहला सेल वॉल का स्ट्रक्चर मतलब सेल वॉल का कॉम्पोजिशन दूसरा इनके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड मिलते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड मिलते हैं तो ये इनके दो कारण हैं। एक सेकंड रुकीगा सेल बदल रहे हैं ऑडिबल ऑडिबल आवाज आ रही है आवाज आ रही है आवाज आ रही है मेरी यस 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 आवाज आ रही है यस 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 आवाज आ रही है यस 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 आ रही है ठीक है तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा दो कारण है इनके दो कारण है एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के पहला कारण है सेल वॉल का स्ट्रक्चर दूसरा है ब्रांच चेन टाइप्स ऑफ आर की बैक्टेरिया टाइप्स ऑफ आर की बैक्टेरिया ध्यान से देखिएगा टाइप्स ऑफ आर की बैक्टेरिया पहला जो टाइप है वो आपका है मिथेनोजेंस वो है आपका िथेनोजेंस दूसरा है आपका हेलो फाइल्स और तीसरा है आपका थर्मो एसिडोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स मिलेगा भी ब्रेक मिलेगा ब्रेक मिलेगा मिथेनोजेंस तीन टाइप के आपके हो गए तीन टाइप के आपके हो गए हैं मिथेनोजेंस हेलो फाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो आपके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजन्स ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजन्स ऐसे बैक्टीरिया जो आपके सॉल्ट या फिर सेलाइन कंडीशन में सॉल्ट या फिर सेलाइन कंडीशन में मिलते हैं ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स मतलब ये ऐसी जगह मिलेंगे जहां आपका पानी में नमक मिलेगा सॉल्ट मिलेगा सेलाइन कंडीशन थर्मो एसिडोफाइल ऐसे बैक्टीरिया थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर और एसिडोफाइल्स का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन एसिडिक कंडीशन तो ऐसे बैक्टीरिया एसिडिक कंडीशन का मतलब हो गया लो पीएच ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और लो पीएच में मिलेंगे ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और लो पीएच में मिलेंगे उनको आप बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स जो आपके सलाइन कंडीशन में मिलेंगे उनको आप बोलेंगे हेलो फाइल्स उनको आप बोलेंगे हेलो फाइल्स और जो बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनको आप बोलते हैं मीथनोजेन्स इसका आप अगर हम बात करते हैं बच्चों एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं कैटल कैटल का जो stomach होता है उसका एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं रूमेन और ये रूमेन के अंदर आपका एक मीथेनोजेंस मिलता है उसका नाम होता है रियुमेनोकोकस। तो ध्यान से देखिएगा कैटल के स्टमक का कैटल के, 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 के स्टमक का कौन सा पार्ट कैटल के स्टमक का कौन सा पार्ट कैटल के स्टमक का कौन सा पार्ट रियुमेन पार्ट कौन सा पार्ट रियुमेन पार्ट रूमेन र्यूमेन में कौन सा मिथेनोजन मिलेगा र्यूमेन्स में जो मिथेनोजन मिलेगा उसका नाम क्या है र्यूमेनो उसका नाम क्या है तो ये आपको याद रखना है कैटल के स्टमक के र्यूमेन पार्ट में जो मिलेगा र्यूमेनो कोकस और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये र्यूमेनोकोकस बैक्टीरिया जो होता है यह है सेलुलोस के डाइजेशन में यह हेल्प करता है किसके डाइजेशन में सेलुलोस के डाइजेशन में तो जो गाय भैंस जो चारा खाती हैं उनके चारे में प्रेजेंट होता है उस सेलोस के डाइजेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसका नाम है रुमेनोकोकस जो स्टमक के र्यूमेन पार्ट में मिलेगा किसके कैटल के तो रुमेनोकोकस किसका एग्जांपल हुआ मिथेनोजेंस रुमेनोकोकस किसका एग्जांपल हुआ मिथेनोजेंस रुमेनोकोकस किसका एग्जांपल हुआ मिथुनोजन और इसका एक और एग्जांपल है जो आपको याद रखना है वो है मिथेनो बैक्टेरियम मिथेनो बैक्टेरियम तो बच्चों मिथेनोजेंस क्या है मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं कैटल के स्टमक के र्यूमेन पार्ट में जो मिथेनोजन मिलता है उसका नाम है र्यूमेनोकोकस वो वहां पर सिंबायोटिक रिलेशनशिप शो करता है क्योंकि इसको वहां पर शेल्टर मिल रहा है इसको वहां पर शेल्टर मिल रहा है और ये कैटल के सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प कर रहा है कैटल के सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प कर रहा है कैटल के सेलोज डाइजेशन में हेल्प कर रहा है इसको शेल्टर मिल रहा है सेलोस का करवा रहा है शेल्टर मिल रहा है सेलोस कडेक्शन करवा रहा है शेल्टर मिल रहा है सेलोस करवा रहा है तो कैसा रिलेशन हो गया सिंबायोटिक हो गया तो मिथेनोजन का एग्जाम्पल क्या हुआ रूमेनोकोकस और मिथेनो रुमेनोकोकस और मिथेनो बैक्टेरियम हेलो फाइल्स जो है हेलो फाइल्स सोल्ट और सलाइन कंडीशन में मिल रहे थे इसका एग्जाम्पल हुआ आपका हेलो कोकस तो इसका आपका एग्जाम्पल हुआ हैलो कोकस तो आपका अगर मैं बोला सोल्ट और सलाइन कंडीशन में सॉल्ट और सलाइन कंडीशन में तो आपने बोला हैलो कोकस हेलो फाइल्स सोल्ट और सलाइन कंडीशन में थर्मो एसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, इसमें आपका एग्जाम्पल हुआरिया तो हो, हो, हो गया अभी मोनेरा खत्म करने के बाद मोनेरा का स्टार्टिंग से रिवीजन दूंगा और फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा सोल्ट और हेलोफाइल सोल्ट और कंडीशन सोल्ट और सलाइन कंडीशन वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे कैटल के स्टमक के रूमेन पार्ट में जो मिथेनोजेंस मिलता है उसका एग्जाम्पल र्यूमेनोकोकस है र्यूमेनोकोकस कैटल के सेलुलोस डाइजेशन में हेल्प करता है कैटल जो खाना और जो चारा खाती हैं उनमें सेलुलोस होता है उस सेलोस के डायजेशन में जो हेल्प करता है उसका नाम र्यूमेनोकोकस है और एक और एग्जाम्पल हुआ इसका मिथेनो बैक्टेरियम एक और एग्जाम्पल हुआ इसका मिथेनो वो बैक्टीरिया जो सॉल्ट और सलाइन कंडीशन में सरवाइव करेंगे मतलब जहां पानी में नमक होगा थर्मो वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं यहां तक समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए एक बार यस लिख दीजिए एक बार यस लिख दीजिए ग्राम से नहीं, यहां नहीं है दीवाने ग्राम स्टैंडिंग सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर है टैग पॉलीमरेज की जरूरत नहीं है पीसीआर में पढ़ लेंगे देंगे बेटा अभी रिवीजन देंगे बेटा देंगे 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 रिवीजन देंगे देंगे, देंगे, देंगे देंगे बेटा अभी पूरे का रिवीजन देंगे घबराना नहीं बेटा पूरे का रिवीजन देंगे मोनेरा खत्म करने के बाद देंगे बेटा मोनेरा खत्म करने के बाद देंगे मोनेरा खत्म करने के बाद देंगे भाई भाई थोड़ी सी तो शर्म करो यार दो महीने रह गए नीट के लिए क्या ब्रेक ब्रेक देंगे मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूं देंगे ब्रेक देंगे ब्रेक देंगे मोनेरा खत्म करने के बाद देंगे यार समझ रहे मोनेरा खत्म करने के बाद देंगे ठीक है नेक्स्ट है माइको नेक्स्ट है आपका माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा देखिएगा माइको प्लाज्मा के अंदर माइको प्लाज्मा के अंदर आपकी सेलबॉल नहीं मिलती माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल आपकी एबसेंट होती है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल आपकी एबसेंट होती है इसलिए इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता नो no डेफिनेट no इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्लीमोर्फिक्लियोर्फिक इसलिए बोला क्योंकि इसका डेफिनेट शेप नहीं है इसका डेफिनेट शेप इसने नहीं है क्योंकि इसके अंदर वॉल एबसेंट है स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बताइए या largest? Smallest. सबसे सबसे जो जो होता है सबसे smallest जो होता है वो आपका होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा तो ये वाला हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि ये किताब के अंदर नहीं दिया हुआ है पेनिसिलिन और डिस्कवरी वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं दिया है तो अब आप ध्यान से समझिएगा क्या ये बैक्टीरिया है क्या ये आपका बैक्टीरिया है क्या ये आपका बैक्टीरिया है क्या ये आपका वायरस है माइक्रो आपका बैक्टीरिया नहीं है माइक्रो आपका बैक्टीरिया नहीं है बच्चों एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फिल्टर जैसे मैं चाय छानने की छन्नी ले आऊं मैं चाय छानने की छन्नी लेकर आ गया छन्नी में क्या है पोर्स है छन्नी में क्या है पोर्स है तो ऐसे ही एक फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल फिल्टर जिसको आप बोलते हैं बैक्टीरियल फिल्टर जिसको आप बोलते हैं बैक्टीरियल फिल्टर बैक्टीरियल फिल्टर तो बच्चों बैक्टीरियल फिल्टर वो चीज होती है जहां से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं हो पाते जहां से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं हो पाते मेरे हाथ में एक छन्नी है छन्नी में पोर्स है मैं बैक्टीरिया को यहां से छान रहा हूं बट बैक्टीरिया यहां से फिल्टर नहीं हो पा रहे बैक्टीरिया फिल्टर क्यों नहीं हो पा रहे क्योंकि छन्नी का जो पोर साइज है छन्नी का जो पोर साइज है उससे बड़ा साइज है किसका बैक्टीरिया का बैक्टीरिया के साइज से छोटा साइज है किसका किसका देखिए फिर से समझिए एक चीज है जिसको मैं बोलता हूं बैक्टीरियल फिल्टर जिसको मैं बोलता हूं बैक्टीरियल फिल्टर बैक्टीरियल फिल्टर वो फिल्टर होते हैं जिसको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाते इसका मतलब बैक्टीरियल फिल्टर के पोर साइज बैक्टीरिया के साइड से भी छोटे होते हैं बैक्टीरिया फिल्टर के पोर साइज बैक्टीरिया के साइड से भी छोटे होते हैं इसलिए उनको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाते बट माइकोप्लाज्मा उसको क्रॉस कर जाता है माइकोप्लाज्मा उसको क्रॉस कर जाता है माइकोप्लाज्मा उसको क्रॉस कर जाता है इसका मतलब माइक्रो बैक्टीरिया नहीं है ज इट बैक्टेरिया नो वाई बिकॉज इट कैन पास थ्रू इट कैन पास थ्रू बैक्टेरियल फिल्टर बिकॉज इट कैन पास थ्रू बैक्टेरियल फिल्टर बिकॉज इट कैन पास थ्रू बैक्टेरियल फिल्टर बच्चों माइक्रो प्लाज्मा बैक्टेरिया क्यों नहीं है क्योंकि माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा बैक्टेरियल फिल्टर से पास हो जाता है यह तभी तो पास हो रहा है क्योंकि यह बैक्टीरिया से छोटा छोटा है यह no. आपका वायरस कैन सर्वाइव कैन सर्वाइव यस विदाउट ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन ये क्वेश्चन yes. आया था नीट में यह क्वेश्चन आया था नीट में कि यह ऑक्सीजन के बिना कैन सर्वाइव विदउट ऑक्सीजन पैथोजेनिक दोनों को इन्फेक्शन करता है ये प्लांट और एनिमल दोनों को आपका इन्फेक्शन करता है कौन माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या है एब्सेंट सेल वॉल नहीं होती इसलिए इसका डेफिनेट शेप नहीं होता इसलिए इसको बोलते हैं प्लीओमोर्फिक ये आपका सबसे छोटा प्रोकैरियोट होता है ये आपका बैक्टीरिया नहीं होता क्योंकि ये बैक्टीरियल फिल्टर को पास कर जाता है क्योंकि यह आपका बैक्टीरियल फिल्टर को पास कर जाता है नहीं नहीं ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया नहीं है ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट में फर्क होता है ये माइकोप्लाज्मा है ये बैक्टीरिया नहीं है ये माइकोप्लाज्मा है ये, 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 ये बैक्टीरिया नहीं है ये ये प्रोकैरियोट है ये प्रोकैरियोट है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया नहीं है ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है ये आपका स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है जो बोल रहा हूं उसको मान ले स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ये नहीं है तू तो ज्यादा जिद करेगा तो मैं तेरे को बता भी दूंगा जो बैक्टीरिया होता है वो डायलिस्टर होता है वो होता है 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 सही चीज़ बता रहा हूं, smallest है, smallest है, smallest है। डाल ले दिमाग में डाल ले स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है तो बच्चों ये आपको चीज माइकोप्लाज्मा यहां पर समझ में आ गया होगा तो आपको माइकोप्लाज्मा यहां पर समझ में आ गया होगा अगर आपको माइक्रो समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए जल्दी से हां स्मॉलेस्ट लिविंग सेल लगा देना स्मॉलेस्ट लिविंग सेल सही है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बिल्कुल सही है स्मॉलेस्ट प्रोक भी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल सही है स्मॉलेस्ट प्रोकेरियर बिल्कुल सही है एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए जो कर वो प्लान किरना बोलते हैं बट वो एनसीआरटी में नहीं लिखा इसलिए नहीं बताया गया इसलिए नहीं बताया गया इसलिए नहीं बताया गया बहुत सारे पॉइंट है अपन एनसीआर के बाहर नहीं जाएंगे एक आधा पॉइंट हो जाता है यार कभी कभी एनसीआरटी से बाहर चले जाते हैं ठीक है थीके? उसे परेशान मत हुआ करो है ना चैट बॉक्स में ऐसे मत लिखा करो आउट ऑफ एनसीआरटी कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है एक आधा पॉइंट हो जाता है आउट ऑफ एनसीआरटी का बेटा उसको मत पढ़ना ठीक है कभी समझाते समझाते फ्लो में एक आधा पॉइंट निकल जाता है बेटा समझ गए उसको दिल पे मत लेना यार एकदम मस्त होके बैठना देखो बिना स्ट्रेस होकर बैठना मजे से होकर बैठना अपने को सीखना है यार ठीक है अपने को को सीखना है अपने अपना बेस्ट देना है बस ठीक है ऐसे होके बैठना एकदम चौड़े होकर बैठना मस्त हो बैठना स्ट्रेस फ्री बैठना बैठना मस्त पूरा एनसीआरटी पढ़ा रहा हूं एकदम एनसीआरटी है पूरा का पूरा पूरा एनसीआरटी है पूरा एनसीआरटी है ठीक है आगे बढ़ रहे हैं बस थोड़ी देर रुक जाओ फ्राइडे का मालूम है को फ्राइडेक्स में मालूम है ऐसी कॉलोनी देखने में फ्राइडेक दे दिखती दिक है ठीक है बीच वाला पार्ट वो ओपेक होता है ट्रांसपेरेंट होता है वो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ठीक है इसलिए नहीं बता रहा हूँ ठीक है बहुत सारे पॉइंट है एनसीईआरटी में नहीं है ठीक है ये कैसे होते हैं ऑटोट्रॉप है, होते हैं या हेटरोट्रॉप है होते हैं है मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि किताब के अंदर नहीं है किताब के अंदर नहीं है बहुत सारे पॉइंट है ठीक है इसलिए इसलिए देखिए ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में आइए ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर आइए ब्लू ग्रीन एलगी तो की हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एलगी की हम बात करेंगे तो जब हम ब्लू ग्रीन एलगी की हम बात करेंगे तो आप ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर आइए सबसे पहले तो हम ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर जब हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर हम बात करेंगे एक बार आप इसको देखिएगा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किसकी बनी हुई है बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनी हुई है किसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है ब्लू ग्रीन एलगी में भी सेल वॉल किसकी बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एबसेंट है बैक्टीरिया में जो राइबोसोम है वो सेवनटी है ब्लू ग्रीन एलगी में सेवेंटी है माइकोप्लाज्मा में जो राइबोसोम है वो सेवनटी है वो आपका सेवेंटी है हिस्टोन प्रोटीन आपका बैक्टीरिया में एबसेंट है ग्रीन एलगी में आपका एबसेंट है माइकोप्लाज्मा में भी आपका हिस्टोन प्रोटीन एबसेंट है तीनों में आपका हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है नॉन हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लूग्रीन एलगी के अंदर भी प्रेजेंट है और माइकोप्लाज्मा के अंदर भी आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियोलेस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में नहीं मिलता ग्रीन एलगी में भी नहीं मिलता और माइकोप्लाज्मा में भी नहीं मिलता अरे नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल ना बैक्टीरिया में मिलते ना ग्रीन एलगी में मिलते और ना आपके माइकोप्लाज्मा के अंदर मिलते क्लोरोफिल क्लोरोफिल ब्लू ग्रीन एलगी में मिलता है क्लोरोफिल ए याद रखिएगा यहां पर जो मिलता है वो मिलता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये जो मैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोल रहा हूं ये एनसीआर में नहीं है ये वाला पॉइंट एनसीआरटी में नहीं है आप इसको छोड़ सकते हो बैक्टीरियो क्लोरोफिल लेकिन ये पॉइंट एनसीआरटी में है कि ब्लू ग्रीन एलगी में क्लोरोफिल ए मिलेगा ब्लू ग्रीन एलगी में क्लोरोफिल ए मिलेगा और यहां पर क्लोरोफिल ए जो है वो आपका एबसेंट है वो आपका एबसेंट है ट्रू क्रोमोजोम किसी में भी ट्रू क्रोमोजोम नहीं मिलता किसी में भी ट्रू क्रोमोजोम नहीं मिलता ट्रू क्रोमोजोम इसने नहीं मिलता क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एबसेंट होते हैं क्योंकि आपने आपने हिस्टोन प्रोटीन एबसेंट होते हैं हाँ। तो अगर मैं आपको बोलता हूं ट्रू क्रोमोजोम यहां पर एबसेंट है यहां भी एबसेंट है यहां भी एबसेंट है तो ब्लू ब्लूग्रीन एलगी और माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं इनके अंदर ट्रू क्रोमोजोम नहीं मिलता क्योंकि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है इनके पास हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है लेकिन इनके क्रोमोसोम को फॉल्स क्रोमोसोम बोलते हैं फॉल्स क्रोमोजोम प्रेजेंट फॉल्स क्रोमोजोम प्रेजेंट फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट बच्चों जब हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा तभी आप वर्ड यूज करेंगे ट्रू क्रोमोसोम यहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता इसलिए आप वर्ड यूज करते हैं फॉल्स क्रोमोसोम तो बैक्टीरिया ग्रीन एलगी और माइकोप्लाज्मा तीनों के केस में जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो आपके फॉल्स मिलते हैं वो आपके फॉल्स मिलते हैं क्योंकि 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 यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता में मिलता था एक्सेप्शन था, मैंने आपको बताया था आरकी में स्टोन प्रोटीन मिलता था आरकी में स्टोन प्रोटीन मिलता था तो बच्चों यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अगर यहां तक चीजें समझ में आई हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए अभी खत्म होने के बाद पूरे मोनेरा का रिविजन दूंगा दस मिनट लगा के पूरे मोनेरा का रिविजन दूंगा और फिर ब्रेक लेंगे फिर ब्रेक ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक में मजा होगा उस ब्रेक में मजा होगा अभी मजा नहीं है संयम रख बस थोड़ी सी देर पंद्रह बीस मिनट झेल जा पंद्रह बीस मिनट झेल जा पंद्रह बीस मिनट झेल जा यार पंद्रह बीस मिनट झेल जा अपने बड़े भाई के लिए झेल जा यार मेरे लिए झेल जा मम्मी पापा देख तुम्हारे लिए कितना कष्ट करते हैं यार सुबह से शाम जॉब करते हैं तुम्हारे लिए पैसा कमा के लाते हैं तुम्हें बड़ा कर रहे हैं तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं तुम्हारी स्कूल फीस भर रहे हैं तुम्हारे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं उनके कष्ट को याद कर उसके कर्ण उनके कष्ट के आगे तो यहां पर क्लास अटेंड करना तो कुछ भी नहीं है रे दीवाने बैठ जा दस पंद्रह मिनट कुछ नहीं होगा अरे कुछ नहीं होगा दीवाने कुछ नहीं होगा तो यहां तक आपको समझ में आ गया यहां तक आपको समझ में आ गया अब इसके बाद है नेक्स्ट आप देखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट मिलता है वो मिलता है क्लोरोफिल ए याद रखिएगा और मिलता है कैरोटिन और, और मिलता है आपका जेंथोफिल कैरोटिन जेंथोफिल कैरोटिन और जेंथोफिल को मिलाकर आप बोलते हैं कैरोटिनॉइड आप बोलते हैं रोटिनॉइड तो so, ये पिगमेंट इसके अंदर मिलते हैं क्लोरोफिल ए, और जेंटोफिल को मिलाकर आपने बोला एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है लेकिन एक बार ये पहले क्वेश्चन आया था बहुत पहले क्वेश्चन आया था तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोडेसमियम एनसीईआरटी में नहीं है मैं पहले ही लिख देता हूं आउट ऑफ एनसीआर मैं इसको पहले ही लिख देता हूं तुम कमेंट में मत लिखना ठीक है ट्राइकोडेस्मियम जो रेड सी होता है रेड सी का रेड कलर किस ब्लू ग्रीन एलगी की वजह से होता है उसका कलर होता है ट्राइकोडेसमियम की वजह से क्योंकि इसके अंदर आपका एक पिगमेंट मिलता है बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं फाइको एरिथरीन. और इस पिगमेंट का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर वो कलर होता है आपका रेड कलर वो होता है आपका रेड कलर तो बच्चों रेड कलर ऑफ रेड सी रेड कलर ऑफ रेड सी किस LG की वजह से है एलोडेम ट्राइकोडेम की वजह से रेड सी का रेड कलर है और ट्राइकोडेसमियम में एक पिगमेंट मिलता है रेड कलर का जिसको आप बोलते हैं फाइको जिसको आप बोलते हैं फाइको एरिथ्रीन जिसको आप बोलते हैं फाइको एरिथ्रीन तो ये ट्राइकोडेस्मियम याद रखिएगा ये ट्राइकोडेस्मियम आप याद रखिएगा फाइकोब्लिंस, फाइकोब्लिंस के बारे में फाइकोब्लिंस दो टाइप के होते हैं एक को आप बोलते हैं फाइकोसाइनिन ये भी पिगमेंट होते हैं और दूसरे पिगमेंट को आप बोलते हैं फाइको फाइकोएरिथ्रिन, फाइको ऐرتर्रीन, और ये दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं ये दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं तो बच्चों क्लोरोफिल ए है कैरोटीन है है, ये पिगमेंट है इनके अलावा और भी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं उन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट को बोलते हैं फाइकोब्लिन जिसके दो टाइप होते हैं एक को फाइकोसाइनिन बोलते हैं और दूसरे को फाइको बोलते हैं यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी अरे यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी एक लिख रहा है पीएचडी करवा दो अरे दीवाने पीएचडी नहीं करवानी है मेरे भाई मेरे छोटे भाई पीएचडी नहीं करवानी है भाई पीएचडी नहीं चल रही है गुलाबी दी गुलाबी दिल अरे गुलाबी अरे दिल पे नाल मेरे भाई पीएचडी नहीं करवानी है हाँ अब नेक्स्ट है आपका देखिएगा ब्लू ग्रीन एलगी की फॉर्म्स नेक्स्ट है आपका ब्लू ग्रीन एलगी की फॉर्म्स ब्लू ग्रीन एलगी कैसे कैसे हो सकते हैं ब्लू ग्रीन एलगी यूनिसेलुलर हो सकते हैं ग्रीन एलगी कॉलोनियल हो सकते हैं और ग्रीन एलगी आपके फिलामेंटस हो सकते हैं मतलब ग्रीन एलगी आपको एक सिंगल सेल जैसा दिखेगा तो आप इसको बोलेंगे यूनिसेलुलर अगर ब्लूग्रीन एलगी कॉलोनी की फॉर्म में दिखेगा तो आप इसको बोलेंगे कॉलोनियल और अगर ग्रीन एलगी आपका फिलामेंट की फॉर्म में दिखेगा तो आप इसको बोलेंगे फिलामेंटस आप इसको बोलेंगे फिलामेंटस no दूसरा एग्जाम्पल है तेरे बिना तेरे बिना मतलब एना बिना दूसरा एग्जाम्पल है एना बिना पहला एग्जाम्पल है नोस्टॉक पहला एग्जाम्पल है नोस्टॉक दूसरा है एना बिना और तीसरा है आपका ऑसिलोटोरिया और एक और एग्जांपल याद रखना बहुत फेमस है जिसको आप बोलते हैं स्पायरुलिना जिसको आप बोलते हैं स्पायरुलिना जिसको आप बोलते हैं स्पायरुलिना तो पहला एग्जांपल हुआ स्पायरुलिना दूसरा हुआ नॉस्टॉक no तीसरा हुआ एनाबिना चौथा हुआ ऑसिलोटोरिया पहला हुआ स्पायरुलिना दूसरा हुआ नॉस्टॉक no तीसरा एग्जाम्पल हुआ एनाबिना और चौथा एग्जाम्पल हुआ आपका ऑसिलोटोरिया बच्चों स्पायरुलिना जो होता है Earth... स्पारोलिना जो होता है इसको स्पेस फूड बोलते हैं जब हम स्पेस में जाते हैं तो बच्चों स्पेस में हम क्या लेके जाएंगे खाने के लिए ले क्या लेके जाएंगे मोमो की चटनी लेके जाएंगे आलू पराठा लेके जाएंगे चौमीन लेके जाएंगे या फिर स्पैरोना लेके जाएंगे बताइए क्या लेके जाएंगे मोमो लेके जाएंगे या मोमो की चटनी लेके जाएंगे चटनी तो चाटेंगे नहीं बैठ के वहां पर चटोरे तो है नहीं हम हम लेके जाएंगे स्पारोलिना तो स्पायरोना स्पेस फूड होता है स्पायरुलना रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इसी को बोलते हैं हम बोल देते हैं सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन तो आपका जो स्पायलिना होता है आपका जो स्पर्ना होता है जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां खाने के लिए जिसको यूज करते हैं वो स्पर्विना है वो स्पेस फूड है वो रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का और इसी को सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं ये बात कर रहा हूं मैं स्पायरोना के लिए वो मैं बात कर रहा हूं स्पायरोना के लिए तो बच्चों वहां पर हम चौमीन नहीं खाएंगे वहां पर जो हम खाएंगे वहां पर हम स्पायना खाएंगे ये बात समझ में आ गई होगी यहां तक समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस यहां तक समझ में आ गया गोल गप्पे भी नहीं खाएंगे बेटा राइस मंच भी नहीं खाएंगे इसके बाद है रिलेशनशिप रिलेशनशिप सच्चा प्यार नहीं नहीं वो वाली रिलेशनशिप नहीं है भाई ठीक है भाई पढ़ाते हुए कहीं मुंह से कुछ आगे पीछे निकल जाए तो भाई दिल पे मत लेना इधर से सुनना इधर से निकाल देना ज्यादा माइंड नहीं करना भाई पहले से सॉरी कुछ गलत निकल जाए गलत से ठीक है छोटे भाई बहन हो मेरे भाई छोटे भाई बहन हो छोटे भाई बहन इधर हो दिल में हो दिल में दिल में दिल में रिलेशनशिप नॉस्टॉक एंड बिना इस नो no स्टॉक और बिना का दो प्यार है इसकी दो मोहब्बत है इसकी कितनी मोहब्बत है इसकी दो मोहब्बत है अगर मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टेरिडोफाइट और जिम्नोसपम एनाबिना और नोस्टॉक no किसके अंदर मिलते हैं एजोला के अंदर मिलते हैं एजोला है. एक टेरिडोफाइट है एजोला एक टेरिडोफाइट है और जिम्नोस्पॉम में ये किसके अंदर मिलता है ये आपका साइकस के अंदर मिलता है ये आपका साइकस के, के अंदर मिलता है तो नॉस्टॉक एनाबिना जो होता है वो सिंबायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है सिंबायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके साथ टेरिडोफाइट और जिम्डोस्पम, नॉस्टॉक और एनाबीना एजोला के अंदर मिलेंगे एजोला के अंदर मिलेंगे अगर आपका अगर आप राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो आपका मन है राइस मल्चुरियन खाने का आप राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप राइस की फील्ड में आप राइस की फील्ड में एजोला को ग्रो कराइए राइस की फील्ड में एजोला को ग्रो कराइए और एजोला में इन एजोला एजोला में आपको क्या मिलेगा एजोला के अंदर आपको मिलेगा एना बिना और एना बिना है और है ब्लू ग्रीन ये वहां पर क्या करेगा यह वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा जिसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अगर मैं कहता हूं अगर एना बिना को एना बिना किस एना बिना क्या है नॉस्टॉक एना बिना ये सब क्या है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ये किसके अंदर मिलता है एजोला के अंदर मिलता है राइस की फील्ड में आप एजोला लगाइए राइस की फील्ड में आप एजोला लगाइए जब राइस की फील्ड में एजोला लगाओगे एजोला टेरिडोफाइट है एजोला के अंदर एनाबीना मिलेगा एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी है, है बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा जिसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा अरे दीवानो और एना बिना एजोला के अंदर है राइस का उत्पादन बढ़ाना है राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो राइस की फील्ड में एजोला को ग्रो एजोला टेरिडोफाइट है और एजोला के अंदर आपका, आपका, आपका ब्लू ग्रीन एलगी है जो वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा जिसकी वजह से राइस का जो प्रोडक्शन होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और ये कहा मिलता है ये साइकस के अंदर मिलता है साइकस के अंदर एक रूट मिलती है जिसको आप बोलते हैं कोरोलॉइड रूट जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है बच्चों रूट यूजुअली कैसी होती हैं? रूट यूजुअली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। मतलब जो रूट होती हैं वो सॉइल में नीचे की तरफ जाती हैं रूट सॉइल में नीचे की तरफ जाती हैं मतलब जो रूट होती हैं वो यूजुअली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं बट साइकस के अंदर एक स्पेशल रूट मिलती है जिसको बोलते हैं कोरोलॉइड रूट और ये रूट सॉइल में नीचे की तरफ नहीं सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो करती है सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो करती है इसलिए आप इसको बोलते हैं नेगेटिवली तो साइकस की कोरोना एनाबीना एना तो फिर से देखिएगा फिर से देखिएगा नोस्टॉक एना बीना कहा मिलेंगे टेरेडोफाइट टेडोफाइट में एग्जाम्पल एजोला और कहा मिलेंगे जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम में एग्जाम्पल साइकस साइकस की कौन सी रूट कोरोलाइड रूट रोलॉइड रूट कहां जा रही है नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है रूट से ऊपर की तरफ जा रही है मतलब नेगेटिवली हुई या पॉजिटिवली ट्रॉपिक हुई ये आपकी हुई. ये आपकी हुई. ये आपकी नेगेटिवली नेगेटिवली हुई हुई इस रूट में आपका साइकस की इस रूट में आपका एनाबिना मिलेगा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दूसरी चीज वॉटर ब्लूम एल्गल ब्लूम वॉटर ब्लूम एल्गल ब्लूम वॉटर ब्लूम एल्गल ब्लूम एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी इन पॉल्यूटेड वॉटर जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज इन वॉटर जिसकी वजह से डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ आठ बजे ब्रेक मिलेगा आठ बजे ब्रेक मिलेगा तब तक तब तक बैठे रहिए आठ बजे ब्रेक मिलेगा आठ बजे ब्रेक मिलेगा नाचो गाओ ढिंडोरा पिटवाओ आठ बजे ब्रेक मिलेगा वाटर ब्लूम क्या होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन पॉल्यूटेड वाटर पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ब्लू ग्रीन एलगी की एक्सेसिव ग्रोथ को बोलते हैं वाटर ब्लूम एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी इन पॉल्यूटेड वाटर इसको आप बोलते हैं वाटर ब्लूम बच्चों एक चीज को समझिएगा यह चैप्टर पूरी बॉटनी में सबसे बड़ा चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर है यह बात आप मानेंगे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा चैप्टर है तो आप देख लीजिएगा अगर यह सबसे बड़ा चैप्टर है इसको थोड़ा ढंग से पढ़ाना है

तो वो पानी का ऑक्सीजन लेवल कम कर देंगे वो पानी में से ऑक्सीजन को यूज करना स्टार्ट कर देंगे जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ये जो क्वेश्चन है ये प्लांट किंगडम में दिया हुआ है रूट। देखो जिम्नोसपम खोलो जरा खोलो जिम्नोसपम्प जिम्नोसपम में दिया हुआ है ये क्वेश्चन और ये भी दिया हुआ है ये भी प्लांट किंगडम है एजोला बहुत फेमस क्वेश्चन है यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, 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 है प्लांट के देख लेना उसके बाद फोटो इन्होंने इन्होने फोटो में पहली बार वॉटर यूज किया इन्होंने फोटो में पहली बार वॉटर यूज किया तो बच्चों इन्होंने वॉटर यूज किया देखिए बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं किया था बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं किया था उन, उन्होंने H2S यूज किया था इन्होंने वाटर यूज किया तो इन्होंने क्या निकाला इन्होंने ऑक्सीजन निकाला ब्लू ग्रीन एल्गी ने सबसे पहले इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे पहले आपका सबसे पहले आपका सबसे पहले आपका वाटर यूज किया था ब्लू ग्रीन एलगी ने फोटोसिंथेसिस में जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो बताइए इनका फोटोसिंथेसिस कैसा हुआ ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक बताइए फोटोसिंथेसिस कैसा हुआ ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक बताइए ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजे ऑक्सीजनिक या नॉन ऑक्सीजनिक बिल्कुल सही बिल्कुल सही इनका जो फोटोसिंथेसिस हुआ वो आपका हुआ ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक यहां तक समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए यहां तक समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए फटाफट यहां पर समझ में आया तो यस लिख दीजिए फटाफट यहां तक समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए ठीक है यहां तक समझ में आ गया है यहां तक अपने बच्चों को समझ में आ गया है लास्ट टॉपिक है मोनेरा का हेट्रोसिस लास्ट टॉपिक है मोनेरा का हेट्रोसिस एनसीआरटी में बड़ा फोकस करके बताया है हेट्रोसिस के बारे में बड़ा फोकस किया है, हेट्रोसिस के बारे में. हेट्रोसिस क्या है? आपकी एक सेल है जो कहां मिलती है जो आपकी मिलती है फिलामेंटस एलगी में एग्जाम्पल हो गया आपका नॉस्टॉक तो अगर हम नॉस्टॉक के डायग्राम की बात करें तो नॉस्टॉक आपका एक फिलामेंटस एल्गी है नॉस्टॉक आपका एक फिलामेंटस एलगी है ये मैंने डायग्राम बनाया आपका नॉस्टॉक का तो ये मैंने आपका नॉस्टॉक का डायग्राम बनाया और इसके चारों तरफ आपको मैंने एक कवरिंग दिखाई है इसके चारों तरफ मैंने आपको एक कवरिंग दिखाई है इस कवरिंग को मैं बोल रहा हूं म्यूसिलेज इसको मैं बोल रहा हूं म्यूसिलेज या मैं इसको बोल सकता हूं जिलेटिनियस कवरिंग या मैं इसको बोल सकता हूं तो मैंने आपको म्यूसिलेज दिखाया मैंने आपको जिलेटिनियस कवरिंग दिखाया मैंने आपको म्यूसिलेज दिखाया या मैंने आपको जिलेटिनियस कवरिंग दिखाया तो आपका ये जो चीज आपको दिख रही है ये आपकी ग्रीन एल्गी है और ब्लू ग्रीन एलगी में ब्लू ग्रीन एलगी में मैंने आपको किसका डायग्राम दिखाया नॉस्टॉक का डायग्राम दिखाया और नॉस्टॉक आपका कैसा एलगी है नॉस्टॉक आपका फिलामेंटस एल्गी है नॉस्टॉक आपका फिलामेंटस एलगी है नॉस्टॉक आपका फिलामेंटस एलगी है और इस फिलामेंटस एलगी के सराउंडिंग में म्यूसिलेज की कवरिंग है या मैं कहूं जिलेटेनियस की कवरिंग है म्यूसिलेज की कवरिंग है या मैं कहूं जिलेटेनियस की कवरिंग है तो बच्चों इसके अंदर इसके अंदर एक स्पेशल सेल मिलती है ये रही वो स्पेशल सेल इसके अंदर आपकी एक स्पेशल सेल मिलती है इसके अंदर आपकी एक स्पेशल सेल मिलती है जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है इसका सेल का साइज बड़ा होता है लार्ज है थिक वॉल है और ये सेल इम्परमिएबल होती है यह सेल इम्परमिबल होती है किसके लिए ऑक्सीजन के लिए तो यह सेल आपका इम्परमेबल होती है ऑक्सीजन के लिए तो यह एक बड़ी सी सेल है स्पेशलाइज सेल जो लार्ज है थिक वॉल्ड है इंपरमिएबल है ऑक्सीजन के लिए और यह सेल करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सेल करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन इस सेल को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट तो ये वाली जो सेल आपको दिखी ये वाली जो सेल आपको दिखी इस सेल को हम बोल रहे हैं है, हेट्रोसिस तो हेट्रोसिस्ट आपकी कहा मिलेगी फिलाेंटल सेल की में मिलेगी एग्जाम्पल क्या हुआ नोस्टॉक इसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल जो बड़ी है जिसकी वॉल थिक है जो इम्परमेबल है ऑक्सीजन के लिए और इस सेल के अंदर एक एंजाइम मिलेगा जिसको आप बोलेंगे नाइट्रोजिनेस और यह नाइट्रोजिनेस एंजाइम N2 को कन्वर्ट करेगा अमोनिया में जिसको आप बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको आप बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और ये जो सेल आपको दिख रही हैं, बाकी सेल ये जो बाकी सेल आपको दिख रही हैं, इन बाकी सेल को आप बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल जो होती हैं, ये आपकी फोटोसिंथेसिस करती हैं, ये आपकी फोटोसिंथेसिस करती हैं तो अगर मैं आपको बोला ये आपका ग्रीन एल्गी है कैसा ग्रीन एल्गी है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एलगी है एग्जाम्पल क्या हुआ नोस्टॉक no हुआ और इसके चारों तरफ एक कवरिंग है जिसको आप म्यूसिलेजनियस कवरिंग बोल रहे हैं या आप जिलेटेनियस कवरिंग बोल रहे हैं और इस सेल के अंदर एक स्पेशल सेल है जिसका साइज बड़ा है जिसकी वॉल थिक है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसकी वॉल ऑक्सीजन के लिए इमरमिएबल है और इस सेल के अंदर जो इंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम नाइट्रोजिनेस इंजाइम है और यह नाइट्रोजिनेस इंजाइम N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब हैट्रोसिस वो सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है हेट्रोसिस वो सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और इसके अलावा ये जो बाकी सेल आपको दिख रही हैं ये वाली सेल ये वाली सेल ये वाली सेल ये वाली सेल इन सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और ये आपका करती हैं फोटोसिंथेसिस ये आपका करती हैं फोटोसिंथेसिस ये आपका करती हैं फोटोसिंथेसिस है, तो बच्चों एक बार पूरे मोनेरा का रिविजन ले लो एक बार मोनेरा का रिविजन ले लो फटाफट मोनेरा का रिविजन ले लो एक बार आप मोनेरा का रिवीजन ले लो फटाफट मोनेरा का रिवीजन ले लो आ जाओ फटाफट आ जाओ पूरे की पूरी समरी आ जाओ बैक्टीरिया का जो शेप था वो था कोकस बैसिलस, विब्रियो एंड अगर बैक्टीरिया थारियाल है तो आप बोलेंगे कोकस मोटाइल या नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल अगर आपका बेसिलस है तो रॉड शेप है वो मोटाइल भी हो सकता है नॉन मोटाइल भी हो सकता है और मोस्ट कॉमन शेप जो था वो आपका था बेसिलस मोस्ट कॉमन शेप जो था आपका वो था आपका बेसिलस तो मोस्ट कॉमन शेप जो था आपका वो था आपका बेसिलस कॉमा शेप है मोटाइल है स्पाइर स्पाइरल शेप है मोटाइल है स्ट्रक्चर सिंपल है बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है ऑटोट्रॉप भी है मोस्टली जो है वो आपके हेट्रोट्रॉप है मोस्टली जो है हेट्रोट्रॉप है ऑटोट्रॉप में दो टाइप थे फोटो लिथो ऑटोट्रॉप मतलब फोटो मतलब लाइट एनर्जी Litho मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम्पल एच टू एस तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन हो गया एच टू एस मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा प्रोटाइन प्रोवाइड करेगा इन्होंने वाटर यूज नहीं किया इसलिए इनका फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक था इसमें दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप

डैमेज बीमारी थी और ये इनके causal organism थे. रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में binary vision, unfavorable condition में स्पोर फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जाए कॉन्जुगेशन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए वायरस की हेल्प से जाए ट्रांसडक्शन यहां पर ट्यूब की हेल्प से गया कॉन्जुगेशन एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें एक बैक्टीरिया है और सॉल्यूशन के अंदर डीएनए डाला गया है अगर सॉल्यूशन में से डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चले जाए तो इसको आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इसको आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन

मार्शी कंडीशन में दलदली एरिया मार्शी कंडीशन में मिलेंगे उनको मिथेनोजन बोलेंगे कैटल के स्टमक के र्यूमेन पार्ट में जो मिथेनोजन मिलता है उसका नाम है रूमेनोकोकस जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है सेलोस के में करता है। हेलो मिलेंगे पानी में नमक होगा ये वहां मिलेंगे जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा कंडीशन होगी एसिडिक

पिगमेंट कौन से मिलेंगे क्लोरोफिल ए कैरोटीन और जेनोफिल दोनों को मिलाकर बोलते हैं रेड सी का रेड कलर किस एल्गी की से है, है. है? और और किसके अंदर आते थे फाइकोब्लिन ये भी पिगमेंट है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है उसके बाद ग्रीन एल्गी की फॉर्म्स आपको बताई गई यूनिसेलर

पानी में ब्लू ग्रीन एल्गी की ज्यादा ग्रोथ हो जाती है वो ऑक्सीजन लेवल को डिप्लीट कर देते हैं ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को थोड़ा डेंजर होता है इसको आप वाटर वाटर ब्लूम बोलते हैं इन्होंने इन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस में वाटर को यूज किया था और यहां से ऑक्सीजन निकाली गई थी राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो राइस में लगा दीजिए एजोला क्योंकि एजोला के अंदर मिलेगा एनाबिना एनाबीना ग्रीन एल्गी है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा हेट्रोसिस्ट

हेल्प करती है तो बच्चों ब्रेक लेते हैं कितने मिनट का ब्रेक चाहिए बताओ कितने मिनट का ब्रेक चाहिए बताओ कितने मिनट का ब्रेक चाहिए आ जाना लेकिन सारे के सारे मैं इंतजार करूंगा सारे के सारे आ जाना। पहले बताओ समझ में आया तो सब लिखो यस समझ में आ रहा है तो सब लिखो यस पंद्रह मिनट का ब्रेक है पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट का ब्रेक है बेटा पंद्रह मिनट का ब्रेक है 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 वो वॉच लगा दो वॉच सो वॉच लगा दो ना नहीं तो इसमें दिखती रहेगी ना बच्चों को अरे बच्चों को दिखती रहेगी ना वॉच चलेगी तो यहाँ से वॉच ले लो ना एक बार बुलाओ ना जिसको कुछ पता कोई है कोई भी नहीं है यहाँ से तुम कहीं से वॉच लेते हैं बहुत सहना भी तो आवाज़ जारी होगी बच्चों को आवाज़ जारी होगी That's it. क्या मेरी आवाज आ रही है दरवाजा बंद कर दो क्या मेरी आवाज आ रही है यस यस क्या मेरी आवाज आ रही है ओके मेरी आवाज आ रही है बच्चों देखो आप वन शॉट पढ़ रहे हो यार इतना बड़ा चैप्टर है है ना इसको मैंने यकीन थ्री पॉइंट ओ में पढ़ाया था तो पंद्रह सोलह घंटे लगा के इस चैप्टर को पढ़ाया था तो आप देखो कि अब उसको वन शॉट में पढ़ाना है एनर्जी भी रखनी है कॉन्सेप्ट भी देना है है ना बोर भी नहीं होना है तो थोड़ा सा मतलब उन्नीस बीस हो जाता है क्योंकि आप वन शॉट में देख रहे हो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो कहीं कोई कमी रह जाए तो भाई दिल पे मत लेना है ना मस्त रहना मतलब <laughs> गालियां मत बकना कहीं चैप्टर में थोड़ी बहुत कुछ कमी रह जाए क्योंकि वन शॉट में पढ़ रहे हो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना कि वन शॉट में बेस्ट दूँ फिर भी कहीं थोड़ा बहुत कुछ आपको लगे कोई कमी रह जाए तो थोड़ा सा देखिएगा ठीक है तो मस्त रहना मस्त होके मजे से पढ़ेंगे आगे की जर्नी भी आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करना और लेक्चर को लाइक भी कर देना हमें लगेगा कि भैया हमने जो मेहनत की है वो सक्षम हो रही है ठीक है बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग पंद्रह मिनट हो गए हैं कहा गया सर ये रहा टेक्नोलॉजी आ जाओ भाई सारे आ जाओ चिंटू मिंकू चिंटू रोहन सोहन सारे आ जाओ भाई सारे आ जाओ आपा चल रहे हैं सारे आ जाओ पूरे के पूरे आ जाओ भाई बढ़िया सा सिखाएंगे आपको बढ़िया से सारे आ जाओ जितने भाई बहन सब जुड़ जाओ सब आ जाओ देखो कोई छूट ना गया हो सब आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ कोई छूटना नहीं चाहिए भाई सारे आ जाओ चिंकू मिंकू रोहन सोहन टिंकी पिंकी सब आ जाओ भाई सारे आ जाओ कराऊंगा बेटा क्वेश्चन कराऊंगा कराऊंगा चिंता मत कराऊंगा परेशान नहीं होना कराऊंगा जो अपने पास चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना पी वाई क्यू वो जो क्वेश्चन है उसमें मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस सबके ऑप्शन डाले हुए मिक्स करके तो अभी अपने को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा हाँ मैं अपने बाल कटवा लूंगा भाई ये कह रहा है अपने बाल कटवा लो कटवा लूंगा मेरे भाई कटवा लूंगा पर तू पूरी क्लास अटेंड कर उसके बाद अपने बाल कटवा लूंगा ठीक है चलो गर्म पानी रखवा देना ठीक है थैंक यू कर दो दरवाजा बंद कर दो चलो भाई स्टार्ट करते हैं पूरा फटाफट प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर प्रोटिस्टा जो होता है बच्चों ये आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है ये आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है और ये आपके मोस्टली जो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं प्रोटेस्टा के अंदर जो मेंबर्स रखे गए हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए कुछ लोग इनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन कुछ लोग इनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन और कुछ लोग इनको प्लांट्स बोलते हैं इनको प्लांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कुछ लोग इनको प्लांट्स बोलना पसंद करते हैं कुछ लोग इनको कहते हैं कि नहीं हम इनको प्लांट्स नहीं बोलेंगे हम इनको फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक बोलेंगे इनकी जो बाउंड्री है इनकी बाउंड्री जो है वो वेल well डिफाइंड नहीं है इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है क्यों क्यों मैंने ऐसे बोला इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है जैसे मान लीजिए इसके अंदर युगलीना को रखा गया है जो होता है युगली के अंदर आपकी सेल वॉल जो होती है वो एब होती है इसका मतलब किसका कैरेक्टर शो कर रहा है युगलीना एनिमल का कैरेक्टर शो कर रहा है और युगलीना आपका फोटोसिंथेसिस करता है इसका मतलब ये किसका कैरेक्टर शो कर रहा है प्लांट का कैरेक्टर शो कर रहा है तो इसका मतलब यूग्लीना में प्लांट के भी करैक्टर है एनिमल के भी करैक्टर है इस किंगडम के अंदर जो लोग रखे गए हैं वो प्लांट के भी करैक्टर शो कर रहे हैं वो एनिमल के भी करैक्टर शो कर रहे हैं इसका मतलब इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है न्यूक्लियस बच्चों न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि ये क्योंकि ये यूकैरियोट है तो इसके अंदर आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल जो होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल जो होंगे वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे मूवमेंट करने के लिए इनके अंदर सीलिया मिलता है इनके अंदर फ्लैजला मिलता है और एक और स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया तो आपका सीलिया प्रेजेंट है आपका फ्लैजला प्रेजेंट है और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया ये मैं आपको बताऊंगा ये मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन दोनों तरह का मिलता है बच्चों रिप्रोडक्शन दोनों तरह का मिलता है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है और इसके अंदर आपका सेक्सुअल भी मिलता है तो बच्चों ये आपके प्रोटिस्टा का कैरेक्टर हो गए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है क्राइजो फाइट्स बच्चों क्राइजो कहां से आया क्राइजो कहां से आया बच्चों क्राइजोफाइट एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिवीजन जिसको बोलते हैं डिवीजन और डिवीजन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्राइजोफाइटा क्राइजोफाइटा बट यहां डिवीजन वर्ड तो यूज नहीं कर सकते यहां हम वर्ड यूज करेंगे फाइलम तो एक फाइलम है जिसको अपन ने बोला क्राइजोफाइटा उस क्राइजोफाइटा से वर्ड आया क्राइजोफाइट चलो उसको छोड़ो ये एनसीआरटी में नहीं है ये एनसीआरटी में नहीं है अपन सीधा बात करते हैं क्राइजोफाइट के अंदर क्राइजोफाइट के अंदर दो तरह के लोग आते हैं एक को बोलते हैं डाई और दूसरे को आप बोलते हैं डेस्मिड एक को आपने बोला एटम दूसरे को आपने बोला डेस्मिड एक को आपने बोला एटम दूसरे को आपने बोला डेस्मिड तो बच्चों गोल्डन एलगी होते हैं ये आपके गोल्डन एलगी होते हैं ये आपके गोल्डन एलगी होते हैं और जो डायटम होता है डाय एटम का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है डाय एटम का जो कलर होता है वो आपका ब्राउन होता है एक मिनट आवाज कम आ रही है आवाज कम है बढ़ा दीजिए आवाज कम है बढ़ा दीजिए एक सेकंड रुकिएगा आवाज कम है अरे आवाज कम है बच्चे बोल रहे हैं बढ़ा दीजिए थोड़ा सा आइए मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई ब्रदर 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 हाँ बच्चे कह रहे हैं आवाज कम आ रही है थोड़ा बढ़ा दो ब्रदर हाँ तो डाईटम डेस्मिड तो डेस्मिड गोल्डन एलगी होते हैं डाईटम का कलर जो होता है ब्राउन होते हैं तो बोला ये कहां पर मिलता है ये कहां पर मिलता है बोला ये आपका फ्रेश वॉटर में भी है और ये आपका मैरीन वॉटर में है दोनों जगह मिलता है फ्रेश वॉटर और मैरीन वॉटर मूवमेंट बच्चों इनके अंदर फ्लैजला एबसेंट होता है इनके अंदर फ्लैजला एबसेंट होता है तो ये कैसे मूव करेंगे पानी का जो करंट है पानी का जो भाव है पानी अपनी स्पीड से जा रहा है पानी का जो करंट है पानी का जो भाव है उसकी हेल्प से ये मूव करते हैं मतलब इनके अंदर जो मूवमेंट होता है इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है विद दी हेल्प ऑफ वॉटर करंट वाटर करंट की हेल्प से ये मूव करते हैं इसलिए इनके लिए वर्ड यूज किया हुआ है प्लैंगटंस इसलिए इनको बोलते हैं प्लैंगटन तो इनके अंदर फ्लैजला नहीं होता तो जब बिना फ्लैजला के मूवमेंट होता है तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं पैसिव मूवमेंट ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं पैसिव मूवमेंट हाई थर्टी सिक्स हो रहा है बेटा आवाज आ रही है आवाज आ रही है बेटा यस नो आवाज आ रही है यस yes नो

Mostly जो होता है वो आपका फोटोसिंथेटिक होता है मतलब इनके अंदर जो पिगमेंट मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए होते हैं और क्लोरोफिल सी होते हैं इसकी जो सेल वॉल है इसकी सेल वॉल जो होती है वो डिवाइडेड होती है कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है तो जब आप इसकी सेल वॉल को देखोगे तो इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से तो जब आप एक डाई एटम को देखोगे तो डाई एटम की जो बॉडी है वो इस तरीके से दिखेगी इसका जो अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट तो सेल वॉल इस तरीके से दिखेगी जैसे आपको दिख रहा हो सोप बॉक्स ऊपर वाला पार्ट देखिए ये अपर वाला पार्ट हो गया इसका ये इसके सेल वॉल का अपर पार्ट है और ये इसका कौन सा पार्ट है ये इसका लोअर पार्ट है तो जब आप एक डाई डाईटम को देखोगे तो डाई का मतलब होता है दो डाई का मतलब होता है दो इसकी जो सेल वॉल है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट जो साबुनदानी होती है सोप बॉक्स सोप बॉक्स जिसमें साबुन रखते हैं उसका ऊपर का ढक्कन बड़ा होता है और जहां पर साबुन रखते हैं वो छोटा होता है वो छोटा होता है तो डायटम की जो सेल वॉल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट और इनका जो पैटर्न होता है वो सोप बॉक्स की तरह होता है इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है अब आप देखिए इसकी जो सेल वॉल है इसकी जो सेल वॉल है मैं बोल सकता हूं टू थिन ओवरलैपिंग टू थिन ओवरलैपिंग देखिए कितने हैं दो एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट कैसी है थिन है और वो क्या कर रही है वो ओवरलैप कर रही है आपने साबुनदानी देखी होगी सोप बॉक्स देखा होगा ऊपर का ढक्कन और नीचे साबुन रखा है उसके कोने ओवरलैप करते हैं उसके उसके कोने ओवरलैप करते हैं तो टू थिन ओवरलैपिंग शेल टू थिन ओवरलैपिंग शेल इसकी सेल वॉल में सिलिका मिलता है और सिलिका की वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो इनडेस्ट्रिक्टिबल होती है इनडेस्ट्रिबल का मतलब होता है उसको कोई भी डिकम्पोज नहीं कर सकता नॉट एबल टू डिकोज नॉट एबल टू डिकम्पोज इसकी cell wall को कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता नॉट एबल टू डिकम्पोज तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद लिखा हुआ है आपका इसके बाद आपका लिखा हुआ है डायटोम इसको समझिएगा मान लीजिए ये आपका सी है ये आपका सी है और यह है सी का बॉटम यह है आपका सी का बॉटम तो ये आपका सी है ये देखिए यह आपका सी है और नीचे आपको दिख रहा है सी का बॉटम सी का बॉटम तो इसके अंदर यह आपका प्रेजेंट है डाई एटम ये आपका क्या प्रेजेंट है यह है डाई एटम तो जब जब आपका जब आपका जब आपका डाई एटम की डेथ हो जाएगी तो जब डाई एटम की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी तो इसकी डेथ के बाद इसकी डेथ के बाद जो डाई एटम होते हैं जो डाई एटम होते हैं इनकी जो वॉल है इनकी जो वॉल है, है वो कहां पर डिपोजिट हो जाती है वॉल ऑफ डाई एटम डिपोजिट एट बॉटम ऑफ सी बॉटम ऑफ सी में डाई एटम डिपोजिट हो गए हैं या मैं कहूं डाई एटम की जो वॉल है वो बॉटम ऑफ सी में डिपोजिट हो गया है और कोई भी चीज इस डाई एटम की वॉल को डिकम्पोज नहीं कर सकता कोई भी चीज डाई एटम की वॉल को डिकम्पोज नहीं कर सकता तो जो इसका नीचे का सतह है जो इसका बॉटम है वो बॉटम कैसा हो जाता है बॉटम हार्ड हो जाता है तो समुंदर का जो बॉटम है वो हार्ड है क्योंकि वहां किसकी लाशें हैं वहां किसकी लाशें हैं वहां डायटम की लाशें हैं वहां डायटम की सेलवॉल पड़ी हुई है और वो डायटम की सेलवॉल इनडेस्ट्रिक्टिबल है उसको कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता वो इनडेस्ट्रिक्टिबल है उसको कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता समुन्द्र की जो सतह है वो हार्ड हो गई है हार्ड हो गई है इसको बोलते हैं डाइ अर्थ अगर आया तो लिखो यस अगर आया तो लिखो यस अगर आया तो लिखो यस ठीक है तो ये अपन नहीं पढ़ेंगे ये आउट ऑफ एनसीआरटी मैंने पहले से लिखा हुआ है चीफ प्रोड्यूसर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन प्लांट के अंदर पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं जो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन्स उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स पानी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको फाइटो बोलते हैं और किसका है एटम किसका एग्जाम्पल है का है इसका मतलब सबसे ज्यादा समुन्द्र के अंदर जो फोटोसेंथेसिस कर रहा है चीफ प्रोड्यूसर जो ओशियन में है जो चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन में वो आपका डाई है वो आपका डाई है जो चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन के अंदर वो आपका डाई एटम है वो आपका डाई एटम है वो आपका डाई एटम है लगे रहना सारे के सारे लगे रहना पूरी एनर्जी रखनी है पूरी एनर्जी रखनी है भाई बस ये रात है पूरा जोर लगा देना इतिहास कल हमें याद रखेगा याद रखना सिलेक्शन आसान नहीं है खून से लिखी कहानी है सीआई से नहीं बढ़ेगी आगे बढ़ाना है तो फिर से खून मांगेगी कह देना आ रहा हूं अपना सिलेक्शन लेने के लिए अगर कोई पूछता है क्या मांगता है तुझको दुनिया नहीं रे दुनिया नहीं मांगता मेडिकल में एक सीट मांगता है जगह रहना सोना मत सोफे से उठ जा सोफे से उठ लेट के लेक्चर अटेंड करता है लेट के लेक्चर अटेंड करता है चिटिंग करता है चिटिंग करता है लेट के लेक्चर अटेंड करता है उठ जा उठ जा खाना साइड में रख खाना साइड में रख खाना साइड में रख सीधा बैठ के कर मम्मी मम्मी कह कह रही रही है है ना लेट के नहीं पढ़ना नहीं मैं तो लेट के पढ़ूंगा लेट के क्यों पढ़ता है लेट के क्यों पढ़ता है लेट के नहीं पढ़ना मैं नहीं मान रहा सी यू हैव टू बिहेव लाइक अ किड बिकॉज यू आर डीलिंग विथ किड तो समटाइम यू हैव टू बिहेव लाइक अ जोकर बट इट मीन आई एम अ जोकर आई एम नॉट अ जोकर ऑफ माइ प्लान आई एम नॉट अ माइक्रोप्लाजमा बट समाइम यू हैव टू एक्ट लाइक अ जोकर डीलिंग विथ लिटिल द स्मॉल किड्स तो गाइज आ जाओ वापस से आ जाओ वापस से आ जाओ आ जाओ दीवानो आ जाओ पिगमेंट पिगमेंट मैंने आपको बता दिया पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और सी प्रेजेंट है पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी आपका इसके अंदर प्रेजेंट है ग्रिटी का मतलब होता है ग्रिटी का मतलब होता है आपका थोड़ा सा रफ थोड़ा सा हार्ड तो ये ग्रिटी इन नेचर होते हैं स्मूथ नहीं होते थोड़ा रफ होता है खुदरा 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 यूज यूज इसको हम यूज करते हैं कहां पर इसको हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के अंदर ये डायरेक्ट याद रखना स्टोन पॉलिशिंग के अंदर ये डायरेक्ट याद रखना इस पे अपन कोई दिमाग नहीं लगाएंगे ठीक है एनसीआरटी के अंदर लिखा हुआ है ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और स्टोन पॉलिशिंग में हम इसको यूज करते हैं तो बच्चों आपने डायटम का ब्राउन कलर हो गया डेस्मिट का गोल्डन ब्राउन कलर हो गया फ्रेश वॉटर भी है और मेरीन वॉटर दोनों में जगह मिलेंगे तीसरा फ्लैजला एबसेंट होता है मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है मूवमेंट वॉटर करंट की हेल्प से होता है मतलब इनके अंदर फ्लैजला नहीं मिलते तो जब कोई चीज पानी की हेल्प से मूव कर रही है इसको प्लैक्टेंस बोला और ऐसे मूवमेंट को आप बोलते हैं पैसिव मूवमेंट न्यूट्रिशन मोस्टली फोटोसिंथेटिक है क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए मिलेगा मिलेगा सी इसके अंदर सेल वॉल दो पार्ट में डिवाइड है अपर पार्ट और लोअर पार्ट और सेल वॉल के दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं टू थिन ओवरलैपिंग सेल सिल सेलवॉल में मिलता है और इसकी वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रिक्टेबल होती है जब ये मर जाते हैं तो ये पानी के बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं जब डाइट मर जाएंगे तो ये पानी के बॉटम में डिपॉजिट हो जाएंगे और वहां पर जो पानी का जो बॉटम होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है इसको आप बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ इसको आप बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में दबा के फोटोसिंथेसिस करते हैं दबा के फोटो करते हैं तो इनको बोलते हैं मेन फाइटो प्लानी के अंदर जो मेन प्रोड्यूसर है जो मेन फाइटोप्ल है वो आपके कौन है वो आपके डायटम है पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी है 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 रफ हार्ड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में में इनको इनको यूज यूज किया किया जाता जाता स्टोन की पॉलिशिंग में इनको यूज किया जाता है, है, है. रात को जो पेंट होते हैं जो जब गाड़ी की रोशनी उस उसमें पड़ती है तो रात में जो पेड़ों पे पेंट लगे होते हैं वो चमकते हैं उन पेंट में भी इसको यूज किया जाता है तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा ये हमने डाय के बारे में पढ़ा नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं वो मोस्टली मैरीन होते हैं तो डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं आपके वो आपके मोस्टली कैसे होते हैं मोस्टली मैरीन होते हैं ये ब्लू कलर के हो सकते हैं ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं ये येलो कलर के हो सकते हैं ये रेड कलर के भी हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि इनके अंदर कौन से पिगमेंट्स हैं ये डिपेंड करता है इसके अंदर कौन से पिगमेंट्स हैं ये डिपेंड करता है इसके अंदर कौन से पिगमेंट्स हैं क्वेश्चन कराऊंगा पहले बार खत्म होने दो क्वेश्चन कराऊंगा पहले बार खत्म होने दो क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा ब्लू ग्रीन येलो रेड ये इनके कलर हो सकते हैं इसकी जो सेल वॉल होती है इसकी सेल वॉल में आपका सेलुलोज प्रेजेंट होता है और इसके अंदर आपके दो फ्लैजला मिलते हैं इसके अंदर आपके दो फ्लैजला मिलते हैं जैसे मैं अगर डायग्राम आपको बनाऊं इसके अंदर अगर मैं आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाऊं एक डायनो फ्लैजलेट का डायग्राम दिखाऊं तो बच्चों इसके अंदर आपके दो फ्लैजला मिलते हैं एक फ्लैजला तो यह रहा आपका और दूसरा फ्लैजला जो है ये रहा इस फ्लैजला को बोलते हैं ट्रांसफर फ्लैजला इसको बोलते हैं ट्रांसफर फ्लैजला और इसको हम बोलते हैं लॉन्गीट्यूडनल फ्लैजला तो इसके अंदर दो टाइप के फ्लैजला मिलते हैं इसके अंदर दो टाइप के फ्लैजला मिलते हैं ट्रांसफर फ्लैजला और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला दो तो तरह के फ्लैजला मिलते हैं बोला ठीक है बिल्कुल सही है रेड टाइड रेड टाइड बच्चों समुंदर के अंदर समुंदर के अंदर समुंदर के अंदर कुछ पर्टिकुलर जगह पर समुंदर का कलर जो होता है वो रेड हो जाता है रेड हो जाता है किसकी वजह से बोला एक चीज है एक एक चीज है जिसको आप बोल रहे हैं गोनियोलेक्स जिसको आप बोल रहे हैं गोनियोलेक्स गोनियोलेक्स किसका है डायनोफ्लेट का एग्जाम्पल है तो ये बहुत रैपिड रेपिड मल्टीप्लाई करता है रेपिड मल्टीप्लीकेशन करता है रेपिड मल्टीप्लीकेशन करता है कहां पर सी के अंदर और इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड जिसकी वजह से रेड कलर इन सी पूरा समुंदर रेड कलर का नहीं होगा पूरा समुंदर रेड कलर का नहीं होगा समुंदर में कुछ कुछ जगह पर लाल कलर होगा समुंदर में कुछ कुछ जगह पर लाल कलर होगा तो समुंदर में जिस जगह पर लाल कलर होगा वहां पर सबसे ज्यादा जो मिलेगा उसका नाम है गोनियोलेक्स गोनियोलेक्स ने वहां जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन किया होगा जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन किया होगा जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन किया होगा और इस गोनियोलेक्स के अंदर एक पिगमेंट मिलेगा जिसको आप बोलेंगे कैरोटिनोइड जिसकी वजह से समुद्र का वो जो रीजन होगा वो रेड कलर का हो जाएगा और इसको बोलते हैं रेड टाइड इसको बोलते हैं रेड

I had only go yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 oh yes, yes, Jalisa, yes, Nikki, yes, oh yes, 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 yes. ठीक ठीक है थीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबा शाबा बहुत बढ़िया जगह रहना सभी को जगह रहना सभी को ये देख लीजिए आपका बच्चा सोफे पे लेटा नहीं होना चाहिए ये 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 किसी का बच्चा किसका ये? ये मोहन सोफे सोफे पे लेटा हुआ है है उठ 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 जा सोफे से जा दलड़ जा दलड़ जा से जल्दी जल्दी नेक्स्ट आपका टॉक्सिन नेक्स्ट है आपका टॉक्सिन टॉक्सिन को समझिएगा टॉक्सिन क्या होता है टॉक्सिन को मैं यहां पर समझा देता हूं टॉक्सिन को मैं यहां पर समझा देता हूं क्योंकि ये वाला पॉइंट इनिशिएटिव में नहीं है टॉक्सिन को मैं यहां समझा देता हूं बच्चों एक डायनोफ्लैजलेट है जिसका नाम है गोनियोलेक्स। यह एक टॉक्सिन निकालता है जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन तो इन्होंने एक टॉक्सिन निकाला है जिस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन तो टॉक्सिन किससे निकाला टॉक्सिन किससे निकाला गोनियोलेक्स से निकाला और यह टॉक्सिन किसने कंज्यूम किया फिश ने कंज्यूम किया यह कंज्यूम किया मैराइन फिश ने फिश ने कंज्यूम किया और फिश को किसने कंज्यूम किया फिश को कंज्यूम किया किसने ह्यूमन ने कंज्यूम किया जिसकी वजह से ह्यूमन को क्या हो जाता है पैरालाइसिस हो जाता है तो बच्चों डायनोफ्लेट का नाम क्या हो गया गोनियोलेक्स डायनोफ्लेट का नाम हो गया गोनियोलेक्स उसने जो टॉक्सिन निकाला टॉक्सिन का नाम था सेक्सी टॉक्सिन सेक्सी टॉक्सिन किसके अंदर गया मछली के अंदर गया और मछली को हमने कंज्यूम किया तो वो टॉक्सिन हमारे अंदर पहुंच गया और वो हमें पैरालाइसिस कर देता है वो हमें पैरालाइसिस कर देता है अरे दीवानो चैट में नहीं यहां देख लो टॉक्सिन पे फोकस मत करो और भी चीजें पढ़ाई हैं उसको भी समझ लो और भी चीजें पढ़ाई गई हैं ये ये भी समझ ले दीवाने तो अगर मैं आपको बोलता हूं अगर मैं आपको बोलता हूं कि पिगमेंट कौन से मिलेंगे यहां भी पिगमेंट क्लोरोफिल ए और सी मिलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन से होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होता है आओ जरा फास्ट फास्ट आ जाओ जल्दी से फास्ट फास्ट आ जाओ ठीक है डायनोफ्लैलेट कैसा है डायनोफ्लैलेट मोस्टली मैरीन है ब्लू ग्रीन येलो रेड अलग-अलग टाइप का हो सकता है ये डिपेंड करता है इनके अंदर कौन सा पिगमेंट मिल रहा है सेल वॉल किसकी बनी हुई है सेल वॉल बनी हुई हसाओ मत यार हंसा रहे हो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है फ्लैजला दो होते हैं एक ट्रांसफर फ्लैजला होता है एक लॉन्गी फ्लैजला होता है रेड टाइड का मतलब होता है गोनियोलेक्स जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ा लेता है रैपिड मल्टीप्लाई करता है और जिसकी वजह से समुंदर में उस रीजन का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है और इसको आप बोलते हैं रेड टाइड और टॉक्सिन गोनियोलेक्स ने यह टॉक्सिन निकाला टॉक्सिन मछली में गया मछली को ह्यूमन खाया और ह्यूमन को हो गया पैरालाइसिस पिगमेंट कौन सा मिलेगा क्लोरोफिल ए मिलेगा सी मिलेगा ए सेक्सुअल फिजन से होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो बच्चों आपने डायनोप्लेट पढ़ लिया अब यूग्लिनोइड पढ़ेंगे फिर तीनों का रिव्यन यूग्लिनोइड के बाद तीनों का रिविजन यूग्लीड के बाद तीनों का रिविजन तीनो जाना नहीं भाई को छोड़ के यही रहना बेटा आज की रात भाई के साथ आज की रात भाई के साथ मेरा नाम मैंने आपको बताया था मेरा नाम रुपेश चौधरी है मैं इधर कोटा में पढ़ाता हूँ कोटा स्टूडियो से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है क्वालिफिकेशन एम गोल्ड मेडलिस्ट है और यकीन बैच में पढ़ाता है है ना ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और फैमिली में तो वही है मैरिड पर्सन है वाइफ है बच्चा है समझ गए और 12 साल का अपना एक्सपीरियंस हो गया तो इतना बायोडाटा बहुत है अपने बारे में ठीक है मुझे आपको आपको बताना था तो इतना काफ़ी है ठीक है और टीचिंग को एंजॉय करना यार वन शॉट है ये समझ के पढ़ना कि ये वन शॉट है कोशिश कर रहा हूं मैं वन शॉट को शॉर्ट पे शॉर्ट बना दूँ मतलब डिटेल में पढ़ाऊं और आज सारी की सारी चीज़ों को इसके अंदर कवर करूं ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है ठीक है बाकी तुम समझो अगर तुम इसको यकीन थ्री पॉइंटों में पढ़ रहे होते तो इसको तुम आठ या नौ लेक्चर में पढ़ा होता लेकिन यहाँ पे भी कोई ख़राब नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर भी अपना बेस्ट दिया जा रहा है जो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट आपको चीज़ दी जा सकती है वो हम आपको बेस्ट का बेस्ट दे रहे हैं ठीक है और इड्स यूग्लिनॉइड्स मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ जो होते हैं मेजोरिटी ये आपके मिलते हैं कहां पर फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर में कैसा पानी ऐसा पानी मानो सब कुछ गया हो, मानो सब कुछ थम सा गया हो स्टेगनेंट वाटर स्टेग्नेंट वाटर और हाँ कोई लिख रहा है देहरादून देहरादून से मैं बिलोंग करता हूं देहरादून का मैं रहने वाला हूं ठीक है तो वाटर 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 ये है आपका स्टेगनेट और मैंने बहुत जगह पढ़ाया है जयपुर में पढ़ाया है कोटा में पढ़ा रहा हूं मुंबई में पढ़ाया है मुंबई में थाने एक जगह है वहां पे मैंने पढ़ाया है ठीक है देहरादून हो गया बहुत सारी जगह में पढ़ाया है ठीक है दिल्ली में पढ़ाया है ठीक है मेजोरिटी हो गया आपका फ्रेश वाटर वाटर में कौन सा वाटर स्टेगनेंट वाटर वो वाटर जो मूविंग नहीं है जो रनिंग नहीं है जो एक जगह पे रुका हुआ है उस वाटर को बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर वाटर मूव नहीं कर रहा है वाटर मूव नहीं कर रहा है वाटर रुका हुआ है स्टेगनेंट वाटर बॉडी कवरिंग अगर मैं यूगली की बात करता हूं एक रफ डायग्राम बनाऊ अगर युगलीना का एक रफ डायग्राम बनाऊ तो युगलीना के बाहर यूलीना के बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है यूलिना के बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है तो ये जो बॉडी कवरिंग है प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस लेयर जो होती है इसको आप बोलते हैं पैलिकल इसको आप बोलते हैं पैलिकल तो जो प्रोटीनेशियस लेयर होती है इसको आप बोलते हैं पैलिकल तो इसकी इसकी जो बाहर है इसमें सेल वॉल तो मिलेगी नहीं यूरिना के अंदर सेल वॉल क्या हो गई यूरिना के अंदर सेल वॉल क्या हो गई है Absent हो गई है कवर्ड बाय प्रोटीनेशियस लेयर जिसको आप बोलते हैं पैलिकल फ्लैजला इसके अंदर दो फ्लैजला मिलेंगे इसके अंदर दो फ्लैजला मिलेंगे एक फ्लैजला आपका बड़ा होगा और एक फ्लैजला आपका छोटा होगा तो इसके अंदर एक लॉन्ग फ्लैजला होगा और एक आपको मिलेगा शॉर्ट फ्लैजला न्यूट्रिशन जब इनके पास लाइट होगी जब इनके पास लाइट होगी तो लाइट की प्रेजेंस में ये लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे और लाइट की एब्सेंस में ये लोग फीड करेंगे ऑन स्मॉल एनिमल छोटे एनिमल्स पे फीड करेंगे जब लाइट होगी लाइट की प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में ये फीड करेंगे लाइट की प्रेजेंस में ये फीड करेंगे लाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और लाइट की एब्सेंस में ये छोटे एनिमल्स पे फीड करेंगे इसका मतलब लाइट की एब्सेंस में ये लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये लोग आपके हेट्रो ट्रॉप्स होते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये आपको समझ में आ गया होगा एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है है ये आपको समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्शन जो है, वो बाइनरी फिजन से है रिप्रोडक्शन जो है वो है वो बाइनरी फिजन से लॉन्गिट्यूडल एक्सिस में लॉन्ट्यूडल एक्सिस में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा लॉन्गिट्यूडल एक्सिस में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिजन

क्योंकि तुम्हारे भाई की क्लास है यूग्लिनॉइड्स मेजोरिटी फ्रेश वाटर वाटर में भी कौन सा जो पानी रुका हुआ है वॉल क्या होती है फ्लैजला दो टाइप के है. एक बड़ा है और एक छोटा है लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा लाइट नहीं होगी तो आपका ये छोटे एनिमल पे फीड करेगा मतलब ये हेट्रोट्रॉप होगा और जब लाइट होगी तो ये आपका होगा कैसा

ये डेड लीव्स डेड लीव जो आपकी होती हैं, या फिर मैं आपको कहूं कि जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं उनके अंदर क्या मिलता है सेलुलोज मिलता है और इसके ऊपर फीड करते हैं इसके ऊपर आपके फीड करते हैं कौन स्लाइम मोल्ड इसलिए स्लाइम मोल्ड कैसे हुए स्लाइम जो हुए आपके वो आपके हुए सैप्रोफिटिक सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड पे फीड करता है जो आपका डेड पे फीड करता है उसको आप बोलते हैं सैप्रोफिटिक तो जब पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं पेड़ों से जब पत्ते गिरते हैं तो पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं पत्ते गिरने के बाद तो डेड हो जाते हैं और जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं स्मॉल ब्रांचेस को एनसीआर ने लिखा है ट्विग स्मॉल ब्रांचेस को एनसीआर टी लिखा हुआ है टिग ट्विग तो जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो पेड़ों से गिरी हुई हैं उनको बोलते हैं ट्विग और डेड लीफ के अंदर सेलोज होता है उनको कौन खाता है स्लाइम खाता है इसलिए ये कैसा होता है Saprophytic होता है अब ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चों यहां पूरा का पूरा ध्यान से ध्यान से भाई देखिए अरे दिवानो देख लो अभी सेटिंग वेटिंग में मत लगो ये तो मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा यहां पर देख लो जितने बेबी जानू सारे के सारे आ जाओ पूरा का पूरा यहीं पर फोकस रखना है पूरा का पूरा भाई पूरा का पूरा यहीं फेमस रखना है फोकस रखना है हाँ तो अगर हम बात करते हैं आपसे अगर हम बात करते हैं आपसे देखो क्या होता है ना बच्चों पढ़ाने के तरीके पर किसी को जज नहीं करना समझो एक पढ़ाने का तरीका है लंबा लेक्चर लेना है बच्चे को छे घंटे पांच घंटे बैठाना है तो वो ईजी नहीं होता है समझ गए आपको बच्चे को छः घंटे तक वो भी स्क्रीन पर बांध के रखना है यार कितना भी अच्छा पढ़ा लेते हैं कई बार एग्जेशन आता है सिर में दर्द होता है समझ लो नींद आती है तो इस वजह से भी बच्चा क्या लैपटॉप बंद कर देता है तो भाई स्क्रीन पे बैठ के पढ़ना वो भी पाँच छः घंटा और इतनी क्लासेस होती हैं बच्चों की दो महीने में नीट है बच्चा कितना स्ट्रेस में है तो उसके लिए आसान नहीं होता है तो मैं इस तरीके से ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि यार बच्चा जब तक बैठे अपनी क्लास में खुश बैठे यहाँ से जाए तो मजे से जाए अच्छे से उसको नींद आए हंसता वो कॉन्सेप्ट को समझे स्ट्रेस ना ले पूरे टाइम तो वो नीट के स्ट्रेस में ही रहता है समझ गए तो ये इस तरीके का मतलब एक तरीका है वरना क्लासरूम के बाहर मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ क्लासरूम के अंदर थोड़ा सा यू नो करना पड़ता है धंधा ही ऐसा है करना पड़ता है है ना तो अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता कोई धंधा बड़ा नहीं होता ठीक है ये शाहरुख खान साहब का डायलॉग है तो आ जाइए स्लाइम मोल्ड के अंदर आ जाइए स्लाइम मोल्ड के अंदर आ जाइए स्लाइम मोल्ड के अंदर आ जाइए ठीक है मुझे तो पता भी नहीं है मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ या खराब पढ़ा रहा हूँ भाई मेरे को तो पता भी नहीं है देखो तो वन शॉट है कोशिश कर रहा हूं अपना बेस्ट देने की आप लोगों को समझ में आ जाए भाई बाकी तो कल जब कमेंट पढ़ेंगे बच्चों के तब पता चलेगा क्या पढ़ाया अच्छा पढ़ाया खराब पढ़ाया या पढ़ाया ही नहीं या खुद पढ़ के गया अपने को क्या मालूम भाई समझ गए पर यह है जो भी पढ़ा रहे भाई इधर से नहीं <kritik> इधर से पढ़ा रहा है भाई इधर से पढ़ा रहा है भाई ठीक है तो अगर मैं आपको बोला अगर मैं आपको बोला अगर मैं आपको बोला इसकी लाइफ साइकिल समझिएगा थोड़ी सी लाइफ साइकिल समझिएगा बोला बोला स्लाइम स्लाइम मोल्ड मोल्ड में में क्या होता है स्लाइम में इस तरीके से आपका स्लाइमी मास है आप देखिए ये इस तरीके से आपका स्लाइमी मास है और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं आप देखिए आपको इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये जो येल्लो कलर से आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये ध्यान समझना ये कॉन्सेप्शन है बेटा इसको ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्शन है वरना ये समझ में नहीं आएगा इसको ध्यान समझना कॉन्सेप्ट है ये। ध्यान से समझना तो अगर मैं आपको बोला कि भैया ये आपका जो दिख रहा है ये आपको जो दिख रहा है ये आपका स्लाइमी मास है ठीक है चिपचिपा जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये आपको क्या दिख रहे हैं न्यूक्लियस दिख रहे हैं तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एग्रीगेट कर जाते हैं कंडीशन कौन सी आई कंडीशन आपकी आई फेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन में ये लोग एग्रीगेट कर जाते हैं एग्रीगेशन हो जाता है ध्यान से समझिएगा एनसीआरटी के अंदर लिखा हुआ है एग्रीगेशन प्लास्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आती ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिएगा ध्यान से देखिए तो ये आपका स्लाइमी मास है, स्लाइमी मास मास है 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 ठीक इसके अंदर देखिए साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी है आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं और बाकी जो रीजन आपको मैं वाइट कलर से दिखा रहा हूं वो आपका साइटोप्लाज्म है वो आपका साइटोप्लाज्म है तो जब फेवरेबल कंडीशन आई तो ये एग्रीगेट हो गए जब ये एग्रीगेट हो गए तो आपका बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया और इसके अंदर आपके बहुत सारे क्या आ गए न्यूक्लियस आ गए और इसके अंदर आपका क्या आ गया साइटोप्लाज्म हो गया कहने का मतलब है दो सेल हैं कहने का मतलब कितनी सेल हैं दो सेल हैं कहने का मतलब कितनी सेल हैं दो सेल हैं ये दोनों की दोनों क्या हो गई एग्रीगेट हो गई और एग्रीगेट होकर आपका एक स्ट्रक्चर बना इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका वॉल नहीं होता वॉल नहीं होता इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं देख लीजिए बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसका मतलब ये जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है ये आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती और इसको आप बोलते हैं प्लास्मोडियम इसको आप बोलते हैं प्लास्मोडियम फिर से समझिएगा फिर से समझिएगा फिर से समझिएगा फिर से समझिएगा ये एक सेल है ये एक सेल है

नहीं नहीं बेटा अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आई फेवरेबल कंडीशन आई फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी अनफेवरेबल कंडीशन में बॉडी बनेगी अभी कंडीशन कंडीशन फेवरेबल फेवरेबल है है अभी है. तो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है फेवरेबल कंडीशन में बनता है प्लास्मोडियम तो मैं यहां लिख देता हूं अगर कोई पूछे आपसे कि फेवरेबल कंडीशन कर में क्या बनता है फेवरेबल कंडीशन में आपका बनता है प्लास्मोडियम प्लास्मोडियम तो फेवरेबल कंडीशन में आपका बना प्लास मोडियम ये लोग एग्रीगेट करें फेवरेबल कंडीशन में और आपका बना प्लास मोडियम अब, अब आई आपकी कंडीशन कौन सी अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में देखो क्या हुआ अनफेवरेबल कंडीशन में देखना क्या हुआ अनफेवरेबल कंडीशन में आपका इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है इसमें आपका ये डंडा है डंडे को बोला स्टॉक और ये गोला है इस गोले को बोला स्पोरेंजिया इस गोले को बोला स्पोरेंजिया और ये आपका मल्टी न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लाज ये आपका मल्टी न्यूक्लेटेड तो अनफेवरेबल कंडीशन में अनफेवरे दो बार समझाऊंगा दो बार समझाऊंगा पूरा रखना, घबराना मत, दो बार दो बार बार समझाऊंगा, समझाऊंगा, ये वो नहीं है वो मलेरिया वाला प्लास्मोडियम नहीं है मलेरिया वाला प्लास्मोडियम नहीं है ये दूसरा प्लास्मोडियम है ये मलेरिया वाला प्लास्मोडियम नहीं है कंडीशन में इसके ऊपर एक निकला जिस स्ट्रक्चर में स्टॉक भी था और स्पोरेंजिया भी था स्टॉक प्लस स्पॉरेंज ऑफ फ्रूटिंग बॉडी स्टॉक प्लस फॉरेंज ऑफ फ्रूटिंग बॉडी स्टॉक प्लस स्पोरेंज ऑफ फ्रूटिंग बॉडी स्टॉक प्लस प्लस फ्रूटिंग बॉडी अब ये क्या है ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटो प्लाज है आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटो अब क्या होगा इसके बाद आपका जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होगा जो आपका मल्टी प्रोटोप्लाज्म होगा जो आपका मल्टीन्यूक्लेट प्रोटोप्लाज्म होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा मल्टी प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर इनटू फ्रूटिंग बॉडी ट्रांसफर इनटू फ्रूटिंग बॉडी तो मल्टी न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपका कहां चला गया मल्टी प्रोटोप्लाज्म आपका कहां चला गया मल्टी चला गया मल्टी प्रोटोप्लाज्म आपका चला गया कहां पर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फिर से आओ फिर से आओ सबसे पहले देखिए ये एक सेल ये एक सेल इसमें तीन न्यूक्लियस इसमें तीन न्यूक्लियस यहां साइटोप्लाज्म, यहां साइटोप्लाज फेवरेबल कंडीशन में दोनों जुड़ गए जब दोनों जुड़ गए तो एक स्ट्रक्चर बना जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस न्यूक्लियस छह और तो ये स्ट्रक्चर पे सेल वॉल नहीं है ये स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लेटेड है इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मल्टी न्यूक्लेटेड है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लास्मोडियम, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं प्लास्मोडियम अनफेवर कंडीशन आई तो इसमें डंडा निकला डंडे को बोला स्टॉक डंडा स्वेल किया तो उसने बनाया फ्रूटिंग बॉडी डंडा स्वेल किया उसने बनाया फ्रूटिंग बॉडी डंडा स्वेल किया उसने बनाया फ्रूटिंग बॉडी डंडा स्वेल किया उसने बनाया फ्रूटिंग बॉडी फ्रूटिंग बॉडी तो डंडा स्वेल किया उसने बनाया डंडा स्वेल किया उसने बनाया डंडा स्वेल किया उसने बनाया स्टॉक प्लस इज इक्वल टू फ्रूटिंग बॉडी 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 अब ये इसके अंदर चला जाएगा ये इसके अंदर चला जाएगा तो जब ये इसके अंदर चला जाएगा तो अब आप देखिए इसके अंदर आपका जब ये चला गया ये न्यूक्लियस और ये आपका साइटोप्लास ये आपका साइटोप्लास मल्टी न्यूक्टेड प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफर इन टू फ्रूटिंग बॉडी अब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कैसा है डिप्लॉयड है क्योंकि प्लास्मोडियम कैसा था डिप्लॉइड था प्लास्मोडियम कैसा था डिप्लॉयड था ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है और इसके अंदर होगा मियोसिस इसके अंदर होगा मियोसिस और आपके फॉर्म्ड होंगे स्पोर आपके फॉर्म्ड होंगे स्पोर इसके अंदर होगा मियोसिस और आपके होंगे फॉर्म्ड स्पोर आपके होंगे स्पोर तो अगर आपको यह चीज समझ में आ गई स्पोर कैसा होगा स्पोर हैप्लॉइड होगा और एक जगह से, से दूसरे जगह तक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स का जो डिस्पर्सल होगा वो किसके थ्रू होगा वो एयर के थ्रू होगा एक जगह से दूसरे जगह पर जो स्पोर का डिस्पर्सल होगा वो किसके थ्रू होगा एयर के थ्रू होगा और स्पोर जो होता है वो हाईली रजिस्टेंट होता है स्पोर जो होता है हाईली रजिस्टेंट होता है और इस स्पोर के चारों तरफ सेलुलोस की वॉल मिलती है इस स्पोर के चारों तरफ सेलुलस की वॉल मिलती है फिर से समझिएगा ये लोग फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेट हुए तो आपका स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है प्लास्मोडियम जिसमें मल्टीन्यूक्टिव प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर आपकी जो सेल वॉल है वो एबसेंट है जिसके अंदर वॉल जो है वो एबसेंट है जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसके ऊपर फ्लूटिंग बॉडी बना फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद मल्टी न्यूक्टिव प्रोटोप्लास्ट स्पोरेंजा के अंदर चला गया और इस मल्टी न्यूक्टिव प्रोटोप्लास्ट के अंदर म्योसिस हुआ जिसकी वजह से स्पोर बनी और स्पोर हाईली रेजिस्टेंट है और एनसीआरटी में इसके लिए वर्ड यूज किया गया है ट्रू ट्रू वॉल क्योंकि इसकी वॉल किससे बनी हुई है इसकी वॉल बनी हुई है सेलोस से किसकी बनी हुई है सेलोस से बनी हुई है और ये स्पोर स्पोर जो होता है हाईली रेजिस्टेंट होता है यह काफी सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता हाईली रेजिस्टेंट होता है यह सरवाइव कर सकता है बहुत सारे सालों तक बहुत सारे सालों तक यह सरवाइव कर सकता है बहुत सारे सालों तक यह सरवाइव कर सकता है फ्रूटिंग बॉडी का कुछ नहीं हुआ फ्रूटिंग बॉडी तो खत्म हो गई क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही आपका प्रोटोप्लास्ट था फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही आपका मल्टीन्यूटेड प्रोटोप्लास्ट था ये स्पोर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा किसके थ्रू जाएगा ये स्पोर एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा किसके थ्रू जाएगा एयर के थ्रू जाएगा किसके थ्रू जाएगा एयर के थ्रू जाएगा किसके थ्रू जाएगा एयर के थ्रू जाएगा तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फिर से सुनना फिर से बोलना स्लाइमी मास है एक और दो ये रहा स्लाइमी मास इसमें है, इसमें वॉल नहीं होती उसको बोलते हैं प्लास मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन में इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनती है और फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद जो ये मल्टी न्यूक्रेटेड प्रोटोप्लाज्म है वो फ्रूटिंग बॉडी में चला जाता है और वहां पर भाई प्लास्मोडियम कैसा था डिप्लॉइड था तो मल्टीन्यूट्रेटियर प्रोटोप्लाज फ्रूटिंग बॉडी में गया, तब भी कैसा होगा? होगा, तो इस स्पोर हाईली रेजिस्टेंट होता है और ये स्पोर एक जगह से दूसरी जगह पर एयर के थ्रू जाती है तो बच्चों आप देखिए नेचर ऑफ स्पोर नेचर ऑफ स्पोर स्पोर किससे बनी हुई है सेलुलोज से बनी हुई है सर्वाइवल सर्वाइवल पीरियड जो होता है फॉर मैनी इयर्स फॉर मैनी इयर्स डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है एयर के थ्रू होता है अनफेवरेबल कंडीशन में आपकी क्या बनेगी अनफेवरेबल कंडीशन में आपकी बनेगी फ्रूटिंग बॉडी तो ये तीनों चीज हमने यहां से हटा दी है ये एनसीआरटी का नहीं था तो ये हमने यहां से हटा दिया है ठीक है ये हमने यहां से हटा दिया ये हटा दिया और ये हटा दिया बच्चों यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस अगर यहां तक आपको समझ में आया तो एक बार आप कमेंट में लिख दीजिए यस यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए ठीक है यहां तक समझ में आ गया तो यहां तक आपको समझ में आ गया है यहां तक आपको समझ में आ गया है यहां तक आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे प्रोटोजोवा जितने भी प्रोटोजोवा होते हैं वो आपके कैसे होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉप होते हैं ये प्रीडेटर की तरह भी रहते हैं दूसरे एनिमल पे फीड करते हैं और ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं प्रेमेटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल के किसके रिलेटिव होते हैं एनिमल के रिलेटिव होते हैं फोर मेजर ग्रुप है जिसमें सबसे पहला है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोवा जिसके अंदर है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोवा तो अमीबॉइड प्रोटोजोवा जो होगा ये आपका फ्रेश वॉटर में भी मिलेगा ये आपका सॉल्ट वॉटर में भी मिलेगा और ये आपका मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिलेगा मूवमेंट मूवमेंट करने के लिए इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडिया जिनको आप बोलते हैं फॉल्सफिट जिनको आप बोलते हैं फॉल्स फिट एग्जाम्पल से समझिए जैसे आपका ये अमीबा है जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ये आपका इस तरीके से अमीबा है तो अमीबा के अंदर आपका अमीबा के अंदर आपका ये जो चीज आपको दिख रही है ये जो चीज आपको दिख रही है इसको आप बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म और अंदर आपका ये साइटोप्लाज्म है और ये जो चीज आपको दिख रही है इसको आपने बोल दिया न्यूक्लियस इसको आपने बोल दिया न्यूक्लियस तो इस अमीबा के अंदर इस अमीबा के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये हिलता है ये साइटोप्लाज्म हिलता है जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपके ये स्ट्रक्चर बनते हैं ये स्ट्रक्चर बनते हैं ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनको आप बोलते हैं सीडोपोडिया इनको आप बोलते हैं सीडोपोडिया तो सीडोपोडिया क्या है सीडोपोडिया आपका एक्सटेंशन है एक्सटेंशन है किसका एक्सटेंशन है सीडोपोडिया किसका एक्सटेंशन है सीडोपोडिया साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है किसका किसका एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म का तो अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हो प्रोटोप्लाज्म भी गलत नहीं है अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म हिल रहा है वो साइटोप्लाज्म हिल रहा है ऐसे साइटोप्लाज्म एक्सटेंड कर जाता है एक्सटेंड करके ज्यादा हिलेगा तो ये स्ट्रक्चर और बड़ा बन जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन से इसको सीडोपोडिया बोलते हैं और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं सम एज पैरासाइट जैसे एग्जाम्पल हो गया एंट अमीबा एंट अमीबा तो एंट अमीबा जो होता है ये आपका डिसेंट्री करता है एंट अमीबा जो होता है ये आपका डिसेंट्री करता है। जो एंट अमीबा आपका होता है ये आपका डिसेंट्री करता है एंट अमीबा आपका डिसेंट्री करता है तो ये मिबोइड प्रोटोजोवा के बारे में हो गया है कि मिबोइड प्रोटोजोवा फ्रेश वाटर है सॉल्ट वाटर है मॉइज सॉइल है Movement, pseudopodia की से हो रहा है pseudopodia को false fit बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा नहीं होते जब करेगा जब करेगा तब जाके उनके pseudopodia बनेंगे और कुछ इसके अंदर पैरासाइट होते हैं जैसे आपका एंटमीबा हो गया जो आपका करता है डिसेंट्री जो आपका करता है इसके अंदर डिसेंट्री तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये आपके पैरासाइट भी हो सकते हैं मूवमेंट किसकी हेल्प से होगा मूवमेंट जो होगा वो फ्लैजला की हेल्प से होगा पैरा पैरासिटिक फॉर्म इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म है इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म है उसमें हमने बोल दिया एक एग्जाम्पल जिसको आप बोलते हैं ट्रिप्नोजोमा ट्रिप्नोजोमा जो आपकी बीमारी करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ाते हैं बीमारी के बारे में आप ह्यूमन हेल्थ डिजीज में जुलॉजी में पढ़ेंगे वहां इसको ढंग से बताया जाएगा बीमारी के बारे में ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आप बीमारी के बारे में पढ़ेंगे तो ट्रिप्नोजोम एक बीमारी करता है जिसको आप बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको आप बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सीलिएटेड सीलेटेड फॉर्म सीलिएटेड फॉर्म मूवमेंट जो होता है वो सीलिया की help से होता है मूवमेंट जो होता है आपका सीलिया की हेल्प से होता है ये आपका एक्वेटिक होता है अब आप इसको समझिएगा ये कैसे होता है ये आपका कैसे होता है मूवमेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मान लीजिए आप आप मान लीजिए कि आपका आप मान लीजिए कि आपका ये एक पैरामीशियम है मान लीजिए ये आपका है पैरामीशियम तो पैरामीशियम में बॉडी में बाहर थाउजेंड ऑफ सीलिया बाहर की तरफ आपके प्रेजेंट हैं थाउजेंड ऑफ सीलिया तो ये बाहर की तरफ आपके प्रेजेंट हैं सीलिया और इसमें होता क्या है इसमें होता क्या है बच्चों ये मान लीजिए सीलिया है तो इसको अपन ब्लैक से ले लेते हैं ये जो रीजन है ये जो रीजन है इसको आप मान लीजिए ये जो रीजन है ये इसको मैं बोल रहा हूं गलेट इसको मैं बोल रहा हूं गलेट तो बच्चों जो फूड होता है ये आपका फूड मान लीजिए ये आपका फूड है जो बाहर की तरफ है और ये इसके सराउंडिंग में आसपास जो आपको दिख रहा है ये वॉटर है इसके सराउंडिंग में आपको आसपास जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है ये आपको दिख रहा है वाटर तो इसके सराउंडिंग में आपको जो चीज दिख रही है वो वाटर है फिर से समझिएगा फिर से समझिएगा ये आपका पैरामीशियम है इस पैरामीशियम में बहुत सारे सीलिया दिखाए गए हैं इसके बाहर पानी है और पानी में फूड है पानी में फूड है पानी में आपका फूड है पानी में आपका फूड है तो ये सीलिया पानी में बीट करेंगे ये सीलिया पानी में बीट करेंगे जब ये सीलिया पानी, पानी में बीट करेंगे तो एक करंट जनरेट होगा एक करंट जनरेट होगा ये करंट जनरेट होगा तो जब करंट जनरेट होगा तो जो फूड है वो गलेट से अंदर की तरफ आएगा वो जो फूड है वो अंदर की तरफ आएगा और इस फूड का अंदर ये फूड जो होगा आपका ये फूड एक स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा जिसको आप बोलते हैं फूड वैक्यूल जिसको आप बोलते हैं फूड वैक्यूल और यहां पर इसका होगा डाइजेशन यहां पर होगा इसका डाइजेशन यहां पर होगा इसका डाइजेशन फिर से देखिएगा ये पैरामीशियम है पैरामीशियम के बाद थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है इसके सराउंडिंग में पानी प्रेजेंट है और उस पानी में फूड प्रेजेंट है तो जब ये सीलिया पानी में बीट करेंगे तो एक करंट जनरेट होगा जिसकी हेल्प से ये फूड इसके गलेट में जाएगा गलेट से पैरामीशियम के अंदर जाएगा वहां फूड वैक्यूल में इस फूड का क्या होगा डाइजेशन होगा तो इतना ही करेंगे इसमें क्योंकि एनसीआर में इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है था ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया बताया गया है तो ये सीलिया के अंदर आपका इसमें जो एग्जाम्पल जाएगा वो आपका पैरामीशियम जाएगा और इसके अंदर

लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके एबसेंट होते हैं ये इसके अंदर एग्जाम्पल आपका जाता है प्लास्मोडियम इसके अंदर आपका एग्जाम्पल जाता है प्लास्मोडियम यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट में यस लिख दीजिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट में यस लिख दीजिए फटाफट कमेंट में यस लिख दीजिए अगर प्रोटिस्टा का रिविजन चाहिए पांच मिनट में प्रोटिस्टा का रिविजन चाहिए तो लिखो रिविजन लिखो रिविजन लिखो रिविजन अगर पांच मिनट में प्रोटिस्टा का रिविजन चाहिए तो लिखो रिविजन लिखो रिविजन पांच मिनट में अगर रिविजन चाहिए पूरे प्रोटिस्टा का तो लिखो रिविजन जल्दी से जल्दी से जल्दी से रिविजन लिखिए अगर पांच मिनट में रिविजन चाहिए पूरा का पूरा अगर पांच मिनट में पूरा का पूरा रिविजन चाहिए तो फटाक से लिखो रिवीजन फटाक से लिखो रिवीजन फटाक से लिखो रिवीजन अगर पांच मिनट में पूरा चाहिए, फटाक से लिखो रिवीजन आ गया भाई, भाई, आ गया, सारे चिंटू मिंकू मोहन सोहन सारे आ जाओ भाई सारे आ जाओ गाड़ी चल रही है सारे आ जाओ सारे आ जाओ रिवीजन चल रहा है रिवीजन चल रहा है सारे बैठ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई सारे आ जाओ सारे आ जाओ डेमेट आते हैं डाई आइटम ब्राउन कलर के होते हैं डेसमेट गोल्डन एल्गी होते हैं ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं ये मेरीन वाटर भी हमें भी मिल सकते हैं इनके अंदर फ्लैजला नहीं होता है मूवमेंट वाटर करंट की हेल्प से होता है इसलिए प्लैंगटन बोलते हैं ऐसे मूवमेंट को पैसिव बोलते हैं में होते है, pigment, मिलता है, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो सोप बॉक्स की तरह दिखता है जैसे साबुनदानी के दोनों ढक्कन ढक्कन और नीचे वाला हिस्सा ओवरलैप हो जाते हैं ओवरलैप हो जाते हैं इसकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है और सिलिका की वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रिक्टिबल होती है जब ये मर जाते हैं तो समुंदर में बॉटम में इनकी सेल वॉल डिपोजिट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है उसको कोई भी डिकम्पोज नहीं कर सकता इसको आप बोलते हैं डायऑटोमेशियस अर्थ इसको आप बोलते हैं डायऑटोमेशियस अर्थ चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन सबसे ज्यादा पानी में दबा के फोटोसिंथेसिस करता है चीफ 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 प्रोड्यूसर इन ओशियन चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी है रफ होता है हार्ड होता है इसको बोलते हैं ग्रिटी। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में यूज किया जाता है स्टोन की पॉलिशिंग में इसको यूज किया जाता है डायनोफ्लेजर मैरीन है अलग अलग कलर हो सकता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है इनके पिगमेंट पर ये डिपेंड करता है इनके पिगमेंट पे ये डिपेंड करता है पिगमेंट पर सेलवॉल किससे बनी हुई है, cell है, 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 है कर रिप्रोडक्शन जल्दी -जल्दी करके अपने नंबर को बढ़ा लेता है और वहां पर इसके अंदर जो पिगमेंट मिलता है उसको कैरोटेनॉइड बोलते हैं जिसकी वजह से सी का कलर रेड हो जाता है इसको आप बोलते हैं रेड टाइड इसको आप बोलते हैं रेड टाइड इसको आप बोलते हैं रेड टाइड टॉक्सिन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन इसको मछली कंज्यूम कर जाती है मछली को ह्यूमन कंज्यूम कर जाता है जिसकी वजह से हो जाता है पैरालाइसिस पिगमेंट ए सीक्शुअल सेक्सुअल इसके अंदर प्रेजेंट होता है यूग्लीस के अंदर मेजोरिटी फ्रेश वाटर होते हैं स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं मतलब वो पानी जो बहता नहीं है वो पानी जो रुका हुआ है जो पानी रुका हुआ है बॉडी किससे कवर है बॉडी लेवर से कवर है जिसको आप बोलते हैं सेल वॉल एब्सेंट है दो फ्लैजला है एक बड़ा है एक छोटा है लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा ऑटोट्रॉप लाइट नहीं होगी तो ये फीड करेगा छोटे एनिमल पे हेट्रोट्रॉप ए सेक्सुअल फिशन से होता है सेक्सुअल रिपोर्ट इसके अंदर एबसेंट होता है स्लाइम मोल्ड के अंदर ये एक सेल है ये एक सेल है स्लाइमी मास है इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस है है इसमें फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन कंडीशन में में ये लोग में जब ये लोग लोग एग्रीगेट एग्रीगेट कर कर गए गए जब तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना जिसमें सेल वॉल नहीं मिलती जो मल्टी न्यूक्लिटर होता है जो डिप्लॉयड होता है जिसको आप प्लास्मोडियम बोलते हो जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनी फ्रूटिंग बॉडी में दो पार्ट है एक स्टॉक है और दूसरा आपका स्पोरेंजिया है दूसरा आपका स्पोरेंजिया है

ये हमने पढ़ लिया तो थ्योरेटिकली था पूरा का पूरा ये तो याद ही करना है तो आपको अगर यहां तक समझ में आया तो सब लोग लिखिए यस अगर यहां तक समझ में आया तो सब लोग लिखिए यस यस लिखिए यस ओ यस ओ यस ओ यस यस लिखिए यस दस मिनट का ब्रेक दस मिनट का ब्रेक लेते हैं दस मिनट का ब्रेक लेते हैं पढ़ाई बोरिंग नहीं लगनी चाहिए पढ़ाई बोरिंग नहीं लगनी चाहिए वो पढ़ाई क्या है जिसमें बच्चों को जबरदस्ती बैठाना पड़े वो पढ़ाई क्या है जिसमें बच्चों को जबरदस्ती बैठाना पड़े अरे दिल से बैठना खुशी से बैठना प्यार से बैठना जबरदस्ती मत बैठना तुम्हारे भाई की क्लास है दस मिनट का ब्रेक ले लेते हैं 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 आ जाओ साढ़े बजे साढ़े बजे आ जाओ साढ़े बजे आ जाओ साढ़े बजे आ जाओ साढ़े बजे आ जाओ नाइन पे आ जाओ नाइन थर्टी पे आ जाओ साढ़े नौ बजे आ जाओ साढ़े नौ बजे आ जाओ साढ़े नौ बजे आ जाओ दस <coughs> मिनट का ब्रेक दस मिनट का ब्रेक दस मिनट का ब्रेक दस मिनट का ब्रेक दस मिनट का ब्रेक जाता तो पूरा उनको लाइव जाता हुआ है हां पूरा जाता हुआ अपन स्क्रीन पे पी सेकंड बाद बंद कर हैं बट बच्चों को तुरंत कहते जाता हुआ है बाय 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 काटा सबसे बड़ा चैप्टर है कि बॉटनी का ब्रेक अरे आवाज आ रही है ऑडिबल आ जाओ सारे आ जाओ चिंकू मिंकू मोहन सोहन सब आ जाओ सारे आ जाओ आवाज आ रही है आ जाओ आ जाओ सब खाना बाद में ही खाना यार हमारे साथ ही खा लेना बाद में खाना हमने भी नहीं खाया है तुम देख लो जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ा है एनर्जी कहीं पर भी कम नहीं होने दी वही एनर्जी से पढ़ाया है और आगे भी वही एनर्जी रहेगी तुम चेक कर लेना आ जाओ भाई सारे आ जाओ सारे आ जाओ एक मिनट में शुरू कर रहे हैं एक मिनट में शुरू कर रहे हैं भाई भाई मिंकू सर मैं शुरू करें चलो भाई शाबाश शाबाश एनर्जी लाओ एनर्जी लाओ सारे के सारे एनर्जी लाओ भाई माताजी पिताजी के सम्मान की बात है भाई सिलेक्शन मांगना है सिलेक्शन लेना है एनर्जी लाओ सारे के सारे सोना नहीं है सोना नहीं है बस थोड़ा देर और है भाई फंगस और वायरस फंगस और वायरस भाई असली चीज तो अब आई है असली चीज तो भाई है भाई एनर्जी लाना है एनर्जी लाना है माता जी पिताजी के सम्मान का सवाल है भाई लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए जीतने वाले लोग चाहिए भाई भाई आ भाई सारे आ जाओ जाओ सारे सारे एनर्जी लेकर आओ सारे के सारे एनर्जी लेकर आओ भाई सलाम है तुम्हें सलाम है सजदा करता हूं तुम्हें सलाम करता हूं भाई तुम इतने टाइम तक इतनी रात तक मेरे साथ जुड़े हुए हो भाई अभी भी सलाम करता हूं मैं तुम लोगों के तुम्हारे जोश को सलाम करता हूं ताली बजाता हूं तुम्हारे जोश के लिए भाई ताली बजाता हूं तुम्हारे लिए बट डटे रहना कोई जाएगा नहीं मैं बता रहा हूं कोई जाएगा नहीं डटे रहना भाई डटे रहना है ताली बजा रहा हूं तुम्हारे लिए भाई डटे रहना है बस ये एक टीचर का तुम्हारे लिए मोटिवेशन है टीचर तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है भाई बस डटे रहना है <laughs> कहा गया मार्कर चलो भाई करते हैं शुरू करते हैं अपने बेटे को बुलाओ अभी मैं अपने बेटे को से बुलाऊंगा अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा अपने बेटे को छोटा सा है नन्न सा प्यारा सा ठीक है चलो भाई करते हैं शुरू इसको मिटा देता हूं नहीं तो पता चला ये स्लाइड बीच में आ जाएगी फिर से अब ब्रेक नहीं होगा बेटा अब सीधा अब सीधा ब्रेक चैप्टर खत्म होने के बाद होगा अब सीधा चैप्टर खत्म होने के बाद होगा चलो भाई शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं फंगस के जनरल कैरेक्टर न्यूट्रिशन कैसा होता है न्यूट्रिशन जो होता है वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं मशरूम सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते कुछ मशरूम एडिबल होते हैं कुछ मशरूम आपके नॉन एडिबल होते हैं जो मशरूम एडिबल होता है उसको आप बोलते हैं एगेरिकस और जो नॉन एडिबल होता है जो टॉक्सिक होता है उसको आप बोलते हैं उसको आप बोलते हैं टोड स्टूल उसको आप बोलते हैं टोड स्टूल उसको आप बोलते हैं टोड स्टूल तो बच्चों आपका जो मशरूम होता है वो जिस क्लास में मिलता है फंगस की एक क्लास है जिसको आप बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं तो फंगस की एक क्लास है है जिसको आप बोलते हैं basidiomycities. Basidiomycities के अंदर को रखा गया है। और सारे मशरूम एडिबल नहीं होते हैं जो मशरूम होते हैं उनको एगेरिकस बोलते हैं. जो मशरूम नॉन एडिबल है उसको टोड स्टूल बोलते हैं मतलब मशरूम में भी हमारे पास डाइवर्सिटी मिलती है आपका जो फंगस होता है वो ब्रेड पर और जो रोशन फ्रूट होते हैं जो सड़े हुए गले हुए फल होते हैं सड़े हुए गले हुए

बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं पैरासिटिक फंगस का नाम है एल्बुगो 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 एक बीमारी करता है जिसका नाम है वाइट रस बीमारी के बारे में नहीं पढ़ना बीमारी का नाम याद रखना एल्बुगो ने वाइट रस बीमारी करी और एल्बुगो जिस क्लास का है उस क्लास का नाम है फाइको बायको माइसीटिस जिस प्लांट में ये बीमारी करता है उस प्लांट का नाम है मस्टर्ड उस प्लांट का नाम है मस्टर्ड तो बच्चों आपका जो एल्बुगो है वो कैसा फंगस हुआ एल्बुगो एक पैरासिटिक फंगस हुआ एल्बुगो जो है आपका वो एक पैरासिटिक फंगस है एल्बुगो जो है आपका वो एक पैरासिटिक फंगस है ये बीमारी करता है वाइट रस्ट ये बीमारी करता है वाइट रस्ट मतलब मस्टर्ड के अंदर वाइट कलर का पाउडर प्रोड्यूस होता है मस्टर्ड के अंदर व्हाइट कलर का पाउडर प्रोड्यूस होता है जिसको आप बोलते हैं व्हाइट रस और एल्बुगो की जो क्लास है क्लास को आप बोलते हैं एल्बुगो की क्लास को आप बोलते हैं फंगस पैरासिटिक फंगस बच्चों पैरासिटिक फंगस ध्यान से देखिएगा पैरासिटिक फंगस दो फंगस है पैरासिटिक फंगस एक का नाम है आपका एक का नाम है आपका पक्सीनिया एक का नाम है पक्सीनिया और दूसरे का नाम है यूस्टी लेगो ये बिल्कुल एनसीआरटी में लिखा हुआ है जो ये बीमारी करते हैं जो ये बीमारी करते हैं ये बीमारी करता है रस्ट ये बीमारी करता है स्मट और कहां बीमारी करते हैं ये वीट के अंदर कहां पे बीमारी कर रहे हैं वीट के अंदर पक्सीनिया को रस्ट फंगस बोलते हैं यूस्टिलेगो को स्मट फंगस बोलते हैं पक्सीनिया को पक्सीनिया को रस्ट फंगस बोलते हैं यूस्टिलेगो को स्मट फंगस बोलते हैं ये जो बीमारी करता है उस बीमारी को आप बोलते हैं रस और ये जो बीमारी करता है उसको आप बोलते हैं स्मट और इन दोनों की जो क्लास होती है वो क्लास होती है आपकी बेसिडियोमाइसिटीज वो क्लास होती है आपकी बेसिडियोमाइसिटीज वो क्लास होती है आपकी बेसिडियोमाइसिटीज ब्रेड और बियर बनाने के लिए जो यूज किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है आपका ईस्ट ईस्ट मल्टी सेलुलर नहीं होता ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है कॉस्मोपोलिटन मतलब ये हर जगह मिलते हैं ये आपके हर जगह मिलते हैं ये आपके हर जगह मिलते हैं ये आपके हर जगह मिलते हैं कॉस्मोपोलिटन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम ियम से एक एंटीबायोटिक निकाली गई जिसका नाम है 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 जिसका 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 नाम है जिसका नाम है जिसका नाम ह्यूमिड प्लेस में ये रहना पसंद करता है वाई वी रेफ्रिजरेटर हम खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें किससे प्रोटेक्ट कर सके प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस ताकि हम बैक्टीरिया और फंगस से प्रोटेक्ट कर सकें ताकि हम ताकि हम ताकि हम बैक्टीरिया और फंगस से प्रोटेक्ट कर सकें इसलिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फंगस आर फिलामेंटस मल्टी सेलर बट 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 ईस्ट जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है यीस जो होता है आपका यूनिसेलर होता है फिर से आइए फिर से आइए फंगस कैसा है है मशरूम एडिबल भी हो सकते हैं नॉन नॉन एडिबल 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 भी हो सकते हैं में है, एडिबल में स्टूल है है स्टूल दोनों के दोनों बेसिडोमैसिटिस क्लास के होते हैं ब्रेड के ऊपर जो ग्रो करता है उसका नाम है राइजोपस पैरासिटिक फंगस पैरासिटिक फंगस का नाम है एल्बुगो एल्बुगो कौन सी बीमारी करता है वाइट रस वाइट रस किस क्लास का है एल्बुगो फाइकोमाइसिटीज और किस प्लांट में करता है मस्टर्ड के अंदर करता है इसके बाद है नेक्स्ट पैरासिटिक फंगस में बेसिडियोमाइसिटीज में दो फंगस है एक पक्सीनिया है एक यूस्टी है ये रस्ट करेगा, ये करेगा करेगा बीमारी के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीआरटी में नहीं दिया है हमें सिर्फ बीमारी का नाम याद रखना है हमें सिर्फ बीमारी का नाम याद रखना है तो अगर मैं आपको बोला किस प्लांट में वीट प्लांट में वीट प्लांट में, में बियर बनाने के लिए आप यूज करते हैं ईस्ट

डायवर्सिटी मिलती है कहां पर माइसीलियम में मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड हैबिटेट 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 तो तो बच्चे समझ तो बच्चे समझ समझ जाएंगे जाएंगे कि सर अलग अलग जगह पे ये मिल रहा है इसलिए हैबिटेट में डायवर्सिटी मिलती है बट माइसीलियम में डायवर्सिटी मिलने का क्या मतलब है सर माइसीलियम में डायवर्सिटी मिलने का क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगा कि माइसीलियम में डायवर्सिटी मिलने का क्या मतलब है ध्यान समझिएगा डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड हैबिटेड डायवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम एंड हैबिटेट इसका क्या मतलब है इस चीज को समझिएगा इसका क्या मतलब है इस चीज को समझिएगा बच्चों इसका मतलब क्या है समझिएगा माइसीलियम हाइफी और माइसिलियम ध्यान से समझिएगा हाइफी और माइसिलियम बच्चों अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोल रहा हूं हाइफी जिसको मैं बोल रहा हूं हाइफी और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका इंटरवाइंड करके बना लेता है क्या माइसिलियम अब समझिएगा मैंने एक माइसिलियम बनाया मैंने एक माइसिलियम बनाया ये देखिए ये मैंने एक आपका माइसिलियम बनाया और इस माइसीलियम में आपको दिख रहे हैं बीच में सेप्टा न्यूक्लियस माइसिलियम ठीक ये न्यूक्लियस हो गया साइटोप्लांस साइटोप्लांस ये सब क्या हो गया साइटोप्लांस हो गया ये साइटोप्लांस हो गया ये साइटोप्लांस हो गया ये साइटोप्लांस ये साइटोप्लांस ये साइटोप्लांस ये साइटोप्लांस इसका जो छोटा पार्ट होता है इसका ये जो छोटा पार्ट होता है ये पार्ट हो गया ये पार्ट हो गए ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इन छोटे छोटे पार्ट को आप बोलते हैं हाइफी इन छोटे छोटे पार्ट को आप बोलते हैं हाइफी तो हाइफी आपस से मिलके क्या बनाते हैं हाइफी आपस से मिलके बनाते हैं माइसिलियम

पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला माइसिलियम बोला माइसिलियम किसका बना हुआ है माइसिलियम छोटे छोटे स्ट्रक्चर का बना हुआ है छोटे-छोटे सेल्स -छोटे का बना हुआ है जिसको मैं बोल रहा हाइफी जिसको मैं बोल रहा हूं हाइफी तो हाइफी आपस में इंटरवाइन करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप बोलते हैं माइसिलियम और बीच में आपको ये जो आपको दिख रहा है बीच में आपको सेप्टा दिख रहा होगा तो बीच में आपको सेप्टा दिख रहा है इसलिए माइसिलियम कैसा है, है। uh -huh. सेप्टेट है बीच में आपको माइसिलियम में सेप्टा दिख रहा है इसलिए ये सेप्टेट है अब आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए आप क्या आपको यहां पर, पर ये देखिए आप यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा न्यूक्लियस 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 अब आप मुझे बताइए क्या यहां पर सेप्टा दिखेगा नहीं दिखेगा यहां पर आपका सेप्टा एबसेंट है तो मुझे बताइए सेप्टेट और एसेप्टेट में कहां पर कहा पर न्यूक्लियस के बीच में पार्टीशन नहीं है कहां पर मल्टी कंडीशन है कहां पर मल्टीन्यूक्ट कंडीशन है चैट बॉक्स में लिख के बताइए कहां पर मल्टी कंडीशन है चैट बॉक्स में लिख के बताइए प्रियांशु शरवत लव फ्रॉम देहरादून ओके okay भाई प्रियांशु पहचान लिया मैंने तुझे तो अगर मैं आपसे बोला अगर मैं आपको बोला अगर मैंने आपको बोला बताइए किस कंडीशन में किस कंडीशन में मल्टीन्यूकेट कंडीशन आएगी सेप्टेड या ए से कहा बताइए कहां पर कंडीशन आएगी बताइए बताइए मुझे बताए कहां पर एसेप्टेड कंडीशन कहां पर मल्टीन्यूक्ट कंडीशन आएगी बिल्कुल सही एसेप्टेड में आएगी क्यों आएगी क्योंकि बीच में पार्टीशन नहीं है बीच में सेप्टा नहीं है सेप्टा का मतलब होता है सेल वॉल सेप्टा का मतलब होता है सेल वॉल

वो मल्टी न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लाज्म होगा और इसी कंडीशन को बोलते हैं सीनोसिटिक इसी कंडीशन को बोलते हैं सीनोसिटिक इसी कंडीशन को आप बोलते हैं सीनोसिटिक इसी कंडीशन को आप बोलते हैं सीनोसिटिक तो बच्चों जहां भी एसेप्टेट आएगा जहां भी एसेप्टेट आएगा वहां पर मल्टी न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लाज्म और सीनोसिटिक वर्ड आएंगे तो सेप्टेट माइसिलियम और एसेप्टेट माइसिलियम एसेप्टेट माइसिलियम मिलता है किस क्लास में ये मिलता है आपका फाइकोमाइसिटीज क्लास में फाइकोमाइसिटीज क्लास में जो माइसिलियम मिलता है वो ए सेप्टेट होता है ऐसा होता है और सेप्टेट माइसिलियम जो मिलता है आपका वो मिलता है एस्को माइसिटीज में वो आपका मिलता है बेसिडियो माइसिटीज में वो आपका मिलता है ड्यूट्रोमाइसिटीज में ड्यूट्रोमाइसिटीज में इसका एग्जाम्पल याद रखना ए बी डी बी डी बीडी ए बी डी डी ए ए बी से एस्कोमाइसिटीज बी से बेसिडियोमाइसिटीज डी से ड्यूट्रोमाइसिटीज ए से एस्कोमाइसिटीज बी से बेसिडियोमाइसिटीज डी से ड्यूट्रोमाइसिटीज और यहां पर आएगा आपका फाइकोमाइसिटीज यहां से आपका आएगा फाइकोमाइसिटीज यहां पर आपका होगा फाइकोमाइसिटीज तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा सेल वॉल सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है सेल वॉल बनी हुई है काइटिन की और सेल वॉल बनी हुई है पॉली की पॉली काइटिन एंड पॉली काइटिन एंड पॉली काइटिन एंड पॉली सेप्टेट का मतलब देखिए ये छोटी छोटी यूनिट क्या है छोटी छोटी यूनिट क्या है हाइफी हाइफी आपस में इंटरवाइंड होते हैं तो क्या बनता है माइसीलियम तो छोटी यूनिट है हाइफी बड़ी यूनिट है माइसीलियम यहां तक अगर आपको समझ में आ गया यहां पर सेप्टा नहीं है यहां सेलबॉल नहीं है यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है यहां कैरियोकाइनेसिस है यहां साइटोकाइनेसिस नहीं है यहां सेप्टा एबसेंट है यहां मल्टी न्यूक्टियर कंडीशन है यहां जो प्रोटोप्लाज्म है वो मल्टी न्यूक्लिएटियर है आपको न्यूक्लियस दिख गए ये साइटोप्लाज्म है ये आपका साइटोप्लाज्म है यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए एक बच्चा लिख रहा है में डॉलीपोर डॉलीपोर नहीं पढ़ना क्लाइम कनेक्शन नहीं, नहीं पढ़ना बिल्कुल नहीं पढ़ना बिल्कुल नहीं पढ़ना किताब में नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ना यहां तक समझ में आया तो लिखिए यस ओ यस लिखिए यस 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 जल्दी से यस यस लिखिए पानी कहां है चाबी कहा है जुड़े रहना भाई सारे टिंकू पिंकू सब जुड़े रहना है जाना नहीं है सब जुड़े रहना है ऐसे ही शाबाश ऐसे ही जुड़े रहना भाई सबके सब ठीक है आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में ये सेप्रोफाइट भी होते हैं मतलब ये डेड डिकेंग के ऊपर फीड करते हैं डेड डिकेंग के ऊपर फीड करते हैं

फंगस तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लाइकन वहां पे पढ़ाऊंगा तब तक आप ये याद रखिएगा कि एलगी और फंगस साथ में रहते हैं दोनों का फायदा होता है दोनों का फायदा होता है और इसको आप बोलते हैं लागें। लागें इस के एंड में हम आपको पढ़ेंगे माइको राइजा माइको राइजा माइको राइजा फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट फंगस ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट तो फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट साथ में रहते हैं फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट साथ में रहते हैं फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट जब साथ में रहते हैं ऐसे सिंबायोटिक रिलेशनशिप को ऐसे सिंबायोटिक रिलेशनशिप को आप बोलते हैं माइकोराइजा इसमें क्या होता है मान लीजिए ये एक प्लांट है इस प्लांट की जो रूट है ये है रूट तो इस रूट पर रूट हेयर नहीं है इस रूट पर रूट हेयर नहीं है इसकी वजह से इसका जो absorption होता है है वो decrease हो जाता है। तो फंगस क्या करता है फंगस इसके ऊपर आके बैठ जाता है फंगस क्या करेगा फंगस इसके ऊपर आके बैठ जाएगा तो इसके ऊपर आके कौन बैठ गया फंगस बैठ गया रूट के ऊपर जिसकी वजह से जिसकी वजह से रूट का सरफेस एरिया बढ़ गया रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से आपका जो एबजॉर्ब्शन होगा वो एब्जॉर्बन क्या हो जाएगा इनक्रीज हो जाएगा तो फंगस ऐसी रूट के ऊपर जाके नेटवर्क बना लेते हैं जिन रूट पर रूट हेयर्स नहीं होते जिन पे रूट हेयर्स नहीं होते तो फंगस ऐसी रूट पे जाकर एक नेटवर्क बना लेंगे अगर वो माइसिलियम इतना बड़ा माइसिलियम इतना बड़ा माइसिलियम अरे इतना बड़ा सांप इतना 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 बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा सांप 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 अगर रूट के ऊपर गिरेगा जाके तो भाई रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होना फास्ट हो जाएगा तो इसका मतलब यह हो गया कि जो फंगस होते हैं फंगस जो होते हैं वो आपके वॉटर के एब्सॉर्बन में हेल्प करते हैं इसके बदले में जो प्लांट होता है इसके बदले में फंगस को रूट से क्या मिलता है फूड मिलता है तो फंगस को फूड मिल रहा है रूट का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो रहा है फंगस को फूड मिल रहा है और रूट में एब्जॉर्प्शन फास्ट हो रहा है तो माइक्रो समझ में आ गया होगा लाइकन तो इसमें बताया जाएगा जब अभी चैप्टर में आप अंत में लाइकन पढ़ेंगे तब आपको लाइकन पढ़ाया जाएगा यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए यहां तक समझ में आया तो वस यस लिखिए यस लिखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस से होता है ये होता है आपका बडिंग से ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन से ये होता है आपका किस से ये होता है बाइनरी फिजन से ए सेक्शुअल रिपोडक्शन ए सेक्शुअल जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका वो किससे हो रहा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका जूस पोर से हो रहा है अब जरा जूस पोर को समझना जूस पोर क्या होता है बच्चों पोर जिस क्लास में मिलेगी उस क्लास का नाम है फाइको माइसिटीज फाइको बोला जूस फोर क्या है अब जरा ध्यान समझना जूसफोर क्या है फाइको फाइकोमाइसिटीज़ का जो माइसिलियम होता है देखिएगा पोर को समझिएगा पोर को समझिएगा ये, ये एक माइसीलियम है ये क्या है माइसीलियम है इसके अंदर ये क्या है ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपका साइटोप्लाज्म, ये है आपका साइटोप्लाज्म, एक चीज गड़बड़ हो गई मैंने मैंने सेप्टेड बना दिया मुझको ए बनाना था मैंने सेप्टेट बना दिया यहां पर देखिएगा इधर पे देखिएगा फाइकोमाइसिटीज को समझिएगा फाइकोमाइसिटीज को समझिएगा ये, ये मैंने माइसिलियम बनाया और ये माइसिलियम मैंने बनाया ए सेप्टेट ये रहा आपका न्यूक्लियस ये रहा आपका न्यूक्लियस ये आपका है साइटोप्लाज्म ये है आपका साइटोप्लाज्म तो इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, अंदर। देखिए फाइकोमाइसिटीज का माइसिलियम मैंने कैसा बनाया साइकोमासीटीस का माइसीलियम मैंने कैसा बनाया इसका माइसीलियम मैंने बनाया आपका एसेप्टेट इसके अंदर आपकी स्पोर बनती हैं इस तरीके से आपकी ये स्पोर्स फॉर्म्ड होती हैं ये स्पोर्स माइसीलियम के अंदर फॉर्म्ड हो रही हैं और ये स्पोर्स फ्लैजलेटेड होती हैं ये स्पोर्स फ्लैजलेटेड होती हैं बताइए बताइए ये स्पोर माइसीलियम के अंदर बनी या बाहर बनी बताइए माइसीलियम के अंदर बनी या बाहर बनी बताइए एक एक न्यूक्लियस ले लिया और साइटोप्लास ले लिया न्यूक्लियस ले लिया साइटोप्लास ले लिया न्यूक्लियस ले लिया साइटोप्लास ले लिया बताइए माइसिलियम के अंदर बनी या बाहर बनी बताइएजीनस या एंडोजीनस एक्सोजीनस या एंडोजिनस बताइए एक्सोजीनस या एंडोजिनस एक्सोजीनस या एंडोजिनस ये जो बनी है ये आपकी बनी है एंडोजनस एंडोजीनस क्योंकि ये के के अंदर बनी. Mycelium के अंदर बनी बनी तो कैसी होती 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 है है होती है में है में में होते हैं और आपकी बनती फिर से समझिएगा फिर से समझिएगा कोई जल्दी नहीं है फिर से समझिएगा आपका माइसीलियम है ये रहा आपका माइसीलियम इस माइसीलियम के अंदर ये है आपका न्यूक्लियस ये है आपका न्यूक्लियस ये है आपका न्यूक्लियस और ये जो चीज आपको दिख रही है ये है आपका साइटोप्लाज ये है आपका साइटोप्लाज तो इसके अंदर आपका ये स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से न्यूक्लियस अलोंग विथ साइटोप्लाज न्यूक्लियस अलोंग विथ साइटोप्लाज न्यूक्लियस अलोंग विथ साइटोप्लाज और इस स्ट्रक्चर पर आपके क्या आ गए इस स्ट्रक्चर पे आपके आ गए फ्लैजला इस स्ट्रक्चर पे आपके आ गए फ्लैजला तो ये स्ट्रक्चर जो बना ये अंदर बना इसलिए जूसपोर जो होती हैं इन्हीं को आप बोलते हैं पोर इनको आप बोलते हैं जूसपोर इनको आप बोलते हैं पोर है बहुत सारी चीजें हैं जो उतना डिटेल में नहीं बता सकते ठीक है टाइम उतना नहीं होता है बट एक आइडिया देना देना पड़ता है कि जूसपुर इस तरीके से बनती है ठीक है तो जूस फोर के अंदर बनी मतलब ये एंडोजीनस हुई इनमें फ्लैजला प्रेजेंट है फ्लैजला प्रेजेंट है इसका मतलब ये मोटाइल है क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है इनके अंदर आपके फ्लैजला प्रेजेंट है तो जूस फोर कहा मिलेगी फाइकोमाइसिटीज में मिलेगी यहां तक समझ में आ गया तो यस लिखिए यहां तक समझ में आ गया तो यस लिखिए यहां तक तो समझ में आ गया तो यस लिखिए फटाफट फटाफट यस लिखिए यस 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 यहां तक समझ में आ गया तो यस लिखिए यस लिखिए यस यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्पोरिंग जो स्पोर देखिए स्पोरिंग जो स्पोर का एक और नाम है इसको आप बोलते हैं ए प्लानोस्पोर इसको आप बोलते हैं तो को को समझिएगा। समझिएगा समझिएगा। कि क्या होती है ध्यान से ये जहां मिलेगी ये जहां मिलेगी, उस क्लास का नाम है फाइकोमाइसिटीज उस क्लास का नाम है आपका फाइकोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज इसका दूसरा नाम है ए प्लानो ए प्लेनोस्पोर तो हमने यहां पर यह आपका माइसील ने बना दिया और इसके अंदर यह आपका न्यूक्लियस हो गया यह आपका हो गया है न्यूक्लियस हो गया तो यह आपका क्या हो गया है न्यूक्लियस हो गया है तो यह आपको समझ में आ गया होगा तो अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा इस चीज को ध्यान से समझिएगा यह आपका हो गया है साइटोप्लाज्म ये आपका हो गया है साइटोप्लाज्म यह आपका हो गया है साइटोप्लाज्म अब आप देखिएगा इसमें क्या होगा ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसके बाद यहां से आपका इस इसमाइसिलियम से आपका इस इसमाइसिलियम से आपका एक स्टॉक निकला यहां से एक स्टॉक निकला इस तरीके से और इसके ऊपर आपका बना स्पोरेंजिया तो इसको हमने बोल दिया आपका स्पोरेंजिया इस इसको हमने बोल दिया आपका स्पोरेंजिया इस और इसको हमने बोल दिया आपका स्टॉक इसको हमने बोल दिया स्टॉक और ये न्यूक्लियस यहां अंदर चला गया और इसका जो साइटोप्लाज्म है ये इसके अंदर चला गया तो अब आप ध्यान से देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा ये आपका माइसिलियम था माइसीलियम कैसा था माइसीलियम आपका

हाँ, एक मिनट रुकिएगा ये कहा आ गए हम एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा बस कहा गया आ गया भाई आ गया भाई जूस पोर गायब हो गया जूस पोर गायब हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है कंटिन्यू रखू ना जूस पोर गायब हो गया है कोई दिक्कत तो नहीं है जूस पोर समझ में तो आ गया था कंटिन्यू रखू जूस पोर गायब हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई अब वो आ नहीं रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे आ रहा है इसको कंटिन्यू कर लेता हूं कंटिन्यू आई कंटिन्यू कंटिन्यू रखू ना कोई दिक्कत तो नहीं है कंटिन्यू रखू ना भाई अब मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है बोर्डों के बारे में कहा चला गया ढूंढ रहा मिल नहीं रहा भाई <laughs> कोई दिक्कत तो नहीं है ना कंटिन्यू है ना ठीक है देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा हाँ, ये आपका माइसीलियम था कैसा माइसिलियम था ये आपका एसेप्टेड माइसिलियम था ये आपका एसेप्टेड माइसिलियम था इसमें ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है तो ये जो है आपके ये है आपके न्यूक्लियस अब यहां पर क्या हुआ था यहां पर ये आपका न्यूक्लियस है और यहां पर ये आपका साइटोप्लाज्म है ये आपका साइटोप्लाज्म है इस माइसिलियम पर एक स्टॉक निकली और वो स्टॉक स्वेल कर गई और स्वेल करके उसने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको मैंने बोला स्पोरेंजिया उसको मैंने बोला स्पोरेंजिया और ये जो न्यूक्लियस था साइटोप्लास था ये स्पोरेंजिया के अंदर चला गया न्यूक्लियस और स्पोरेंजिया के अंदर चला गया और यहां पर उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया ये जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हुआ है इस स्ट्रक्चर को आप बोल रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉर्मड हुआ इस स्ट्रक्चर को आप बोल रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर इसको आप बोल रहे हैं स्पोरें तो इसको आप बोल रहे हैं स्पोरजियोस्पोर तो इसको आपने बोला स्पोरेंजियोस्पोर तो अब आप मुझे बताइए फिर से समझिएगा फिर से समझिएगा स्पोरजियो स्पोर क्या है माइसिलियम ए से अपडेट था इसके ऊपर एक स्टॉक बना स्टॉक स्वेल कर गया जिसको स्पोरेंजिया बोला ये न्यूक्लियस और साइटोप्लास स्पोरेंजिया के अंदर चला गया और वहां पर इसने एक स्पोर बना ली उस स्पोर को बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर बताइए स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल या नॉन मोटाइल स्पोरिंजोस्पोर जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है बताइए एक्सोजीनस या एंडोजीनस बताइए एक्सोजीनस या एंडोजीनस एक्सोजीनस या एंडोजीनस बताइए एक्सोजीनस या एंडोजीनस एक्सोजीनस या एंडोजीनस बताइए एक्सोजीनस तो या एंडोजीनस बताइए एक्सोजीनस या एंडोजीनस बताइए एक्सोजीनस या एंडोजीनस बताइए या एंडोजीनस एक्सोजीनस या या एंडोजीनस एक्सोजिनस एग, एग्जो, या एंडोजिनस यस yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंडोजिनस शाबा, शाबा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंडोजिनस एंडोजिनस तो बताइए जूस और इसमें क्या डिफरेंस हुआ जूस पोर मोटाइल थी जूस पोर मोनल मोटाइल थी जूस पोर भी एंडोजिनस थी जूस पोर भी एंडोजिनस थी तो ये मोटाइल एंडोजिनस ये नॉन मोटाइल ये एंडोजीनस यहां पर फ्लैजला आपका प्रेजेंट था यहां पर फ्लैजला प्रेजेंट था और यहां पर आपका जो फ्लैजला है वो आपका एबसेंट है वो आपका एबसेंट है वो आपका एबसेंट है तो आपको जूसपोर्सो में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कॉनेडिया समझिएगा कॉनेडिया क्या समझिएगा कॉनेडिया मिलेगा जिस क्लास में उस क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज उस क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज ये रहा आपका एक माइसीलियम ये रहा आपका माइसीलियम को बोल रहे हैं इस को बोल रहे हैं हम कॉनिडियोफोर इस माइसीलियम को हम बोल रहे हैं कॉनिडियोफोर इस माइसिलियम को हमने बोला कॉनिडियोफोर इस माइसिलियम को हमने बोला कॉनिडियोफोर तो ये माइसिलियम मुझे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माइसीलियम मुझे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माइसिलियम मुझे एक -like दिख रहा है। और इसके कुछ अलग टाइप के माइसिलियम बन गए इसके ऊपर आपके छोटे छोटे माइसीलियम बन गए इनके ऊपर छोटे छोटे माइसीलियम आ गए इनके ऊपर छोटे छोटे माइसिलियम आ गए और इन माइसिलियम के ऊपर आपको -छो इस तरीके से चेन में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं चेन में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं कॉनेडिया इनको आप बोलते हैं कॉनेडिया और कॉनेडिया जो होते हैं कॉनेडिया जो होते हैं कॉनेडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं कॉनेडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं बताओ कॉनेडिया एक्सोजिनस या एंडोजिनस कॉनेडिया एक्सोजिनस या एंडोजिनस बताओ कॉनेडिया एक्सोजिनस या एंडोजिनस एक्सोजीनस बिल्कुल सही बिल्कुल सही ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं, ये आपके एक्सोजीनस होते हैं ये आपके एक्सोजीनस होते हैं आप देखिए सबसे पहले एक माइसीलियम था उस माइसिलियम को बोला क्वानिडी इसके ऊपर छोटे छोटे माइसिलियम बने उन माइसिलियम के ऊपर चेन में उन माइसिलियम में के ऊपर चेन में आपको दिख रहा है क्वानिडिया वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री नौ क्वानिडी आपको दिख रहे हैं नाइन क्वानिडी आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे क्वानिडिया दिख रहे हैं चेन में दिख रहे हैं नॉन मोटाइल हैं और ये आपके एक्सोजीनसली फॉर्म होते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए ओ oh, यस yes, यस yes, लिख दीजिए जल्दी से यस yes, लिख दीजिए जल्दी से आप यस yes, लिख दीजिए अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है जल्दी से आप यस yes, लिख दीजिए लगे रहना है जाना नहीं है लगे रहना है, भाई लगे रहना है जाना नहीं है लगे रहना है लगे रहना है भाई लगे रहना है नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से समझिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा मैंने आपके दो माइसीलियम बनाए ये रहा आपका पहला माइसीलियम ये रहा आपका पहला माइसीलियम इस माइसीलियम में न्यूक्लियस न्यूक्लियस और जो व्हाइट कलर से दिखाया वो साइटोप्लाज जो व्हाइट कलर से दिखाया वो साइटोप्लाज ये माइसीलियम हो गया या आप इसको फंगस मान लीजिए या आप इसको हाइफी मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए ये आपका हो गया न्यूक्लियस बच्चों जब मैं आपको फंगस बोल रहा हूं आप उसको माइसीलियम समझिए या आप उसको हाइफी समझिए एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं है ये रहा आपका एक माइसिलियम ये रहा आपका एक माइसिलियम गर्म पानी लेना चाय नहीं गर्म पानी लेना भाई नहीं नहीं भाई गर्म पानी लेना मर जाएगा फैकल्टी नहीं तो हा तो अगर मैं आपको बोला ये आपको दो माइसिलियम दिखे एक माइसिलियम ये रहा और दूसरा माइसिलियम आपका दूसरा माइसिलियम आपका ये रहा ये आपके दो माइसीलियम आपको दिख गए होंगे तो एक माइसिलियम तो आपको ये दिख गया जिसमें आपका ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है और ये दूसरा माइसिलियम आपको दिख गया ये रहा दूसरा माइसिलियम तो दो माइसिलियम दिख गए एक को फीमेल मान लो ये फीमेल माइसिलियम मान लो और इसको मान लो मेल माइसिलियम इसको मान लो मेल माइसिलियम तो दो माइसिलियम आपको दिख गए दो माइसिलियम आपको दिख गए एक को मेल माइसिलियम मान लिया एक को फीमेल माइसिलियम मान लिया अब पहला स्टेप समझो प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी में क्या होगा देखिएगा प्लाज्मोगी के अंदर देखिएगा क्या होगा प्लाज्मी के अंदर देखिएगा क्या होगा प्लाज्मी में देखिएगा क्या होगा ध्यान से देखिएगा बताना फील हो जाए तो बताना फील हो जाए तो बताना बताओ किसकी मिक्सिंग हो गई किसकी मिक्सिंग हो गई प्रोटोप्लास्ट की मिक्सिंग हो गई

ऑफ या मैं कहूं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज दो सेल के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए दो सेल के प्रोटोप्लाज फ्यूज हो गए दो सेल के दो सेल के प्रोटोप्लाज फ्यूज हो गए दो फंगस के प्रोटोप्लाज फ्यूज हो गए दो माइसिलियम के प्रोटोप्लाज फ्यूज हो गए दो हाइफी के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए देखिए न्यूक्लियस अलोंग विथ साइटोप्लाज न्यूक्लियस अलोंग विथ साइटोप्लाज

प्लाज्मोगैमी इस चीज को आप बोलते हैं प्लाज्मोगैमी इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आप देखिए ये ये मैंने यहां से एक ये उठा लिया ये आपका येलो और ये आपका व्हाइट अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आपका फ्यूजन हुआ इसके बाद आपका फ्यूजन हुआ किसका फ्यूजन हुआ न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ जिसकी वजह से आपका डिप्लॉड स्ट्रक्चर बन गया टू एन बन गया जिसको आप बोलेंगे जायगोट तो कैरियो 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 मतलब nucleus, मतलब nucleus, मतलब मतलब न्यूक्लियस 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 गैमी फ्यूजन गैमी मतलब फ्यूजन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, हो गया, गया तो जायगोट बन गया अब इस जायगोट के अंदर तीसरा स्टेप इस जायगोट के अंदर क्या होगा इस जायगोट के अंदर क्या होगा इस जागोड के अंदर आपका होगा मियोसिस और जब मियोसिस होगा तो आपकी कितनी स्पोर बनेंगी आपकी कितनी स्पोर बनेंगी मियोसिस होने के बाद ज्यादा गर्म तो नहीं है तो ज्यादा गर्म क्यों करने भाई मर जाएगा टीचर बच्चे का नहीं मेरे भाई बड़े भाई हम्म तो अगर आपकी जो चीज बनी वो आपकी बनी स्पोर है होने के बाद हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे मियोसिस होने के बाद में हुआ चार स्पोर बनी और चार स्पोर आपकी क्या करेगी जर्मिनेट करेगी ये स्पोर आपकी जर्मिनेट करेगी इनमें से दो स्पोर इनमें से ये जो दो स्पोर हैं इनमें से ये जो दो स्पोर हैं ये आपकी बना देंगी मेल माइसीलियम इन्होंने आपका बनाया मेल माइसिलियम और जो नीचे की दो हैं ये आपकी बना देंगी फीमेल माइसिलियम इन्होंने आपका बना दिया फीमेल माइसिलियम तुम क्या लेकर आए थे माइसिलियम तुम क्या लेके जाओगे माइसीलियम फिर से सुनिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने स्टेप्स हो गए तीन स्टेप्स हो गए ये एक माइसिलियम माइसिलियम कितने फंगस दो कितने माइसिलियम दो कितने हाइफी दो दोनों साथ में आए त्रिश हेडोन कॉल्यूशन हैल्यूशन दोनों टकराए दोनों का इस सेल का जो इनकी टर्मिनल सेल होती है इन दोनों टर्मिनल सेल का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गया जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए इसको बोलते हैं प्लाजमोगी फिर कैरियोगी हुआ दोनों के मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज फी। हो गए बन गया जायगोट जायगोट में मियोसिस हुआ आपकी बन गई स्पोर आपकी बन गई स्पोर चार स्पोर बन गई इनमें से इन स्पोर ने मेल माइसिलियम बनाया इन्होंने बनाया फीमेल माइसिलियम ये है मेल माइसिलियम और ये है आपका फीमेल माइसीलियम ऐसा कहां होता है ऐसा आपका जहां होता है वो मैं लिख देता हूं ऐसा कहां होता है ऐसा आपका होता है प्लाज्म ऐसा आपका होता है किस क्लास में ऐसा आपका होता है फाइको माइसिटीज क्लास में ऐसा आपका होता है फाइको माइसिटीज क्लास में ऐसा आपका होता है फाइको क्लास के अंदर फाइको क्लास के अंदर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मैंने माइसिलियम को मैंने माइसिलियम को मैंने माइसिलियम को सेप्टेट दिखाया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वाला स्टेप ये वाला स्टेप तो आपका एस्कोमाज में भी होगा बेसिडियो माइसिटीज में भी होगा कोई दिक्कत नहीं है अगर मैंने माइसिलम को सेप्टेट दिखा के बताया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वाला स्टेप तो एस्को माइसिटीज में भी रिपीट होगा और बेसिडियो माइसिटीज में भी रिपीट होगा कोई दिक्कत नहीं है यह आपका फाइको क्लास के अंदर होगा समझ में आया गाइस यसो नो योनो समझ में आया गाइस यस ओनो नो यस ओनो नो यस ओनो नो यस नो यस ओनो नो यस 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 अब देखिएगा एनसीआरटी में एक चीज मेंशन की है डाय ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिएगा डाय क्या है डाय क्या है ध्यान से समझिएगा देखिए ध्यान समझिएगा डायकेरियॉन क्या है बहुत ध्यान से बच्चों ये रहा आपका एक माइसीलियम ये रहा आपका एक माइसीलियम इसको मैंने बोला मेल माइसीलियम इसको मैंने बोला मेल माइसिलियम तो आपको मेल माइसिलियम में न्यूक्लियस दिख रहा है और इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है ये मेल न्यूक्लियस हो गया ये मेल न्यूक्लियस हो गया और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया जो बड़ा डॉट है जो आपका बड़ा डॉट है उसको मैं बोल रहा हूं जो बड़ा डॉट है लगे रहना जाना नहीं भाई जाना नहीं है जाना नहीं है भाई देख लो सेम एनर्जी से पढ़ा रहा हूं क्या थकता मैं नहीं हूं क्या मैं भी तो थकता हूंगा यार मेरी भी तो हालत खराब हो रही होगी तुम सोचो जरा ध्यान से भाई ध्यान से अपने घर में भी तो बाल बच्चे हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि बापू आएगा लेकिन भाई एनर्जी में कोई कमी नहीं आने देंगे जिस एनर्जी से शुरू किया था उस एनर्जी से खत्म करेंगे ठीक है तो पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से तो अगर मैं आपको बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से समझिएगा अगर मैं आपको बोला यहां पर आपके दो माइसिलियम है एक मेल माइसिलियम है और दूसरा आपका फीमेल माइसीलियम है ये रहा आपका फीमेल माइसीलियम ये रहा आपका फीमेल माइसीलियम ध्यान से देखिएगा क्या होगा ध्यान से देखिएगा क्या होगा ध्यान से देखिएगा तो इनमें सबसे पहले क्या हुआ इनमें सबसे पहले हुआ आपका प्लाज्मोगैमी इसमें सबसे पहले हुआ आपका प्लाज्मो गैमी तो प्लाज्मोगैमी में क्या होगा ध्यान से देखिएगा प्लाज्मोगैमी में क्या होगा ध्यान से देखिएगा जब ये फ्यूज होंगे जब ये आपके फ्यूज होंगे ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा फिर कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है ये रहा आपका और ये रहा आपका यह आपका प्लाज्मोगैमी हुआ इसके बाद देखिएगा क्या हुआ इसके बाद जो फीमेल माइसिलियम है सिर्फ वही बचेगा सिर्फ फीमेल माइसिलियम बचा देखिए यह फीमेल का न्यूक्लियस ये फीमेल का न्यूक्लियस और ये आपका मेल का न्यूक्लियस तो आपका सिर्फ कौन सा माइसिलियम बचा आपका सिर्फ फीमेल माइसिलियम बचा आपका फीमेल माइसिलियम बचा बच्चों दो न्यूक्लियस है एक मेल का और एक फीमेल का इस कंडीशन को बोलते हैं डाई कैरियॉन एन प्लस एन कंडीशन का मतलब होता है डाई कैरियन मतलब इसके अंदर एक आपका होता है मेल न्यूक्लियस और दूसरा आपका होता है फीमेल न्यूक्लियस एक मेल न्यूक्लियस है एक फीमेल न्यूक्लियस है एक मेल न्यूक्लियस है एक फीमेल न्यूक्लियस है ध्यान से देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा भाई सिर्फ एक ही चैप्टर लेगा आपके उम्मीद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और नहीं लेगा इसलिए कह रहा हूं बैठे रहना पूरा का पूरा मज लेना एकदम अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा ये है मेल माइसीलियम ये है फीमेल माइसीलियम यहां पर एन प्लस देखिए ये मेल माइसिलियम फीमेल माइसिलियम दोनों में आपका क्या हुआ दोनों में आपका क्या हुआ दोनों में आपका क्या हुआ हुआ दोनों फ्यूज हो गए उसके बाद सिर्फ फीमेल बचा ये nucleus, ये मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद देखिएगा क्या होगा ध्यान से देखिएगा इसके बाद देखिएगा क्या हुआ इसके बाद आपका मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया इसके बाद आपका मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया। जब मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया तो देखिए क्या होगा दो मेल न्यूक्लियस हो गए मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया तो आपके कितने मेल न्यूक्लियस हो गए आपके दो मेल न्यूक्लियस हो गए आपके दो मेल न्यूक्लियस हो, हो गए इसके बाद देखिए क्या हुआ इसके बाद आपका इसके बाद आपका इसके ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा और फील करिएगा क्या हुआ एक न्यूक्लियस बाजू वाले में चला गया एक न्यूक्लियस बाजू वाले में चला गया यह मेल न्यूक्लियस यहां चला गया तो कितनी एन प्लस एन, एन कंडीशन हो गई दो कंडीशन हो गई एन प्लस एन दो कंडीशन हो गई एन प्लस एन पहली कितनी एन प्लस एन थी एक अब कितनी हो गई दो पहली कितनी थी एक अब कितनी हो गई दो पहली कितनी थी एक अब कितनी हो गई दो पहली कितनी थी एक अब कितनी हो गई दो अब एक चीज मुझे बताइएगा सोच के बताइएगा क्या अभी तक कैरियोगी हुआ क्या अभी तक कैरियोगी हुआ बताइए क्या अभी तक हुआ क्या कैरियोगी हुआ बताइए मुझे क्या कैरियोगी हुआ बताइए क्या कैरियोगी हुआ अभी तक बताइए मुझे क्या अभी तक कैरियोगी हुआ बताइए मुझे क्या कैरियोगी हुआ बताइए मुझे क्या कैरियोगी हुआ अभी तक बताइए मुझे पहले एक एन प्लेस एन था अब कितने एन प्लेसन हो गए दो एन प्लस हो गए इसका मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद प्लाज्मोगेमी नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी प्लाज्मोगेमी के बाद एकदम से कैरियोगेमी नहीं हुआ प्लाज्मोगेमी के बाद एकदम से कैरियोगेमी नहीं हुआ प्लाज्मोगेमी के बाद सबसे पहला स्टेप हुआ प्लाज्मोगेमी प्लास्मोगेमी के बाद क्या हुआ प्लास्मोगैमी के बाद डाइकैरियो फेस हुआ डाइ कैरियो फेस हुआ जिसके अंदर आपने डाइकैरियो कंडीशन को एन प्लस एन कंडीशन को डाई कैरियॉन कंडीशन को इनक्रीज किया डाई कंडीशन को इंक्रीज किया पहले एक एन प्लस एन था अब कितने एनप्लस एन हो गए अब दो एन प्लस एन हो गए अब दो एन प्लस एन हो गए अब कैरियोगेमी होगा अब होगा कैरियोगेमी अगर तब कैरियोगेमी होता तो एक ही जायगोट बनता अब कितने जायगोट बनेंगे बताओ अब कितने जायगोट बनेंगे अब कितने जायगोट बनेंगे बताओ कितने जायगोट बनेंगे अब एक या दो अब कितने जायगोट बनेंगे एक या दो बताओ कितने जायगोट बनेंगे एक या दो कितने जायगोट बनेंगे एक या दो तो? बिल्कुल सही इसलिए डाइकैरिऑन लेकर आए इसलिए डाइकैरिऑन कंडीशन आई इसलिए डाइकैरिऑन कंडीशन आई आपने डाइकैरिऑन डाइकैरियो फेज का मतलब क्या हुआ आपने डाइकैरिऑन कंडीशन को बढ़ाया अब आपके दो जायगोट बनेंगे तो अब जब दो जायगोट बनेंगे इससे एक जायगोट इससे बना और एक जायगोट इससे बना तो कैरियोगेमी हुआ तो यह आपका जायगोट हुआ यह आपका जायगोट हुआ टू एंड कंडीशन ये टू एंड कंडीशन बताओ कितने म्योसिस होंगे एक म्योसिस या दो म्योसिस कितने म्योसिस तो प्लाज्मोगैमी के बाद क्या आता है प्लाज्मोगैमी के बाद डाई कैरियो फेस आता है और उसके बाद आता है आपका कैरियो गैमी अब कैरियोगी के बाद क्या होगा कैरियोगी के बाद होगा मियोसिस यहां भी क्या होगा मियोसिस बताओ चार स्पोर बनेगी या आठ स्पोर चार स्पोर या आठ स्पोर चार स्पोर या आठ स्पोर फोर या एट फोर या एट फोर या एट फोर या एट और थर्ड होगा आपका मियोसिस बताइए फोर या एट फोर या एट फोर या एट कितने स्पोर बनेंगे फोर या एट फोर या एट अब आपको समझ में आया कि डाय क्यों जरूरी है Baad, baad, क्यों नहीं हुई? Baad, क्यों नहीं हुई ताकि हम एन प्लस एन कंडीशन को इनक्रीज कर सकें जितनी ज्यादा एन प्लस एन कंडीशन होगी उतने ज्यादा जायगोट होंगे उतने ज्यादा म्योसिस होंगे उतनी ज्यादा स्पोर होगी तो प्लाज्मोगेमी ये चीजें होती हैं कहां पर ये चीजें होती हैं दो क्लास में एक को बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज और एक को बोलते हैं बेसिडियो माइसिटीज एक को बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज और एक को बोलते हैं बेसिडियो माइसिटीज एक को बोलते हैं एस्को माइसिटीज और एक को बोलते हैं बेसिडियो माइसिटीज तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी फिर से समझिएगा फिर से समझिएगा फिर से समझिएगा दो माइसिलियम थे मेल माइसिलियम और फीमेल माइसिलियम दोनों में प्लास्मोगी हुई दोनों के न्यूक्लियस साथ में आए मौका था कैरियोगी करने का मौका था कैरियोगी करने का पर बोला अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे एक ही बार करेंगे दबा के करेंगे दुनिया देखेगी ऐसा करेंगे अभी नहीं करेंगे अगर अभी करेंगे तो एक जायोड बनेगा अभी करेंगे तो एक जायोड बनेगा बाद में करेंगे तो दो जायकोट बनेंगे इन्होंने यहां पर मेल न्यूक्लियस को डिवाइड किया तो कितने मेल न्यूक्लियस हो गए दो इसमें से एक मेल न्यूक्लियस यहां पर चला गया तो कितने एन प्लस एन कंडीशन हो गई दो एन प्लस एन कंडीशन हो गई कितने जाएगोट दो कितनी बार म्योसिस दो बार कितने स्पोर आठ तो प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी नहीं होती प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी नहीं होती है पहले एक थी अब एक से दो हो गई पहले एक थी अब एक से दो हो गई पहले एक थी एक से दो हो गई प्लाज्मोगेमी के बाद डाय कैरियो आएगा उसके बाद कैरियोगेमी होगी उसके बाद मियोसिस होगा ऐसा होता है ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस मेरा नाम है रुपेश चौधरी समझ में आया तो यस लिख दीजिए आपको पता होना चाहिए डायकेर क्यों कराया जाता है ठीक है तो ये आपको आ गया ये आपको आ गया तो बच्चों ये आपको आ गया ये आपको आ गया ये आपको आ गया तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार रिपीट कर देता हूं देखिए ये पुराना वाला था फाइको में दो माइसिलियम थे प्लाज्मोगैमी हुई प्लाज्मोगैमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी आ गई और कैरियोगेमी के बाद क्या हो गया आपका मियोसिस हो गया और आपका क्या बना स्पोर हो गया मतलब फाइकोमाइसिटीज के अंदर नो डाइकैरियो फाइकोमाइसिटीज के अंदर नो डाइकैरियो फेस नो डाइकैरियो फेस लेकिन यहां पर दो माइसिलियम आए दोनों माइसिलियम फ्यूज हुए प्रोटोप्लास्ट एक जगह पर आया प्लाज्मा बोला यहां पर एन प्लस एन कंडीशन आ गई एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस हैप्लोइड फीमेल न्यूक्लियस हैप्लोइड इसलिए हमने बोला एन प्लस एन क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहे दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहे तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी उसके बाद मेल न्यूक्लियस डिवाइड करके कितने मतलब प्लास्मोगेमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी नहीं हुई प्लास्मोमी के बाद कैरियोगेमी एंड मियोसिस दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस फटाफट अब टाइम नहीं लगेगा अब टाइम नहीं लगेगा अब टाइम नहीं लगेगा फास्ट थोड़ा फास्ट करिए सर कर रहे बेटा कर रहे यार कर रहे अरे 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 चैप्टर देख कितना बड़ा चैप्टर है कितना बड़ा चैप्टर है आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तो उसको साढ़े चार घंटे में पढ़ा अब चैप्टर देख बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कितना बड़ा चैप्टर है भाई तो तू क्या सोच रहा है चार घंटे में खत्म करेंगे क्या अरे हलवा है क्या अली होता ठीक है ना करने का समझा क्या अरे समझा क्या अरे नेट खत्म हो गया अरे दीवाने कोई बात नहीं रिकॉर्डेड देख लेना यूट्यूब पे पड़ा रहेगा लेकिन एक बार जो लेक्चर जाए भाई बहस जाए ना बाबा ठीक है करने का बाबा

कि उनके अंदर कौन सा स्पोर बनेगी जूसपोर बनेगी या उनके अंदर कॉनेडिया बनेगा अभी मैं आपको कुछ स्पोर्स के बारे में बताऊंगा जैसे एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर अभी मैं आपको बताऊंगा बता। एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर घबराना नहीं अभी मैं आपको बताऊंगा रे मैं आपको बताऊंगा रे जूसपोर स्पोर फॉर्मेशन जूसपोर किसमें जूसपोर बनेगी किसमें कॉनेडिया बनेगा किसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनेगी सब बताऊंगा ये क्राइटेरिया है और तीसरा क्राइटेरिया था फ्रूटिंग बॉडी फ्रूटिंग बॉडी में भी आपको बताऊंगा फ्रूटिंग बॉडी में आपको बताऊंगा इसके लिए वेट करना फ्रूटिंग बॉडी बताऊंगा मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं जब मैं आपको बता दूंगा तो क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा जब मैं आपको बता दूंगा तो क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा तो तीन क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस में फंगस का क्लासिफिकेशन किया गया पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम दूसरा स्पोर फॉर्मेशन तीसरा फ्रूटिंग बॉडी फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या है फाइकोमाइसिटीज़ का कॉमन नेम है एल्गल फंगस बस याद रखना डायरेक्ट डट्टा मार के रखना इसको बोलते हैं एल्गल फंगस इसको बोलते हैं एल्गल फंगस हैबिटेट पर ये मिलेगा ये पैरासिटिक भी हो सकता है ये आपका एक्वेटिक भी हो सकता है ये आपका टेरिस्टियल भी हो सकता है इसका जो माइसीलियम होगा बताओ इसका माइसिलियम सेप्टेट होगा या एसेप्टेट होगा इसका माइसिलियम एसेप्टेट होगा और जब भी एसेप्टेट होगा तो कंडीशन आएगी आपकी सीनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लेटेड ए रिप्रोडक्शन इसमें होता है जूस स्पोर के थ्रू और दूसरी स्पोर है इसमें स्पोरनजियो स्पोर जूस और स्पोरनजियो स्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर जूस स्पोर और स्पोरेंजस्पोर

अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट दोनों के दोनों फ्यूजिंग गैमेट आपके मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। इफ बोथ बोथ फ्यूजिंग फ्यूजिंग गैमेट, इफ गैमेट, दोनों के दोनों आपके इसको मान लीजिए मेल गैमेट इसको मान लीजिए यह है मेल गैमेट और ये है आपका फीमेल गैमेट इफ बोथ फ्यूजिंग गैमेट अगर दोनों के दोनों फ्यूजिंग गैमेट्स आपके मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है आपके मोर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो आप इसको बोलेंगे आइसोगेमस अरे दीवाने इसको बोलेंगे आइसोगेमस अगर दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट देखने में एक जैसे हैं तो आप इसको बोलेंगे आइसोगेमस अगर ये देखने में डिसिमिलर है अगर ये देखने में आपके डिसिमिलर है तो इसको आप एनाइसोगेमेसी बोल सकते हैं और इसको आप उमेसी बोल सकते हैं अगर ये डिसिमिलर है देखने में तो आप इसको एनाइसोगेमेसी बोल सकते हैं और और आप इसको ऊ गैमेसी बोल सकते हैं अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट आपके मोरपोलॉजिकली सिमिलर है तो आप इसको आइसोग बोलेंगे अगर डिसिमिलर है तो आप एनाइसोगेमस बोलेंगे बच्चों फाइकोमाइसिटीज के अंदर फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो जायगोट बनता है जो जायगोट बनता है टू ये रहा आपका फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट बनता है वो जायगोट कवर्ड हो जाता है थिक वॉल से वो जायगोट कवर्ड हो जाता है थिक वॉल से तो ये आपका जायगोट है और इस जायगोट के चारों तरफ आपकी थिक वॉल आ गई तो जायगोट के चारों तरफ जब थिक वॉल आ जाती है तो थिक वॉल जायगोट को आप बोलते हैं जायगोस्पोर उसको आप बोलते हैं जायगोस्पोर उसको आप बोलते हैं जायगोस्पोर तो अगर मैं आपको बोला अरे दीवाने क्वेश्चन कहां से कराऊं पहले पढ़ाऊंगा तभी तो क्वेश्चन कराऊंगा अरे अरे सो जा तू सो जा मेरे भाई सो जा पहले पढ़ तो ले चार घंटे में खत्म करूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरे भाई चार घंटे में खत्म करूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है निपटाना है क्या चैप्टर को निपटाना है क्या तुम लोग क्वालिटी का लेने के लिए आए ना डब्ल्यू में तुम क्वालिटी का पढ़ने के लिए ना ना निपटाने निपटाने के के लिए लिए थोड़ी यार, थो जाना यार तो है तो अगर मेरे मेरे छोटे भाई सीख ले भाई हाथ जोड़ दो पहले सीख ले मेरे भाई सीख ले पहले बाद में कर लेना भाई, ले भाई भाई मेरी बात कोई बुरा मत मानना मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूं भाई मैं मेरी जुबान खराब हो सकती है पर मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूं भाई तुम तो मेरे छोटे भाई बहन हो ठीक है मेरी किसी बात का बुरा मत मानना भाई हम भी बाल बच्चे वाले लोग हैं यार हमें भी पढ़ाना है ठीक है तो अगर मैं तुमको बोला अगर भाई दिल पे ना लियो भाई ये तू मेरा दिल पे ना लियो मेरे भाई ठीक है हाँ दिल पे ना लियो तो अगर मैं आपको बोला देख मैं कहां पे था जायकोट में था मैं जायकोट में था तूने मेरा पूरा लैब बिगाड़ दिया जायकोट नहीं बनाने देता तू मुझे देख ये देख ये जायगोट है जायगोट के चारों तरफ कौन सी वॉल आ गई थिक वॉल आ गई तो जब जायगोट के चारों तरफ थिक वॉल आ गई तो ऐसे जायगोट को बोलते हैं जायगोसफोर ऐसे जायगोट को बोलते हैं जायगोसफोर और ऐसा बनता है के अंदर ऐसा बनता है आपका फाइको के अंदर तो ये आपने फाइको क्लास पढ़ ली ये आपने फाइको क्लास पढ़ ली और इसके एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल है एल्बुगो दूसरा एग्जाम्पल है म्यूकर तो जो म्यूकर होता है और एग्जाम्पल है आपका राइजोपस और आपका एग्जाम्पल होता है पस म्यूकर डंग पे ग्रो करता है इसको बोलते हैं डंग मोल्ड इसको बोलते हैं डंग मोल्ड राइजोपस ब्रेड पे ग्रो करता है इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड और ये है आपका पैरासेटिक फंगस यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए यकीन थ्री पॉइंट ओ वालो आए हुए हो कुछ भी कमेंट में लिखने से पहले एक बार एक चीज को समझना एक आदमी कितनी एनर्जी से तुमको पढ़ा रहा है तो अगर उसकी कदर नहीं कर सकते तो उसको डिसरिस्पेक्ट मत करना यह चीज याद रखना तुम्हें तो कमेंट का ऑप्शन दिया तुम तो कुछ भी लिख के चले जाओगे गाली भी दे जाओगे अपन क्या कर लेंगे यार गाली खा लेंगे लेकिन ऊपर वाला देख रहा है याद रखना नीट के दिन न्याय कर देगा पूरा का पूरा इसलिए कह रहा हूं भाई दुआ नहीं दे सकते तो भाई बद भी मत देना अरे इधर से नहीं पढ़ा रहा रे दीवाने इधर से पढ़ा रहा हूं इधर से इधर से पढ़ा रहा हूं रे इधर से पढ़ा रहा हूं जमे रहना डटे रहना डटे रहना एकदम ऐसे कैसे डटे रहना भाई बस ज्यादा टाइम नहीं है फंगस खत्म होता ही वायरस में टाइम ही लगता वायरस में टाइम ही लगता भाई वायरस में टाइम लगता ध्यान से भाई फंगस एक बार लेक्चर रहेगा भाई जिंदगी भर रहेगा आराम से पढ़ना उसके बाद तो आपको यह समझ में आ गया नेक्स्ट क्लास है का काम नहीं एक घंटे में फ्री कर दूंगा, एक में फ्री कर दूंगा भाई। लेकिन जमे रहना भाई जमे रहना जमे रहना यार जमे रहना दिल टूट जाएगा दिल टूट जाएगा नहीं तो दोबारा नहीं आऊंगा पढ़ाने के लिए याद रखना दिल टूट जाएगा जमे रहना भाई एसको माई सिटीज एसको माई सिटीज ध्यान से एसको माई सिटीज एस्को माई सिटीज एस्कोम का कॉमन नेम सैक फंसाई कॉमन नेम सैक फंसाई अभी बताऊंगा सैक फंसाई क्यों बोलते हैं अभी बताँगा. अभी बताऊंगा एक चीज और बतानी है फ्रूटिंग बॉडी यहीं पर बताऊंगा फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है ये जो मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया था यहां पर जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था फ्रूटिंग बॉडी ये क्वेश्चन मार्क अभी हटेगा ये क्वेश्चन मार्क अभी हटेगा कहां पर हटेगा कहां पे हटेगा अभी इस क्लास में हटेगा इस क्लास में क्वेश्चन मार्क हटेगा इस क्लास में क्वेश्चन मार्क हटेगा यहां मैं आपको बताऊंगा ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिएगा अब एस्कोमाइसिटीज को आपने क्या बोला सैक फंगस बोला यूनिसेलर या मल्टीसेल्यूलर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर तो ये आपके मोस्टली मल्टीसेल्यूलर होते हैं बट जो यीस्ट होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है न्यूट्रिशन ये सेप्रोफेटिक भी होते हैं ये आपके पैरासिटिक भी होते हैं ये आपके डिकम्पोजर भी होते हैं और ये कॉप्रोफिलस भी होते हैं कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ये आपके डंग पे ग्रो करते हैं ये आपके डंग पे ग्रो करते हैं मतलब ये जो होते हैं आपके ये आपके जो होते हैं ये जो होते हैं आपके न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक भी हैं पैरासिटिक भी हैं डिकम्पोजर भी, है, भी है. का मतलब होता है जो डंग पे ग्रो करते हैं जो डंग पे ग्रो करते हैं जो ड्रंग पे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं इसका जो माइसिलियम होता है बच्चों इसका माइसिलियम जो होता है इसका माइसिलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है इसका माइसिलियम सेप्टेट होता है और ए स्पोर जो इसके अंदर बनती है वो आपकी बनती है कॉनिडिया वो आपकी बनती है कॉनिडिया अब जरा लाइफ साइकिल समझेगा लाइफ साइकिल समझिएगा बहुत आसान है ध्यान से समझिएगा लाइफ समझिएगा बहुत ही आसान है लाइफ साइकिल को समझाने के लिए लाइफ साइकिल को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं इसी चीज को यहां से कॉपी कर लेते हैं हाँ इसी चीज को हम यहां से आपका कॉपी करें या दोबारा से इसको बता देते हैं एक मिनट क्योंकि मुझे आसानी हो जाएगी इसको बताने में तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं नहीं कोई बात नहीं एक बार और बच्चे का रिविजन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है फ्रेश बताएंगे फ्रेश बताएंगे एसको माइसिटीज ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा दो माइसिलियम है अब एन के अंदर एसको का अब एसको कार्प कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं उसके लिए लाइफ साइकिल बतानी पड़ेगी नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएगा कभी भी समझ में नहीं आएगा लव फ्रॉम राजपुर रोड देहरादून ओके ओके भाई ओके भाई तो अगर मैं आपको बोला, अगर मैं मैं आपको आपको बोला बोला ठीक है आ आ रहा रहा हूं हूं बेटा मैं देहरादून आ रहा हूं जल्दी आ रहा हूं मिलेंगे बेटा मिलेंगे समझ गए अप्रैल में आ रहा हूं अप्रैल में आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं तो अगर मैं आपको बोला अगर मैं आपको बोला यहां पर ये रहे आपके दो माइसीलियम मेल माइसिलियम और फीमेल माइसीलियम मैं आपको समझाने जा रहा हूं एस्कोस्पोर एंड एस्कोकार एस्को माइसिटीज में दोनों चीजें लिखी हैं एस्कोकार्प लिखी है और एस्कोस्पोर लिखी है वो मैं यहां समझाने जा रहा हूं वो मैं यहां समझाने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा अब यहां पर ये दोनों माइसिलियम फ्यूज हुए जब ये कौन सा माइसिलियम है ये मेल माइसिलियम है ये कौन सा माइसिलियम है फीमेल माइसिलियम है तो जब ये फ्यूज हुए तो मैंने आपको कहा था एक ही रहेगा एक ही रहेगा ये देखिए एक ही रहेगा ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए फ्यूज होने के बाद एन प्लस एन और ये रहा एन इसके बाद क्या हुआ था इसके बाद बताओ क्या हुआ था इसके बाद मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया था इसके बाद आपका मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया था तो आपके मेल न्यूक्लियस जो हुआ वो डिवाइड किया मेल न्यूक्लियस आपका क्या हुआ डिवाइड किया तो बच्चों ये है आपका मेल न्यूक्लियस मेरी भी गले की बैंड बच गई है बेटा लेकिन क्या करें रेस का एक नियम होता है एक बार शुरू हो गई तो पूरी करनी पड़ती है फिर चाहे तुम आगे हो या फिर तुम पीछे हो करना पड़ता है तो मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस दोनों माइसीलियम फ्यूज हुए तो मेल गायब हो गया सिर्फ फीमेल बचा इसका न्यूक्लियस इसमें आ गया ये देखिए मेल माइसीलियम गायब हो गया इसका न्यूक्लियस इसमें आ गया इस कंडीशन को क्या बोला था इस कंडीशन को क्या बोला था इसको आपने बोला था प्लास्मो गैमी अब देखिए इसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ बताइए इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आपका जो एक मेल न्यूक्लियस था एक मेल न्यूक्लियस था वो यहां पर आ गया ये मेल न्यूक्लियस यहां पर आ गया तो अब बताइए कितने एन प्लस एन हो गए अब आपके दो एन प्लस एन हो गए अब आपके दो एन प्लस एन हो गए तो यहां से ये सेल एक स्ट्रक्चर बनाएगी इस तरीके से और ये सेल इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगी इसके अंदर ये आपके दो न्यूक्लियस आ गए हैं ये दो न्यूक्लियस आ गए ये जो स्ट्रक्चर बना है सैक लाइक -like. एस्कस ये जो स्ट्रक्चर बना सैक लाइक -like, इसको बोलते हैं एस्कस इसको बोलते हैं एस्कस अब इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर होगा आपका कैरियोगी <coughs> <coughs> तो जब कैरियोगी हुआ तो बताइए क्या हुआ कैरियोगी हुआ तो आप बताइए आपका क्या हुआ कैरियोगी हुआ तो आपका बना जायगोट कैरियोगेमी हुआ तो आपका बना जायगोट और जायगोट के बाद आपका होगा मियोसिस और जायगोट के बाद जब आपका मियोसिस होगा तो आपके चार स्पोर बनेंगे आपके चार स्पोर बनेंगे ये आपके चार स्पोर बने ये जो चार स्पोर बने ये हैप्लोइड ये हैप्लोइड ये हैप्लोइड ये हैप्लोइड तो ये जो चार स्पोर बने हैं इन स्पोर को बोलते हैं एस्कोस्पोर एस्कोस्पोर होते हैप्लोइड है, है एस्कोस्पोर बनते हैं एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर देखो खेल कितना बड़ा था देखो खेल कितना बड़ा था ध्यान से देखिए एस्कोस्पोर अब एनसीईआरटी में एस्कोस्पोर लिखा हुआ है उसको समझाने के लिए तो ये बताना पड़ेगा ना उसको समझाने के तो ये बताना पड़ेगा ना तो अगर मैं आपको बोला 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 कि अगर मैं आपको बोला कि दो माइसिलियम थे ये मेल माइसिलियम है ये फीमेल माइसिलियम है दोनों माइसिलियम एक दूसरे के क्या आ गए क्लोज आ गए दोनों माइसिलियम एक दूसरे के क्लोज आ गए उसके बाद ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस साथ में आ गए इसको बोला प्लास्मी दोनों का प्रोटोप्लास एक जगह पर आ गया इसको बोला प्लास्मी फिर मेल न्यूक्लियस डिवाइड किया वो मेल न्यूक्लियस यहां से इसमें आ गया तो कितनी एनप्लस एन कंडीशन हो गई दो एनप्लस एन कंडीशन हो गई यहां पर एक एनप्लस थी यहां दो हो गई ये स्ट्रक्चर किस में ट्रांसफर्म हो गया एस्कस में ट्रांसफॉर्म हो गया इस स्ट्रक्चर ने क्या बना लिया एस्कस बना लिया कितने एस्कस बन गए दो तो मैंने एक में बताया है वो चीज यहां पर भी होगी मैंने आपको एक में बताया है यहां पर कैरियोगी होगी तो आपका क्या बनेगा बनेगा फिर आपका म्योसिस होगा उसके बाद आपकी स्पोर बनेगी और ये जो स्पोर बनी है एस्कस के अंदर बनी है एस्कस के अंदर बनी है तो अगर मैं आपसे बोलता हूं साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड म्योसिस क्या है साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड म्योसिस क्या है तो अगर मैं बोलता हूं कि साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस क्या है साइट ऑफ कैरियोगी और मियोसिस है आपका एस्कस साइट ऑफ कैरियोगी और मियोसिस क्या है आपका एस्कस अरे आ रहा है अरे आ रहा है अरे आया यहां तक समझ में आया एस्कस के अंदर आपका कैरियोगी हुआ एस्कस के अंदर आपका कैरियोगी हुआ आपका जायगोट बना फिर मियोसिस हुआ चार स्पोर मनी ये चार स्पोर सेक्सुअल स्पोर है इनको एस्को स्पोर बोलते हैं ये एप्लॉइड है ये एंडोजीनस है ये एंडोजीनस है, है अरे समझ में आया तो लिख दो यस जाना नहीं बस बैठे रहना जाना नहीं बस थोड़ा सा टाइम और है भाई बैठे रहना एस्कोमैसेज पे पहुंच गए बस थोड़ा सा टाइम और है भाई बैठे रहना तो ये हमने एस्कोमैसिटीज के बारे में पढ़ लिया ये हमने एस्कोमैसिटीज के बारे में पढ़ लिया एडिबल फंगस एडिबल फंगस नीट में क्वेश्चन आया था एक होता है मॉरल्स एक होता है ट्रफल्स मॉरल्स एंड ट्रफल्स मॉरल्स एंड ट्रफल्स किसके एग्जाम्पल है एस्कोम इनको खाते हैं ये एडिबल फंगस होते हैं इसके अलावा इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसके अलावा इसमें आएंगे पेनिसिलियम, आपके एग्जाम्पल आएंगे एस्परजिलस आपका एग्जाम्पल आएगा इसके अंदर क्लेवी सेप्स ये सब एनसीआरटी में लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल आएगा न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स का बहुत सारा काम जेनेटिक्स का बहुत सारा काम अगर मैं कहूं कि जेनेटिक्स का जो बहुत सारा काम है बायोकेमिकल वर्क जेनेटिक्स का जो वर्क है वो आपका न्यूरोस्पोरा पे किया गया है न्यूरोस्पोरा पे किया गया है जेनेटिक्स का बहुत सारा काम जो है बहुत सारा काम जो है जेनेटिक्स का वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर किया गया है इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं बट वो हमें याद नहीं रखना जेनेटिक्स का बहुत सारा काम न्यूरोस्पोरा फंगस पे किया गया है तो आपने एस्कोमाइसिटीज पढ़ लिया होगा आपने एस्कोमाइसिटीज पढ़ लिया होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है आपका बेसिडियो नेक्स्ट है आपका बेसिडियो

बेसिडियोमाइसिटीज और हां एक और चीज सुनिए एक और चीज सुनिए असली चीज तो बताई नहीं एग्रीगेशन ऑफ एस्कस एग्रीगेशन ऑफ एसकस एग्रीगेशन ऑफ एस्कस इज कॉल्ड एस्कोकार्क एग्रीगेशन ऑफ एस्कस इज कॉल्ड एस्को कार्क एग्रीगेशन ऑफ एस्कस एग्रीगेशन ऑफ एस्क एस्कोकार कॉल्ड एस्कोकार इसी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी इसी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी एस्कस के एग्रीगेशन को एस्कस के एग्रीगेशन को बोलते हैं एस्कोकार इसी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी एस्कस के एग्रीगेशन को बोलते हैं एस्कोकार इसी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी आज तुम्हें फील हुआ होगा फंगस में एस्कस स्पोर क्या होती है आपको समझ में आया होगा एस्कस क्या होता है समझ में आया होगा एसकोकार्प क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा तो एस्कस के एग्रीगेशन को हमने बोला एस्कोकार्प जिसको हमने बोला फ्रूटिंग बॉडी तो ये जो आपके एस्कस थे ये जो आपके एस्कस थे इन एस्कस के एग्रीगेशन को मैंने बोला फ्रूटिंग बॉडी इन एस्कस के एग्रीगेशन को बोला आपने फ्रूटिंग बॉडी इनके इनको मिलाकर मैंने बोला एस्कोकाप इसको मिलाकर मैंने बोला एस्कोकाप आइए आइए बेसिडियोमाइसिटीज पर आइए कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम क्लब फंजाई कॉमन नेम क्लब फंजाई देखो मैंने आपको बता दिया कॉमन नेम देखिए मैंने आपको बता दिया सैक फंजाई क्यों बोला मैंने आपको बता दिया सैक फंजाई क्यों बोला क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनते थे लाइक ये जो स्ट्रक्चर बने हैं सैकलाइक -like, जिसको आप बोलते हैं एस्कस तो एसकस सेकलाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कैरियोगेमी होता है जिनमें मियोसिस होता है इसलिए इसको सैक फंगस बोलते थे इसके लिए इसको सैक फंगस बोलते थे अब है नेक्स्ट आपका है बेसिडियोसिटीस नेक्स्ट है आपका बेसिडियोसिटीस क्लब फंगस अभी बता दूंगा तो क्लब फंगस क्यों बोलते हैं मशरूम मशरूम जो होते हैं मशरूम को मैंने आपको बताया था कि मशरूम जो होता है यहां मैंने आपको बता दिया है कि जो मशरूम होता है कहां पे मैंने आपको बताया था अभी अभी मैंने आपको बता दिया था मशरूम के बारे में मैंने आपको सबसे पहले पेज पे बताया था आई थिंक मशरूम के बारे में ये रहा मशरूम तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा ये देखिए यहां मैंने मशरूम के बारे में बताया है ये देखिए ये पूरा का पूरा मैंने मशरूम के बारे में बताया है तो इसको उठा के ले जाना कहां पर बेसिडियोसिटीज के अंदर तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह मशरूम के अंदर पड़ चुके हैं हम मशरूम के अंदर पड़ चुके हैं तो इस पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूंगा इस पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा मशरूम हो गया ब्रैकेट फंगस पफ फंगस ये सब इसके अंदर होते हैं ब्रैकेट फंगस पफ फंगस दोनों वर्ड एनसीआरटी में लिखे हैं दोनों वर्ड एनसीआरटी में लिखे हैं ब्रैकेट फंगस पफ फंगस मशरूम ये सब एसिडियोमैसिटीज के अंदर होते हैं ये सब आपके बेसिडियो के अंदर होते हैं ये आपका एनसीआरटी के अंदर लिखा हुआ है तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद आप और स्मट, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं रस्ट और स्मट रस में मैंने आपको बताया था पक्सीनिया और स्मट में मैंने आपको बताया था यूस्टी लेगो और मशरूम के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि दो चीजें थी एक एडिबल था और एक आपका नॉन एडिबल था एडिबल जो था उसको आप बोले थे उसको आप बोले थे एगेरिकस उसको आप बोले थे एगेरिकस और नॉन एडिबल जो था उसको आप बोले थे माइसीलियम कैसा होगा माइसिलियम जो होगा इसका आपका सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा ए सेक्शुअल स्पोर इसके अंदर एब्सेंट होती है याद रखिएगा सेक्शुअल स्पोर इसके अंदर एब्सेंट होती है इसके अंदर होती 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 है, 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 है ये ये एक लिख रहा चैप्टर घंटे में खत्म करना था अरे दीवाने लिविंग वर्ल्ड को साढ़े चार घंटा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन को दो घंटा भाई अपने बस की नहीं है यार अपने को भगवान ने इतनी क्वालिटी नहीं दी भाई अपने बस की नहीं है तू जा तू गोवा जा भाई तू गोवा जा तू गोवा निकल जा बेटा अभी निकल जा गोवा निकल जा तुरंत देख ले दो घंटे में क्यों भाई पंद्रह मिनट में बना ले चैप्टर शॉर्ट पे शॉर्ट शॉर्ट पे शॉर्ट शॉर्ट पे शॉर्ट अरे दीवाने पढ़ना है सूं थोड़ी ना है भाई पढ़ना है दो घंटे में पढ़ाऊंगा फिर दो घंटे के हिसाब से क्वालिटी आएगी मेरे भाई तो छोटे भाई दिल पे ना लियो गोवा ना जाइयो गोवा ना जाइयो यहीं रहो यहीं रहो निकल यही गया क्या गोवा चला गया क्या नहीं नहीं अभी नहीं गया अभी यही बसड़ मचाएगा अभी नहीं गया गोवा देखिए भाई स्पोर इसके अंदर क्या होती है होती होती है है स्पोर जो होती है, वो एबसेंट होती है भाई मेरी किसी बात को दिल पे मत लियो मैं पहले बता रहा हूं मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूं मेरे को बोलने का नहीं पता है लेकिन मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूं छोटे भाई बहन हो तुम मेरे ठीक है बहुत रिस्पेक्ट करता हूं तुम्हारी भाई पढ़ा रहा है पढ़ लो यार समझ रहे हो यार बिना खाए पिए लगे हुए यार अपने भी बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि बापू आएगा और यहाँ आ जाओ भाई आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ ठीक है सोना नहीं भाई सोना नहीं है भाई सोना नहीं है भाई सोना नहीं बिल्कुल भी सोफे पे मत लेट सोफे से उठ जा हर काम तू लेट के करता है सारे काम लेट के थोड़ी ना होंगे बेटा पढ़ाई करनी है सोफे पे मत लेट सोफे पे मत लेट पूरे दिन सोफे पे लेटा रहता है पूरे दिन पता नहीं सोफे पे लेट के क्या करता रहता है सोफे पे लेट ठीक है तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका होता है फ्रेगमेंटेशन से फ्रेगमेंटेशन से और इसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होते इसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होते एस्कोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन होते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं यहां मैं लिख देता हूं नोट डाल के एस्कोमाइसिटीज में आपके और फाइकोमाइसिटीज में आपके सेक्स ऑर्गन मिलते हैं उन दोनों में आपके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट यहां पर सेक्स ऑर्गन आपके एबसेंट होते हैं इसके बाद है आपका इसकी लाइफ स्किल लाइफ स्किल को समझिएगा ध्यान से समझिएगा ध्यान से ध्यान से समझिएगा भाई ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिएगा जनरल कैरेक्टर में बता दिया रस्ट और यहां पे बताया इधर पे बताया तो बताया स्टार्टिंग में बता दिया बेटा स्टार्टिंग में बता दिया रस्ट और तो स्मट पूरा का पूरा देख ये देख यहां पे बता दिया था रस्ट और स्मट पूरा का पूरा बता दिया था सब बताया भाई नहीं तो दो घंटे में बना देता लेक्चर यार ये एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा में अपने को क्या ही काम करना आया ही नहीं यार अपने से होता नहीं है समझ दो तीन घंटे तीन में तो मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझाता हूं मेरे भाई हां लाइव स्किल लाइव स्किल को समझिएगा लाइव स्किल को समझिएगा लाइव स्किल को समझिएगा तो अगर मैं आपको बोलता हूं ये रहा आपका एक फंगस ये है मेल फंगस और यह है आपका फीमेल फंगस दो फंगस आपके आ गए हैं यह है आपका मेल फंगस ये है आपका फीमेल फंगस तो मेल फंगस हो गया आपका और दूसरा आपका हो गया फीमेल फंगस एक आपका हो गया मेल फंगस और दूसरा आपका हो गया है फीमेल फंगस इन दोनों में सेम वही चीज हुई इन दोनों में भी सेम वही चीज हुई आपका सबसे पहले क्या हुआ आपका हुआ प्लाज्मोगैमी प्लाज्मोगैमी और ये दोनों जो माइसीलियम है ये वेजिटेटिव माइसिलियम है कैसे माइसिलियम है वेजिटेटिव माइसीलियम है इन्हीं को बोलते हैं सोमेटिक माइसीलियम बच्चों देखिए एक चीज को समझना एनसीआरटी में लिखा है समझ में नहीं आएगा नहीं तो ध्यान से समझना सबसे पहले जो माइसिलियम होते हैं वो वेजिटेटिव होते हैं और वेजिटेटिव माइसिलियम कन्वर्ट होते हैं रिपोडक्टिव माइसीलियम में तो अभी तक आपने जहां कहीं पर भी आपने एस्कोमाइसिटीज देखा आपने फाइको देखा वहां जो भी माइसिलियम सेक्सुअल रिपोर्टन करने के लिए आ रहे थे वो सब रिपोर्डक्टिव माइसिलियम थे ये ये सब थे कैसे माइसिलियम थे ये माइसिलियम थे ये थे। ये, थे ये जो माइसिलियम आ रहे थे ये सब कैसे माइसिलियम थे ये रिपोडक्टिव माइसिलियम थे बट बेसिडियो माइसिटीज में जो सेक्सुअल रिपोर्डक्शन करने के लिए आएंगे वो वेजिटेटिव माइसीलियम होंगे वेजिटेटिव माइसिलियम होंगे बच्चों जैसे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो प्लांट एकदम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता पहले उसके अंदर जुवेनालाइटी होती है पीरियड होता है मतलब उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ आती है मतलब उसमें रूट स्टेम और लीव का फॉर्मेशन होता है बाद में फूल बनता है बाद में फूल बनता है तो प्लांट एकदम से सीधा काम पे नहीं लगता कि सीधा जाके मैं सेक्सुअल रिपोर्टेशन करूंगा प्लांट में पहले रूट बनेगी स्टेम बनेगी लीव बनेगी प्लांट में पहले वेजिटिव ग्रोथ आएगी बाद में रिपोर्डक्टिव ग्रोथ आएगी ऐसे ही फंगस के अंदर पहले वेजिटेटिव माइसिलियम बनते हैं बाद में रिपोडक्टिव माइसिलियम बनते हैं तो रिपोडक्टिव माइसिलियम जो होते हैं वो सेक्सुअल रिपोर्डक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं है बट बेसिडियोमाइसिटीज में वेजिटेटिविव माइसिलियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये डिफरेंस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ यहां पर आप देखिए क्या हुआ सेम वही चीज ध्यान से देखिए क्या हुआ ये देखिए मेल न्यूक्लियस तो मतलब एन प्लस एन इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आपका फिर से क्या हुआ इसके बाद आपका अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा कितने न्यूक्लियस हो गए दो तो मतलब मेल न्यूक्लियस जो हुआ वो आपका क्या करा मेल न्यूक्लियस आपका कर गया डिवाइड मेल न्यूक्लियस आपका कर गया है डिवाइड दगे रहना जाना नहीं मेल न्यूक्लियस आपका कर गया है डिवाइड और उसके बाद क्या होगा देखिएगा इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपका इसके बाद आपका दो एन प्लस एन कंडीशन दो एन प्लस एन कंडीशन मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर गया कंडीशन इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेसिडियम इससे एक स्ट्रक्चर बना ये रहा और इससे एक स्ट्रक्चर बना ये रहा तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये रहा आपका ये येल्लो वाला ये वाइट वाला ये वाइट और ये येल्लो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये जो स्ट्रक्चर बना ये इसमें चेंज हो गया ये इसमें चेंज हो गया तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं बेसिडियम तो मैं इन बेसिडियम को एक साथ बना लेता हूं मैं इन बेसिडियम को एक साथ बना लेता हूं तो आप देखिए क्या हुआ आप देखिए क्या हुआ आपके दो बेसिडियम बन गए इसके अंदर ये एक फीमेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस ये मेल न्यूक्लियस ये मेल न्यूक्लियस इसने एक बैसिडियम बनाया इसने एक बैसिडियम बनाया कितने बैसिडियम हो गए आपके दो बैसिडियम हो गए अब क्या होगा अब होगा आपका कैरियोगैमी। अब आपका होगा कैरियोगैमी। कैरियोगी जब आपका हुआ तो आपका जायगोट बन गया तो जब आपका कैरियोगेमी हुआ तो आपकी जो चीज बनी ये आपकी 2n है ये आपकी 2n है आपकी जो चीज बनी वो आपकी बन गई जायगोट ये आपका बन गया जायगोट ये आपका बन गया है जायगोट ये आपका बन गया जायगोट और फिर आपका होगा म्योसिस अरे आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना अगर आप मेरे को एक साल के लिए मिलते इलेवंथ में मिलते या ट्वेल्थ में मिलते या ड्रॉपर में मिलते तो मैं इसको आराम से करीब पंद्रह सोलह घंटे लगा के आराम आराम से सजा सजा के बढ़िया हैंडराइटिंग में अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कराता लेकिन अभी भी वन शॉर्ट है यार वन शॉर्ट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना बच्चों यस और नो यस और नो कल कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों के मैं कॉम्पिटिशन चैनल पे जाके कमेंट पढ़ूंगा अपने लेक्चर के नीचे बढ़िया बढ़िया कमेंट करना भाई अगर लेक्चर में मजा आया तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करना ये नहीं कि कमेंट पढ़ते ही मुझे उल्टी आ जाए भैया बढ़िया बढ़िया कमेंट करना पढ़ूंगा वहाँ पर तभी तो अच्छा लगेगा कि भाई रात भर पढ़ाया क्लास लेने का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ तभी तो मजा आएगा वहां पे कमेंट मत कर देना सर मैं गोवा चला गया था <laughs> देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा <coughs> तो अब अब मैं कोटा में पढ़ाता हूं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ अपने बच्चों के जो यहाँ ऑफलाइन बैचेस हैं उनके नाम ले देता हूं मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे जो कोटा में यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक बारह एम है एक तेरह एम है एक पंद्रह ई है एक इक्कीस एम है एक अपना तेईस एम है एक अपना इकतीस इकतीस है एक अपना बत्तीस है एक अपना तैतीस है तो ये अपने बैचेस हैं अपने यकीन थ्री पॉइंट ओ वाले जिंदाबाद तो भाई ये हमारे बैचेस हो गए आपको बैचेस बता दिए हैं इनका जो भी बैठा होगा वो खुश हो जाएगा सर ने हमारे बैच का नाम ले दिया ठीक है तो अब आप देखिएगा अब आप देखिएगा आपके ये जो दो स्ट्रक्चर है बेसिडियम ये बेसिडियम क्लब लाइक -like होते हैं ये जो बेसिडियम आपका बनता है ये क्लब लाइक -like होता है बेसिडियम इसलिए इनको क्लब फंगस बोलते हैं ये बेसिडियम जो होता है ये क्लब लाइक -like होता है तो आप देखिए दो बैसिडियम आपके बन गए दो बैसिडियम मतलब बैसीडियम में हुई। बन गए जायगोट के बाद क्या होगा बताओ जायगोट के बाद क्या होगा जायगोट के बाद होगा मियोसिस और जायगोट के बाद जब मियोसिस होगा जायगोट के बाद जब मियोसिस होगा तो आपकी चार स्पोर बनेंगी आपकी चार स्पोर बनेंगी ये चार स्पोर जो आपकी बनी है ये सेक्सुअल स्पोर है ये स्पोर आपकी हेप्लॉइड है, है और इन स्पोर को ये स्पोर एक्सोजीनस है और इन्हीं स्पोर को बोलते हैं बेसिडियोस्पोर बेसिडियोस्पोर चार स्पोर बनी बेसिडियोस्पोर इसके ऊपर बनी बेसिडियम के ऊपर बनी तो बच्चों एक्सोजीनस बनी सेक्सुअल है हेप्लॉइड है बेसिडियोस्पोर है समझ में आया तो लिख दीजिए यस yes. समझ में आया तो लिख दीजिए यस थर्टीन ईबी अरे थर्टीन ईबी वालो माफ करना भाई तुम भी तो हमारे ही हो थर्टीन ईबी वाला भी रह गया था थ्री पॉइंट ओ वाले भी आ गए हैं ठीक है ठीक है, है भाई ठीक है नहीं तो क्लास में छोड़ेंगे नहीं हाँ कमेंट पे कहां से रिप्लाई करूं भाई इतने सारे बैठे हुए हैं इसके अंदर हाँ कल करूंगा कमेंट पे रिप्लाई कल करूंगा जब तुम कमेंट करोगे तब रिप्लाई करूंगा तो ये आपका बेसिडियो बन गया ये आपका बेसिडियो स्पोर बन गया आपको समझ में आ गया होगा आपको समझ में आ गया होगा तो ये आपको समझ में आ गया है तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं अगर ये आपको समझ में आ गया बेसिडियो हमने पढ़ लिया ठीक है और इसके बाद है ड्यूट्रोमाइसिटीज और फंगस खत्म ड्यूट्रोमाइसिटीज का कॉमन नेम होता है अरे हां दीवानो एग्रीगेशन ऑफ एसिडियम एग्रीगेशन ऑफ एसिडियम बताओ एग्रीगेशन ऑफ एसिडियम एग्रीगेशन ऑफ एसिडियम एग्रीगेशन ऑफ बताइए एग्रीगेशन ऑफ एसीडियम क्या बोलेंगे एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम क्या बोलोगे बताओ बताओ जब तक मैं पीछे मुड़ूंगा चैट बॉक्स में लिखा होना चाहिए एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम क्या होगा एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम कॉल्ड एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम कॉल्ड मैं पीछे मुड़के देखूंगा तो चैट में लिखा होना चाहिए ये जो मैं लिख रहा हूं बेसिडियो कार इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी तो आपको समझ में आ गया होगा यस यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया बहुत हार्ड है भाई बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है इन सभी जनता के लिए तालियां

ड्यूट्रोमाइसिटीज ड्यूट्रोमाइसिटीज का जो फंगस होता है इसके कॉमन नेम होता है फंगस इम परफेक्टाइ इसको इम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट स्टेज एबसेंट होती है परफेक्ट स्टेज एब्सेंट होती है और परफेक्ट स्टेज का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट होता है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है अगर किसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको परफेक्ट स्टेज बोला जाता है बट यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसलिए इसको इम परफेक्ट फंगस बोला जाता है ये परफेक्ट फंगस नहीं है क्योंकि इनके अंदर परफेक्ट स्टेज एब्सेंट है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट होता है इनका जो माइसिलियम होता है वो माइसिलियम आपका सेप्टेट होता है ब्रांच होता है ए सेक्शुअल स्पोर इनके अंदर मिलेगी जो मिलेगी वो है क्वानिडिया कुछ मेंबर्स कुछ मेंबर्स जो होते हैं इनके अगर मैं आपसे बात करता हूं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके वो आपके एबसेंट होते हैं तो सम मेंबर्स आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक डिकम्पोजर ज्यादातर इसमें क्या है ज्यादातर इसमें क्या है ज्यादातर इसमें क्या है ये आपके डिकम्पोजर है ज्यादातर जो इसके अंदर होते हैं वो आपके डिकम्पोजर होते हैं ज्यादातर जो होते हैं वो आपके डिकम्पोजर होते हैं तो ये सेप्रोफिटिक है पैरासिटिक है उसमें मोस्टली डिकम्पोजर एनसीआरटी में वर्ड लिखा है लिटर एनसीआरटी में वर्ड लिखा है लिटर लिटर का मतलब होता है फ्रेश लीफ ऑन ग्राउंड चाहते चाहते पेड़, से पेड़ से जो अभी नए नए पत्ते टूटे हैं पेड़ से जो अभी नए नए पत्ते टूटे हैं जो सॉइल पर आए हैं जिनका अभी स्टार्ट होगा जिनका अभी स्टार्ट होगा उनको बोलते हैं लिटर उनको बोलते हैं लिटर पेड़ से जो टहनिया गिरी हैं पेड़ से जो छोटी छोटी ब्रांचेस गिरी हैं, पेड़ से जो पत्ते गिरे है हैं जिन पे अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा उनको बोलते हैं लिटर 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 तो अगर मैं आपको बोला इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर किया गया इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड इन मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज के किसी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर किया गया तो दैट मेंबर शिफ्टेड टू दैट मेंबर शिफ्टेड टू ईदर एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के किसी मेंबर में ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के किसी एग्जाम्पल में अगर सेक्सुअल पर्सन देखा गया तो लोगों ने उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में रहने नहीं दिया उसको उठा के या तो बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया या एस्कोमाइसिटीज में रख दिया अरे इसमें मान लीजिए मान लीजिए पचास फंगस है पचास में से फोर्टी एट सेक्सुअल डिप्रक्शन नहीं करते दो लोग सेक्सुअल डिप्रेशन कर रहे हैं तो जो फोर्टी एट है उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये दो लोग अजीब से हैं ये सेक्सुअल कर रहे हैं इनको उठा के डाल दिया या तो बेसिडियो में डाल दिया या में डाल दिया बोला तुम लोग कैसे सेक्सुअल डिप्रेशन करने लगे आओ जरा मैं तुम्हें उठाता हूं और तुम्हें शिफ्ट कर देता हूं या तो में या शिफ्ट कर देता हूं बेसिडियो के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका ऑल्टरनेरिया और होगा आपका कोलेट्रो ट्राइकम तो आपका ऑल्टर हो गया कोलेट्रो ट्राइकम आपका इसका एग्जाम्पल हो गया है तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए एग्जाम्पल इसमें और भी बहुत सारे हैं जैसे मैं आपको बोलूं हेलीमेंथो पोरियम हेलीमेंटो पोरियम तो ये इसके आपके एग्जाम्पल हो गए हैं ऑल्टरनेरिया हो गया आपका एग्जाम्पल हो गए तो किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों ट्राइकोडर्मा जो होता है वो रिंग वॉर्म करता है ट्राइकोडर्मा जो होता है वो आपका रिंग वॉर्म करता है तो बच्चों यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है अगर यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए देख लो बेटा चैप्टर खत्म होने वाला है फंगस खत्म कर दिया एनर्जी देख लेना भाई एनर्जी देख लेना एनर्जी कम नहीं हुई है अरे हम भी इंसान है यार आ जाओ फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ फाइको का माइसी कैसा था एसेप्टेट था कैसा था सीनोसिटिक था इसका कैसा था था। इसका कैसा था सेप्टेट था इसका कैसा है सेप्टेट है ए सेक्शुअल स्पोर इसमें कौन कौन सी है इसमें एसेक्सुअल स्पोर है जू स्पोर अरे यही तो टेबल तुम्हें चाहिए बट ये टेबल डायरेक्ट नहीं मिलती ना यार शुरू में बताया था खून से लिखी कहानी है सीआई से नहीं बढ़ेगी आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी ये है जूसपोर स्पोर यहां मिलेगा कॉनेडिया यहां पर ए सेक्शुअल स्पोर एबसेंट होगी यहां पर आपका मिलेगा कॉनेडिया सेक्शुअल स्पोर फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपकी मिलेगी जाइगोस्पोर और एक और मिलती है ऊस्पोर दोनों जाइगोट के लिए वर्ड यूज करते हैं एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्पोर है वो होगी एस्कोस्पोर एस्कोस्पोर हैप्लॉइड है और एंडोजीनस है एंडोजीनस है यहां जो बनेगी वो बेसिडियोस्पोर बनेगी बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड है और वो आपकी एक्सो जीनस है और ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एबसेंट होता है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट है एस्कोमाइसिटीज में एस्को कार्प है और इसके अंदर बेसिडियोकार्प है और इसके अंदर आपका एबसेंट है समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस समझ में आ गया तो फंगस फंगस खत्तं, फंगस खत्तं, लिख दीजिए यस लिख दीजिए यस पंगस खत्म पंगस खत्म रे फंगस खत्म पंगस खत्म लिख दीजिए यस जाना मत बस दो मिनट का टाइम दो दो मिनट का टाइम दो जाना मत पानी पी रहा हूं मैं जाना मत ब्रेक नहीं है यही रहना जाना मत ब्रेक नहीं है दो मिनट का टाइम दो बस मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है दो मिनट का टाइम दो जाना नहीं है हमेशा एक चीज याद रखना तुम छोटे बच्चे हो हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करना हमेशा लोगों की इज्जत करना कभी किसी को गाली नहीं देना कभी किसी को गलत नहीं बोलना मतलब हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करना बस मैं तुमसे यह चाहता हूं यार अपना संबंध सिर्फ नीट तक नहीं है कि तुम लोग डॉक्टर बनोगे तो भाई आएगा भाई मिलेगा अपना संबंध लाइफ लॉन्ग रहेगा भाई अपन साथ में रहेंगे अपना हमेशा अपनी गाइडेंस तुमको हमेशा मिलेगी तो अपना जो संबंध है भाई वो लाइफ लॉन्ग होगा बात समझ में आया अभी छोटे बच्चे हो भाई समझ रहे हो तो हमेशा खुश रहो मस्त रहो बच्चे भगवान का रूप होते हैं हंसते हुए अच्छे लगते हैं ठीक है और बस यही है दो घंटे में तो मैं भी खत्म कर देता यार दो क्या एक घंटे में कर देता बट वो बात नहीं आती यार समझ लो वो? वो बात नहीं आती पूरा बच्चा देखेगा रिकॉर्डेड देखेगा कभी भी देखेगा ना इसको तेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि ये वन शॉट है तेरे को लगेगा ये शॉर्ट पे शॉर्ट है ठीक है शॉर्ट पे शॉर्ट शॉर्ट पे शॉर्ट शॉर्ट पे शॉर्ट अपना तो वन शॉट भी शॉर्ट पे शॉर्ट ही रहेगा तो कभी भी देखेगा ना तो तेरे को मजा आएगा एकदम पूरा डिटेल पढ़ाया भाई पूरा डिटेल तू पढ़ के देख लेना पूरा का पूरा डिटेल है एकदम पूरा एनसीआरटी कवर किया है कुछ भी ज्ञान व्यान नहीं बेचा अननेसेसरी कुछ ज्ञान नहीं दिया अपन भी लगे हुए पांच बजे अपन ने भी खाना नहीं खाया यार अपने भी घर में फैमिली इंतजार कर रही होगी बापू आएगा <laughs> कभी कुछ पढ़ाते हुए कुछ गलत निकल गया हो तो भाई दिल पे नहीं लेना समझ गए यहां से सुनना यहां से निकालना मस्त आदमी है मजाक करने की आदत है क्या है कभी कभी निकल जाता है <laughs> समझो पढ़ाते हुए इतना पढ़ाते हैं यार बच्चे को बांध के रखना थोड़ा हंसी मजाक भी तो चलता है ना तो मुंह से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना बाबा निकल जाता है कभी कभी तो उसको दिल पे नहीं लेना समझना बड़ा भाई है भाई छोड़ो ना यार जान लगा के पढ़ा रहा है एक आधी चीज तो बोलता भी है ना तो चलता है ना बाबा बस एक मिनट और देना एक मिनट और देना चल रहा है अभी हाँ चलने दो तो... गरम पानी दीजिएगा गरम पानी ना है ना भाई जी चलो भाई एनर्जी आ गई एनर्जी आ गई एनर्जी आ गई करा देंगे फंगस का रिवीजन करा देंगे बस इसके बाद फिर रिवीजन ही कराएंगे बेटा एनर्जी आ गई एनर्जी आ गई आ जाओ भाई सारे आ जाओ, जाओ सारे आ जाओ चिंटू पिंटू रोहन सोहन मोहन सारे आ जाओ भाई सारे आ जाओ सारे आ जाओ भाई सारे आ जाओ आप आ जाओ आपा चल रहे आपा चल रहे सारे आ जाओ भाई सारे आ जाओ आ जाओ भाई सारे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ आ गए भाई आ गए सारे आ गए चिंटू पिंटू सब आ गए भाई आ जाओ भाई आ जाओ सारे आ जाओ आ गए भाई आ गए चलो भाई आप शुरू कर रहे हैं भाई फटाफट फटाफट अब टाइम ही लगेगा भाई अब टाइम ही लगेगा मुश्किल से पंद्रह या बीस मिनट मुश्किल से पंद्रह या बीस मिनट भाई इतिहास याद रखेगा तुम लोगों को कि तुम इतनी रात तक भाई के साथ लगे हुए इतिहास जब भी पढ़ा जाएगा तुम्हें याद रखेगा बीस परसेंट बैटरी अरे पंद्रह परसेंट में काम कर देंगे पांच परसेंट बचा के रखना बात करने के लिए अभी देख फटाफट फटाफट बात करने के लिए नहीं वायरस वायरोइड मैंने कहा ना मैं कुछ भी बोलता उसको उधर मत समझना भाई ठीक है तो अगर मैं आपको बोला वायरस वायरोइड प्राइन्स एंड लाइकन इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ जल्दी से आ जाओ <laughs> पूरा मजा ले रहे हो पूरा मजा ले रहे हो ठीक है पूरा मजा ले रहे हो गरम लिया ना खत्म हो गया चलो ठीक है आ जाओ भाई सारे आ जाओ एनी प्लेस इन फाइव किंगडम नहीं इन लोगों को नो no प्लेस इनको कोई स्थान नहीं दिया गया फाइव किंगडम में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया वायरस कैसा है वायरस नॉन सेलुलर है वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता वायरस के अंदर राइबोसोम नहीं होता वायरस सेल नहीं है वायरस इज नॉट अ सेल तो वायरस में प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है वायरस में प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है वायरस आपका सेल नहीं है वायरस आपका नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है वायरस आपका नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है इसका मतलब ये एक्सेप्शन हो गया किसका एक्सेप्शन हुआ सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हुआ अरे सेल थ्योरी की बातें तो सेल के लिए लागू होती हैं सेल थ्योरी की बातें तो सेल के लिए लागू होती हैं और वायरस तो सेल है ही नहीं इसका मतलब सेल थ्योरी की जो बातें हैं वो वायरस पे लागू नहीं होती सो वायरस इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी टर्म वायरस बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें टर्म वायरस सबसे पहले एक एनसीआर थी उसमें टर्म वायरस दिया था पाश्चर उसके बाद एक और एनसीआर आई उसमें टर्म वायरस दिया गया इवन इसकी। अब जो एनसीआर चल रही है मार्केट में उसमें बेजरनिक लिखा हुआ है कईयों के पास वो एनसीआर होगी जहां पास्टर लिखा हुआ है कईयों के पास वो एनसीआरटी भी होगी जहां इवन एस की लिखा हुआ है बट आप टर्म वायरस में याद रखिएगा बेजरनेक यहां पर आप याद रखिएगा बेजरनेक और एक्चुअल में अगर आप सर्च करेंगे नेट पर आप किसी रिसर्च पेपर में सर्च करेंगे तो वहां पर भी बेजर को ही दिया गया है कि सबसे पहले जो वायरस टर्म थी वो आपकी बेजर ने दी थी अगर बेजरनिक ऑप्शन में ना मिले तब आप इवोनस्की लगाएंगे तब आप इवोनस्की लगाएंगे नहीं तो आप बेजरनिक लगाएंगे डेफिनेशन वायरस जो है आपका वायरस जो है आपका एक पॉइनस है वायरस आपका एक पॉइजनस फ्लूड है और इसी को बोलते हैं वेनम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बच्चों अगर मैं वायरस के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये इसका हेड है और ये जो आपको दिख रही है येलो कलर से जो आपको दिख रहा है ये ये इसकी टेल है इसको आप बोलते हैं टेल इसको आप बोलते हैं टेल और ये है इसका हेड ये है इसका हेड और ये जो हेड होता है ये हेड ये आपकी हेड जिससे बना है इसको बोलते हैं कैप्सिड इसके हेड को बोलते हैं कैप्सिड इसके हेड को बोलते हैं कैप्सिड और कैप्सिड इसके प्रोटीन कोट को बोलते हैं तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है ये हेड है हेड को ही मैंने क्या बोला कैप्सिड हेड को ही मैंने क्या बोला प्रोटीन कोट और ये जो चीज आपको दिख रही है पिंक कलर से जो चीज आपको दिखी ये ये इसकी टेल है ये इसकी टेल है ये इसकी यहां पर टेल है और यहां से आपके इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं एंड प्लेट इसको बोलते हैं एंड प्लेट और यहां पर इस तरीके से सिक्स फोर फाइव सिक्स ये आपके पिन प्रेजेंट होते हैं और यहां से आपके ऐसे करके निकलती हैं टेल फाइबर ये आपकी निकलती हैं टेल फाइबर तो इनको आप बोलते हैं टेल फाइबर इनको आप बोलते हैं टेल फाइबर इनको आप बोलते हैं टेल फाइबर तो बच्चों ये हेड है हेड को मैंने बोला कैप्सिड कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट ये टेल है और टेल जहां पे लगी हुई है उस प्लेट को बोलते हैं एंड प्लेट तो ये जो व्हाइट कलर का गोला है इस गोले को क्या बोला है इसको एंड प्लेट बोलते हैं और नीचे आपको ये जो दिख रहे हैं नीचे आपको जो ये दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनको बोलते हैं टेल पिन इनको आप <coughs> इनको आप बोलते हैं टेल पिन इनको आप बोलते हैं टेल पिन और यहां से आपकी ये सिक्स दिख रही है टेल फाइबर तो कैप्सिड क्या है कैप्सिड आपका प्रोटीन कोट है जो किसका बना हुआ है ये इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती हैं इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती हैं उनको आप बोलते हैं कैप्सोमियर तो ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हैं आपके कैप्सोमियर ये हैं आपके कैप्सोमियर ये हैं आपके कैप्सोमियर तो बच्चों आपको हेड दिख गया हेड मतलब कैप्सिड कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट तो वायरस में प्रोटीन कोट होती है वायरस में टेल होती है वायरस के अंदर एंड प्लेट होती है एंड प्लेट में नीचे टेल पिन होते हैं और एंड प्लेट से आपकी टेल फाइबर निकलती है और कैप्सिड मतलब प्रोटीन और ये प्रोटीन जिन छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है इनको बोलते हैं कैप्सोमियर और अंदर आपका प्रेजेंट होता है अंदर आपका प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल तो अंदर आपका प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल तो अंदर आपका प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल ये जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड ये आपका हो सकता है या तो डीएनए या फिर आरएनए एक साथ नहीं होगा या, हो या, हो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा तो वायरस के अंदर दो चीजें हैं वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है और वायरस के अंदर कैप्सिड है वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है और वायरस के अंदर कैप्सिड है वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड है एनल पढ़ने की जरूरत नहीं है एनलप पढ़ने की जरूरत नहीं है एनलप पढ़ने की जरूरत नहीं है तो यह आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम आगे चलेंगे तो पैरासाइट वायरस जो होता है वायरस डिपेंड अपॉन होस्ट वायरस जो होता है वो होस्ट पे डिपेंड करता है वायरस जो होता है वायरस जो होता है वो होस्ट पे डिपेंड करता है इसका मतलब वायरस एक ऑब्लिकेट इंट्रासलुलर पैरासाइट है जिस नाम के पहले ऑब्लिगेट लग जाए ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली मैंडेटरी Obligate का मतलब 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 होता है strictly. Strictly मतलब mandatory. Strictly मतलब mandatory. जिस नाम से पहले आपका ऑब्लिगेट लग जाए, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली मतलब ये एक parasite है, मतलब पैरासाइट है मतलब ये आपका किसी होस्ट पे ही ग्रो करेगा कोई वायरस कोई वायरस दीवार पे ग्रो नहीं कर सकता कोई वायरस न्यूट्रेंट मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकता उस वायरस को मेरी बॉडी पे ग्रो करना पड़ेगा मैं उसका होस्ट हूं तो वो मुझे वो मुझे होस्ट की तरह काम करेगा तो वायरस एक पैरासाइट की तरह हो गया ऑब्लिगेट पैरासाइट राइबोसोम इसके अंदर एबसेंट होते हैं राइबोसोम इसके अंदर एबसेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर होता है कनेक्टिंग लिंक है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किस किस के बीच में किस किस के बीच में बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग तो कुछ लोग कहते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है लिविंग क्यों बोला लिविंग क्यों बोला लिविंग क्यों बोला लिविंग क्यों बोला क्योंकि इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है लिविंग क्यों बोला क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है तो लोग कहते हैं कि ये लिंक है ये लिंक है किसके बीच में लिंक है बस बेटा भूख लग रही है बस थोड़ी देर और रुक जा थोड़ी और देर रुक जा मेरा तो गला सूख गया भाई सलाइवा भी नहीं आ रहा है ध्यान से देखिएगा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग 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 एंड नॉन का मतलब हो गया इसमें डीएनए भी है इसमें प्रोटीन भी है नॉन लिविंग का मतलब हो गया प्रोटोप्लाज एबसेंट है तो कुछ लोग इसको तो कह देते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है मशीनरी मशीनरी किसकी यूज करता है मशीनरी यूज करता है होस्ट की होस्ट की मशीनरी को यूज करता है इवनि का और तीसरा साइंटिस्ट है आपका स्टैनले इवन ने क्या बताया था इवन ने जो बताया था इन्होंने बताया था कि एक वायरस होता है जिसको आप बोलते हैं टोबैको मोजिक वायरस टोबैको मोजिक वायरस जो होता है वो एक डिजीज करता है जिसको आप बोलते हैं टोबैको मोजिक डिजीज टोबैको मोजिक डिजीज तो टोबैको मोजिक डिजीज टोबैको मोजिक डिजीज जो है वो टोबैको मोजिक वायरस करता है टोबैको मोजिक डिजीज जो है वो आपका टोबैको मोजिक वायरस करता है ये बताया था आपका इवन स्का ने ये कहा मान लीजिए आपका एक हेल्दी प्लांट है टोबेको का मान लीजिए एक हेल्दी प्लांट है किसका हेल्दी प्लांट है बोला एक हेल्दी प्लांट है टोबेको का आपके पास एक हेल्दी प्लांट है का तो ये हेल्दी प्लांट में अगर आप किसी वायरस से कराओगे अगर किसी वायरस से इन्फेक्शन कराओगे तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा वो प्लांट जो होगा आपका वो प्लांट इंफेक्टेड हो जाएगा इनफेक्टेड हो जाएगा तो मतलब ये मेरे पास एक प्लांट है ये प्लांट अब इन्फेक्टेड प्लांट है तो एक हेल्दी प्लांट था टोबैको का जिसमें मैंने वायरस का इंफेक्शन करवाया तो वो इंफेक्टेड हो गया तो मैंने क्या किया इस प्लांट से एक एक्सट्रेक्ट निकाला उस एक्सट्रैक्ट को मैं बोल रहा हूं फ्लुइड और उस फ्लूड को मैं बोल रहा हूं कॉन्टेगियम वाइवम Fluid. उस फ्लुड के अंदर क्या होगा उस फ्लूड के अंदर होगा वायरस और अगर मैं इस फ्लुड को किसी हेल्दी प्लांट में डालूंगा तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा वो प्लांट हो जाएगा इन्फेक्टेड वो प्लांट आपका हो जाएगा इन्फेक्टेड फिर से सनमी का मेरे पास एक हेल्दी प्लांट है मेरे पास एक हेल्दी प्लांट है मेरे पास आपका एक हेल्दी प्लांट है एक सेकंड मेरे पास आपका हेल्दी प्लांट है उस हेल्दी प्लांट में मैंने एक वायरस डाला उस हेल्दी प्लांट के अंदर मैंने आपका वायरस डाला उस हेल्दी प्लांट में मैंने आपका वायरस डाला और वायरस डालने के बाद वो प्लांट इंफेक्टेड हो गया उसके बाद मैंने इसमें से एक एक्सट निकाला एक फ्लूड निकाला उस फ्लूड को मैंने बोला कॉन्टेगियम फ्लूडम जो किसका सोर्स है वो वायरस का सोर्स है भाई अगर मुझे कोरोना हो गया है तो मेरे नेसल सिक्रीशन जो होंगे नेसल सिक्रीशन में क्या मिलेगा कोरोना वायरस मिलेगा तो मेरा नेसल निकाल के अगर मैं किसी के अंदर डाल दू तो उसको कोरोना हो जाएगा ऐसे इसका, इसका जो निकाला गया उस को बोला कॉन्टेगियम वाइव फ्लूडम और इस फ्लूड को उठा के हमने हेल्दी प्लांट में डाल दिया और हेल्दी प्लांट आपका हो गया इन्फेक्टेड स्टैनले ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था वायरस को क्रिस्टलाइज किया था उसके क्रिस्टल बनाए थे उसने बताया था कि क्रिस्टल में मेनली मिलता है प्रोटीन क्रिस्टल में मेनली मिलता है प्रोटीन क्रिस्टल में मेनली मिलता है प्रोटीन यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए यहां तक समझ में आया तो yes यस लिखिए फटाफट यस लिखिए अनिरुद्ध भाई यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए अनिरुद्ध यहां आवाज मत निकालना बेटा वायरल हो जाएगी नहीं तो तेरी आवाज ठीक है वायरस जो होता है वायरस जो होता है इनेट का मतलब होता है इनएक्टिव इनेट का मतलब होता है इनएक्टिव तो वायरस जो होता है वो इनएक्टिव होता है वायरस जो होता है वो आपका इनएक्टिव होता है आउटसाइड दी सेल आउटसाइड द सेल आउटसाइड द सेल प्लांट सिम्ट सिम्ट की बात करता हूं प्लांट सिम्टम्स की मैं बात करता हूं तो रोलिंग एंड करलिंग ऑफ लीफ जो पत्ती होगी पत्ती रोल कर जाएगी पत्ती कल कर, कर जाएगी पत्ती ऐसे है पत्ती मुड़ जाएगी पत्ती कल कर, कर जाएगी पत्ती की रोलिंग हो जाएगी दूसरा है स्टंटेड एंड ड्रोथ प्लांट की जो ग्रोथ है वो छोटी हो जाएगी प्लांट छोटा हो जाएगा प्लांट छोटा हो जाएगा प्लांट छोटा हो जाएगा और जो लीफ प्रेजेंट है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है वेन में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है अब यहां से क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा यहां से आपका क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा क्लोरोफिल के लॉस होने की वजह से आपकी जो पत्ती होगी उसमें वेन का कलर येलो हो जाएगा वेन का कलर कैसा हो गया वेन का कलर येलो हो गया तो इसको आप बोलते हैं वेन क्लियरिंग इसको आप बोलते हैं वेन क्लियरिंग और नेक्स्ट है लास्ट मोजेक पैटर्न मोजेक पैटर्न आपकी जो पत्ती है उसमें कुछ पोर्शन तो ग्रीन रहेगा और कुछ पोर्शन येल्लो हो जाएगा तो जो पोर्शन येल्लो हो जाएगा वहां पर इसका मतलब क्लोरोफिल गायब हो गया वहां पे क्लोरोफिल आपका डिसअपियर हो गया और जो पोर्शन ग्रीन है वहां पर आपका जो क्लोरोफिल है वो आपका प्रेजेंट है तो दो तरह का पैटर्न आ गया ग्रीन और येलो पत्ती आधी ग्रीन हो गई पत्ती आधी येलो हो गई सर टुडे इज माय बर्थडे नीट अब्दुल अब्दुल भाई अब्दुल भाई हैप्पी बर्थडे भाई तेरा बर्थडे है हैप्पी बर्थडे पांच छह बार लिख चुका है अब्दुल अब्दुल भाई हैप्पी बर्थडे अब तो खुश हो गया खुश हो गया अब्दुल भाई देख तेरा आना आज कामयाब हो गया ठीक है और किसी का बर्थडे तो बता दो भाई पहले बर्थडे विश ही कर लेता हूं जल्दी बताओ बाद में पढ़ा लूंगा बाद में पढ़ा लूंगा पहले बर्थडे विश कर लेता हूं ठीक है यहां देखिएगा भाई यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा आप मोजिक पैटर्न पत्ती आधी हरी है पत्ती आधी येल्लो है प्रांस पे आ गए बच्चों खत्म होने वाला है खत्म होने वाला है यहां तक समझ में आया तो लिखिए यस यहां तक समझ में आया तो लिखिए यस और बताओ भाई किस किस का बर्थडे है अब्दुल भाई दिल पे ना लियो अपन तो मजाक करते रहते हैं भाई दिल के साफ आदमी अपनी थोड़ी जवान खराब है लेकिन दिल के साफ आदमी है बाबा और बढ़िया किसी का बर्थडे तो ले लो बर्थडे विश नहीं ले लो बर्थडे विश मास्टर तो बाद में पढ़ा लेगा अभी लेक्चर के बाद तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा रिप्लाई भी करूंगा बढ़िया बढ़िया कमेंट करना समझ में आया हो तो खून ही कमेंट करना सर मैं गोवा से बोल रहा हूं अरे दीवाने अभी गोवा जाने का समय थोड़ी ना आया है जब समय आएगा तो तुम अपने आप ही चले जाओगे बस हो गया हो गया भूख लग रही है अरे भूखेड़े बस दो मिनट रुक जा दो मिनट रुक जा भूख लगती है रोटी पे टूट पड़ेगा मुझे मालूम है रुक जा अभी रुक जा सांस तो लेने दे भाई पता चला आदमी बीच में निपट गया बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन रह जाएगा तो इसको करके निपटेंगे ना बाबा प्रायंस 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 क्या है प्रायंस एक एबनॉर्मल प्रोटीन है एबनॉर्मल प्रोटीन है एबनॉर्मल प्रोटीन है देखिए प्रोटीन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं आप अल्फा हेलिक्स अगर ये प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाए बीटा शीट में किस फॉर्म में बीटा शीट में देखिए अगर हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो अल्फा हेलिस की फॉर्म में है तो वो नॉर्मल है अगर ये प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाए ये कन्वर्ट हो जाए बीटा शीट में तो इस एबनॉर्मल प्रोटीन को बोलते हैं प्रायंस इसको बोलते हैं प्रायंस इसलिए एनसीआरटी में लिखा हुआ है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को बोलते हैं प्रायंस और ये सबसे पहले मिला था शिप के अंदर किसके अंदर मिला था शिप के अंदर बच्चों एक शिप थी जो दीवार से टकरा के चल रही थी ऐसे दीवार से टकरा के चल रही थी तो जब शिप भेड़ जिसको भेड़ बोलते हैं जब वो शिप दीवार से टकरा के चल रही थी तो शीप की स्किन निकल रही थी स्किन खराब हो रही थी उसकी स्किन गिर रही थी तो लोगों ने कहा कि भाई अगर शीप इस तरीके से दीवार से टकरा के निकलेगी तो ऊन का लॉस हो जाएगा वूल का लॉस हो जाएगा क्योंकि हमें शीप की स्किन चाहिए ऊन बनाने के लिए और शीप दीवार से टकरा के क्यों चल रही है क्या शीप पागल हो गई है तो इन्होंने शीप का दिमाग स्टडी किया जब इन्होंने शीप का दिमाग स्टडी किया तो देखा शीप का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था क्योंकि शीप का न्यूरॉन डिजेनरेट हो चुका था शीप का गौर फरमाइएगा शीप का न्यूरॉन डीजनरेट हो चुका था शीप का न्यूरॉन डिजेनरेट हो चुका था मतलब ये कैसा डिसऑर्डर करता है यह करता है न्यूरो लॉजिकल डिसऑर्डर और शिव के दिमाग में एक एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन मिला उस एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को बोलते हैं प्रायंस एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को बोलते हैं प्रायंस तो शिव के दिमाग में एक प्रोटीन था जो एबनॉर्मली फोल्डेड हुआ था जो था। तो अच्छा था, बीटा शीट की फॉर्म में प्रेजेंट था अगर वो नहीं था वो एबनॉर्मल प्रोटीन शीप के दिमाग में मिला और वो उसका वो उसका वो उसका न्यूरोन को डीजेरेट कर रहा था जिसकी वजह से शिव का मानसिक संतुलन खराब हो गया था उसका इक्लिब्यम उसका पॉस्टर मेंटेन नहीं हो पा रहा था इसलिए वो दीवार से टकरा के चल रही थी और उस फोल्डेड प्रोटीन को बोला गया prines. बताओ फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कहां हुई थी शीप के अंदर हुई थी जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं मिलता जेनेटिक मटेरियल इसमें एबसेंट होता है इसका साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू वायरस वायरस के जैसा इसका साइज होता है यह बीमारी करता है कहां पर कैटल में और ह्यूमन में तो इंफेक्शियस एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन यह वायरस नहीं है क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता एक एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को प्रायंस बोलते हैं यह वायरस नहीं है यह वायरस नहीं है यह वायरस नहीं है वायरस होता तो जेनेटिक मटेरियल मिलता प्रोटीन कोट मिलती ना कैप्सिड मिलता ना जेनेटिक मटेरियल मिलता ना कैप्सिड मिलता ना जेनेटिक मटेरियल मिलता एक एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को बोलते हैं प्रायंस कैटल में बीमारी करता है फॉर्म एनसीफेलो पैथी जिसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज मैड मतलब पागल मैड मतलब पागल तो काउ के लिए मैड वर्ड यूज क्यों किया क्योंकि काउ में भी न्यूरॉन डीजेनरेट हो रही थी काउ में भी न्यूरॉन डी हो रही थी क्योंकि ये न्यूरॉन को डिजेनरेट करता है दीवानो ये न्यूरॉन को डिजेनरेट करता है और ह्यूमन के अंदर ये करता है क्रूज जैकब सिंड्रोम क्रूज फेल जैकब सिंड्रोम क्रूज जैकब सिंड्रोम क्रूज फेल सिंड्रोम ह्यूमन के अंदर भी ये न्यूरॉन को डीजेरेट करता है ह्यूमन के अंदर भी न्यूरॉन को डीजनरेट करता है तो हमने आपका पढ़ लिया प्रायंस हमने आपका पढ़ लिया प्रायंस और प्रायंस के बाद है आपका वायरॉयड वायरोइड की जो डिस्कवरी है वो डिनर ने की थी इसमें सिर्फ आपका आरएनए मिलता है फ्री आरएनए, फ्री आरएनए एन विथ आउट प्रोटीन कोट विथ आउट प्रोटीन कोट यहां प्रोटीन कोट नहीं है यहां जेनेटिक मटेरियल है इसलिए यह वायरस नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है वायरस होने के लिए जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए और वायरस होने के लिए वायरस होने के लिए वायरस होने, होने के लिए प्रोटीन कोट भी चाहिए इसमें सिर्फ आर मिलता है प्रोटीन कोट नहीं मिलती कैप्सिड इसके अंदर एबसेंट है इसके अंदर जो आर होता है उस आर का जो मॉलिकुलर वेट होता है उस आर का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो लो होता है और इसका साइज स्मॉलर देन वायरस स्मॉलर देन वायरस और ये डिजीज करता है आपका पोटैटो के अंदर जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज हमें डिजीज के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीआरटी में सिर्फ नाम लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें सिर्फ डिजीज का नाम याद रखना है पोटैटो स्पेंडल ट्यूब डिजीज पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज पोटैटो स्पेंडल ट्यूब डिजीज वायराइड हो गया दीवानो आखिरी टॉपिक लाइक इन जशन मनाओ लिखो अगर यहां तक समझ में आया यस बस पांच मिनट पांच मिनट लिखो यस जाना नहीं जाना नहीं लिख दो यस आ गया बस आ गया आ गया लाइकन 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 के अंदर दो चीजें होती हैं एक होता है एलगी और एक होता है फंगस एलगी और फंगस में सिंबायोटिक रिलेशनशिप है दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते एलगी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है एलगी जो होता है यह फंगस को फूड प्रोवाइड करता है एलगी जो होता है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है तो बच्चों और फंगस को ये फूड प्रोवाइड करता है एलगी जो होता है वो आपका होता है फाइकोबियंट फंगस को बोलते हैं माइकोबियंट क्योंकि एलगी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी और फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी एलगी फाइकोबियंट है फंगस आपका माइकोबियंट है एलगी जो होता है वो फाइव परसेंट होता है फंगस जो होता है वो 95 फाइव परसेंट होता है एलगी प्रोवाइड फूड टू फंगस फंगस प्रोवाइड टेल्टर टू एलगी एलगी जो होता है वो ऑटोट्रॉप होता है और फंगस जो होता है वो आपका हेट्रोट्रॉप होता है ये इंडिकेटर है बहुत फेमस क्वेश्चन लाइकन इज इंडिकेटर ऑफ लाइकन इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन मतलब जहां पर एसोटू मिलेगा वहां पर लाइकन नहीं मिलेगा अगर एसो टू प्रेजेंट है अगर किसी एरिया में एसोटू प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पर लाइकन एबसेंट होगा वहां पर लाइकन एबसेंट होगा तो बच्चों दिस एलगी फूड टू फंगस एलगी जो होता है प्रोवाइड फूड टू फंगस बिल्कुल सही है तो बच्चों ये लाइकन के बारे में था ये आज का लेक्चर था और मैंने इसके पीछे पी क्यू क्वेश्चन लगाए हुए हैं PYQ क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और PYQ क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो स्टार्टिंग के 15 20 मिनट में इस चैप्टर के PYQ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के PYQ क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे 15 20 मिनट लगेगा परेशान मत होइएगा बिल्कुल परेशान मत होइएगा अगर लेक्चर में मजा आया तो भाई जाते-जाते खुशी से जाना हंसते हुए जाना मस्त होकर बैठना चौड़े होके बैठना स्ट्रेस फ्री होके बैठना क्योंकि भाई फिर आएगा थैंक यू थैंक यू सो मच इतना टाइम दिया मुझे बियर किया इतना टाइम आपने दिया बारह बजे तक आप जगे रहे अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू और भाई फिर आएगा